हे गाइस, मैं तौसीफ खालिद और आप देख रहे हैं बिल्ली फॉर यू द सिंपल वे। ये है फिल्मोरा 13 का कंप्लीट वीडियो एडिटिंग कोर्स। बिगिनर्स एंड न्यू कंटेंट क्रिएटर्स के लिए फिल्मोरा लाइफ सेवर है। इसमें वो सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जो कि जरूरी है। लो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, फ्रेंडली यूजर इंटरफेस, ऑल इंपॉर्टेंट फीचर्स लोडेड विद टन्स ऑफ रेडी टू यूज इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स, इंटीग्रेटेड ट्रेंडिंग AI टूल्स। सिंपली फिल्मोरा मोर देन एनफ है 90% कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। ये कोर्स बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा, किसी भी तरह के प्रीवियस नॉलेज की जरूरत नहीं है। इस कोर्स को मैंने मल्टीपल चैप्टर में डिजाइन किया है, तो आप इजीली जो है वो दूसरे टॉपिक के ऊपर जंप कर सकते हैं। जैसे कि आपको करंट कलेक्शन सीखना है या उसको रिवाइज करना है, तो आप इजीली चैप्टर की हेल्प से जो है उस टॉपिक के ऊपर जो है वो जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर एंड प्रैक्टिस फाइल की डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए बढ़ते हैं कोर्स की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आपका जो भी फीडबैक है वो आप कमेंट में जरूर लिखिए। और इसी तरह के कंटेंट के लिए आप जो है वो बिल्ली फॉर यू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरी पर्सनल शेयरिंग चैनल तौसीफ खालिद को जो है वो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नाउ लेट्स गो गाइस। अगर आप एज ए वीडियो एडिटर, एज ए ग्राफिक डिजाइनर अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर आप अपनी कंटेंट क्रिएशन और फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारा प्रीमियम फ्रीलांसिंग बंडल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप सीख पाएंगे प्रोफेशनली जीरो टू एडवांस वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड ट्रेंडिंग AI टूल्स। एक्स्ट्रा 50% डिस्काउंट के लिए यूज कूपन कोड YouTube50। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। गाइस, सबसे पहले हमें फिल्मोरा डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके आप जो है इस पेज के ऊपर आ सकते हैं और यहां से आप फिल्मोरा डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अपनी एडिटिंग को लेकर के सीरियस हैं तो आप फिल्मोरा का पेड वर्जन भी बाय कर सकते हैं। इसमें बेस्ट चीज़ ये होगा कि आपको वाटरमार्क देखने को नहीं मिलेगा, एक्टिवेशन का किसी भी तरह का झंझट नहीं होगा, और सबसे बेस्ट जो है वो ये है कि इसमें आपको बहुत सारे प्रीमियम एसेट्स मिल जाएंगे जो कि आपके एडिटिंग जर्नी को बहुत आसान बना देगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सिंपल बाय नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो आप करेंसी स्विच कर लीजिए, और ये है हमारे पास 3 प्लान। अब इसमें कुछ मंथली अर्ली प्लान है, कुछ क्रॉस प्लेटफॉर्म प्लान है, ये जो लास्ट वाला है ये हमारा वन टाइम प्लान है, मतलब 6000 के अप्रॉक्स जो है वो आपको पे करना है और आपको लाइफ टाइम के लिए जो है इसका एक्सेस मिल जाएगा, जो कि मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों के लिए जो है वो ये बेस्ट प्लान है। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो सिंपल बाय नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए। यहां पर आपको प्राइसिंग की डिटेल मिल जाएगी। यहां पर ऑटोमेटिकली जो है वो एड ऑन सर्विसेज भी जो है वो एड हो गई है, जो कि मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि फिल्मोरा जो है वो अब आपके अकाउंट के साथ अटैच हो जाता है। सिंपल आप लॉग इन कीजिए और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल डालनी है और उसके बाद कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो है अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, और यहाँ पे आपको सारे इंडियन पेमेंट ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं जिनसे आप डायरेक्टली जो है वो पे कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के बाद जो है आप सिंपल इसे डाउनलोड कर लीजिए, आपको काफ़ी सारे मेल्स आ जाएंगे, डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो है आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, और फाइनली ये है हमारा फिल्मोरा। यहाँ पे अगर आपने परचेस किया है तो सबसे पहले जाकर के लॉग इन कर लीजिए ताकि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाए। गाइज, वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे पहले जो है वो हमें न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने में हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है कि हमें एस्पेक्ट रेशियो जो है वो सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप नॉर्मल वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप 16:9 जो है एस्पेक्ट रेशियो चूज कीजिए, और अगर आपको स्क्वायर वीडियो बनानी है इंस्टाग्राम वगैरह के लिए तो आप जो है 1:1 का एस्पेक्ट रेशियो चूज कीजिए, और अगर आपको जो है वो रील्स एंड शॉर्ट्स बना रहे हैं तो 9:16 का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो आप चूज कीजिए। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल वाइड स्क्रीन जो है 16:9 वो सेलेक्ट कर लेता, और उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट, और ये हम लोग आ चुके हैं फिल्मोरा के अंदर। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, स्टॉक मीडिया में आ जाता हूं और मैं एक फुटेज डाल करके आपको दिखा देता हूं कि हमारी वीडियो कैसी दिखेगी। तो हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से होगी, लेकिन अगर यहीं पे अगर हम सेलेक्ट करते दूसरा एस्पेक्ट रेशियो तो क्या होता। फॉर एग्जांपल मुझे रील्स एंड शॉर्ट्स बनाने, तो मैं यहां पे 9:16 जो है वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा, और उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट। और अब जो है यहां पे अगर मैं कोई वीडियो डालता हूं तो आप डिफरेंस देख पाएंगे कि अब जो हमारे पास यहां पे रेशियो है, यहां पे एक्चुअली जब भी आप इंपोर्ट करते हैं किसी भी मीडिया फाइल को टाइमलाइन में, तो अगर वो मीडिया फाइल जो है वो फॉर एग्जांपल नॉर्मल रेशियो में हो, मतलब 16:9 के रेशियो में हो, लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट है वो 9:16 में हो, तो यहां पे एक वार्निंग आएगी। तो मैं यहां पे कीप प्रोजेक्ट सेटिंग जो है वो मैं कर दूंगा, क्योंकि हमें रील्स एंड शॉर्ट्स बना रहे हैं। और अब देख लीजिए हमारे पास ये रेशियो है, इसमें यहां पे हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं और इसमें यहां पे डाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया रील्स एंड शॉर्ट्स का जो है वो प्रोजेक्ट। तो आपको अपनी नीड के हिसाब से यहां पे जो है वाइड स्क्रीन या फिर स्क्वायर या फिर वर्टिकल जो है वो सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट जो है वो यहां पे क्रिएट कर लेना है।
गाइस, वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी मीडिया फाइल को जो है वो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे ये है हमारे पास मीडिया का ऑप्शन और मीडिया के अंदर ये है हमारे पास प्रोजेक्ट मीडिया। तो यहाँ पे आपको अपनी मीडिया फाइल को इंपोर्ट करना है। अब इंपोर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप सिंपल जो है वो यहाँ पे जस्ट क्लिक कर सकते हैं और ब्राउज करके अपनी मीडिया फाइल को जो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर जो है आप यहाँ पे इंपोर्ट में आ सकते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन है, या फिर सिंपल जो है वो आप ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो भी आपकी मीडिया फाइल है, मैं एक चीज यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप उन सभी को जो है वो ऑर्गेनाइज करके एक फोल्डर में डाल लें, ताकि उसमें से कोई भी फाइल मिसिंग ना हो। अगर मिस हो जाता है तो फिर आपकी प्रोजेक्ट में जो है वो एरर आ जाएगा। तो सिंपल आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। एक और चीज़ यह है कि अगर आपकी फाइल हेवी होंगी तो यहाँ पे प्रॉक्सी क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब ये आपके मेन वीडियो का एक लोअर वर्जन क्रिएट करेगा ताकि आपकी वीडियो एडिटिंग जो है वो स्मूथ हो सके। तो अगर आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन लो है तो आप येस कर सकते हैं और ये सेपरेट फाइल जो है वो क्रिएट कर लेगा। डोंट वरी, इससे आपकी क्वालिटी के ऊपर, फाइनल क्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिलहाल यहाँ पे नो कर देता हूँ और ये आ गई हमारे पास सारी हमारी मीडिया फाइल्स। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग शॉर्ट वगैरह करने के ऑप्शन हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर आप मीडिया के अंदर देखेंगे तो हमारे पास और भी ऑप्शन है, जैसे कि ग्लोबल मीडिया। अब ये ग्लोबल मीडिया क्या है, अभी जो हमने मीडिया फाइल इंपोर्ट की है ना वो हमारा इसी प्रोजेक्ट के लिए है, लेकिन अगर आपका कुछ कॉमन एसेट हो, जैसे कि आपके कंपनी का लोगो हो, इंट्रो वगैरह हो, तो वो चीज़ आप ग्लोबल मीडिया में डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये जो फोल्डर है ना, ये आपका हर प्रोजेक्ट के अंदर रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ओके, इमेजेस के अंदर मेरी कंपनी का लोगो है, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो अब हर प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ रहेगा। यहाँ पे क्लाउड मीडिया है, तो अगर आप जो है वो क्लाउड बेस्ड एडिटिंग करते हैं, जो कि फिल्मोरा में अब आ चुका है, तो उसके लिए यहाँ पे मीडिया आप ऐड कर सकते हैं। एडजस्टमेंट लेयर आगे हम बात करेंगे, कंपाउंड क्लिप आगे जो है वो हम बात करेंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी मीडिया फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे अलग अलग व्यू के ऑप्शंस भी हैं, आपको लार्ज व्यू चाहिए, आपको लिस्ट व्यू चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे ये कर सकते हैं। शॉर्ट भी जो है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, सिर्फ वीडियोज़ आपको चाहिए यहाँ पे, व्यू, लार्ज थंबनेल, सिर्फ वीडियोस या सिर्फ ऑडियोस, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको मीडिया फाइल को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है वो फिल्मोरा के अंदर सबसे पहले अपनी मीडिया फाइल को जो है वो इंपोर्ट कर लेना है। गाइस, किसी भी सॉफ्टवेयर को फुल पोटेंशियल में यूज़ करने के लिए उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे है। तो ये है फिल्मोरा 13 का डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस, और यहाँ पे आपको एक्चुअली वर्क स्पेस चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन है, यहाँ पे देख लीजिए हमारा डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस है, ऑर्गेनाइज, और उसके बाद जो है ये हमारे पास टाइमलाइन, स्पेशली टाइमलाइन फोकस में होगा, शॉर्ट्स, वीडियोस, तो अगर आपको रील्स एंड शॉर्ट्स बनाने हैं तो ये वाला जो वर्क स्पेस है ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्लासिक है, जो कि फिल्मोरा 11, 12 वगैरह में जो है वो देखने को मिलता था। तो यहाँ पे मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले ये है हमारे पास मेन्यू का सेक्शन, जिसमें आप जो है वो अलग अलग ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे कि न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है सेव प्रोजेक्ट का ऑप्शन। तो जब भी आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करें तो यहाँ पे उसको आप जो है वो सेव ज़रूर कर लें। नेक्स्ट है एडिट, जिसमें अंडू रीडू दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई भी चीज़ गलत हो जाता है तो आप उसको कंट्रोल जेड कर सकते हैं, या उसको रीडू करना है तो कंट्रोल वाई जो है वो आप कर सकते हैं, टूल्स वगैरह के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ये है हमारा लाइब्रेरी का सेक्शन, यहाँ पे जो भी हमारी फाइल्स वगैरह होंगी वो सारी यहीं पे होंगी। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास मीडिया, जिसमें हमने अपनी मीडिया फाइल को इंपोर्ट किया था। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक मीडिया, तो जो भी स्टॉक फुटेज वगैरह होता है वो चीज़ आप यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है, ऑडियो लाइब्रेरी, टाइटल लाइब्रेरी, ट्रांजिशन की लाइब्रेरी है, इफेक्ट्स लाइब्रेरी है, स्टिकर्स, टैम्पलेट्स, डोंट वरी, इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल में हम बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये है हमारे पास टूल का सेक्शन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूल जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पैनल, टाइमलाइन, जो भी हमारी एडिटिंग होगी ना वो यहीं पे होंगी, कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे होंगी, किसके बाद कौन सा फुटेज होगा, कहाँ पे हमें लोगो लगाना है, कहाँ पे हमें साउंड इफेक्ट लगाना है, वो सारी चीज़ें यहीं पे। और फिर ये है हमारा प्लेयर, तो जो भी चीज़ हम प्ले करेंगे वो यहाँ पे हमारा शो करेगा, फाइनल आउटपुट जो है वो एक तरीके से यहाँ पर जो है वो हमारा शो करेगा। और ये है हमारा प्रॉपर्टीज़ पैनल, तो यहाँ पे वीडियो से रिलेटेड जो चीज हम सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती हैं या ऑप्शंस होते हैं या टूल्स होते हैं, वो चीजें जो है वो यहां पे हमारी जो है वो हाईलाइट होंगी, जिसे हम लोग जो है वो ट्वीक कर सकते हैं। तो ये है बेसिक इंटरफेस, यहां पे आप चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं। किसी भी दो पैनल के बीच में अगर आप आते हैं तो यहां पे उसको जो है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। और अब जो है फिल्मोरा 13 के अंदर आप इसको इंडिपेंडेंट वे में मूव भी कर सकते हैं, तो किसी वजह से अगर आपको लगता है कि इसे मूव करने की जरूरत है तो आप मूव कर सकते हैं। और कुछ अगर गड़बड़ हो जाता है तो यहां पे आप आकर के इसको डिफॉल्ट कर दीजिए या चेंज कर दीजिए, या फिर आप जो है वो सिंपल डिफॉल्ट कर दीजिए, तो डिफॉल्ट जो है वो यहां पे ये चीज हो जाएंगे। तो ये है इसका बेसिक इंटरफेस, जिसके ऊपर काफी डिटेल में हम लोग जो है वो और आगे जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। गाइस, किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए टाइमलाइन का जो सेक्शन होता है या टाइमलाइन का जो पैनल होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पैनल है। तो हम लोग जो है वो यहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि टाइमलाइन में कौन सी चीजें कहां पे हैं और ये किस तरीके से जो है वो वर्क करती है।
तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये हमारा टाइमलाइन का सेक्शन है। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना होता है, अपनी फुटेज को ड्रैग करके जो है वो टाइमलाइन के अंदर डालना होता है एडिटिंग करने के लिए। अगर हमें किसी भी वीडियो को अपने वीडियो के अंदर इंक्लूड करना है तो उसे हमें मीडिया लाइब्रेरी से टाइमलाइन के अंदर डालना होगा। अब यहाँ पे टाइमलाइन में अगर आप देखें तो ये एक क्लिप है हमारे पास, तो यहाँ पे आप सिंपल प्ले करके देखें। और अभी अगर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब इसको अगर हम शेयर करेंगे यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक सिंगल वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट होंगे। अब सिंपल अगर आपको दो वीडियो को एक साथ कंबाइन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम उसके बाद दूसरी वीडियो को डाल देंगे, दूसरी क्लिप को जो है वो डाल देंगे उसके जस्ट बगल में। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक वीडियो हमारी खत्म होगी तो दूसरी वीडियो यहाँ से हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत सारे बिगनर जो है वो बोलते हैं कि हमारे पास दो फुटेज है उसको एक साथ कंबाइन कैसे करें, तो सेम वे में जो है वो यहाँ पे ये चीज़ हमारा कंबाइन होगा। अब फॉर एग्जांपल इसको आप पहले चाहते हैं, ये वाला जो फुटेज है इसको आप पहले चाहते हैं, और इसको अगर आप बाद में चाहते हैं तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, इसको उठा करके आप इधर की तरफ ले आइए और इसको यहाँ से ड्रैग करके इधर की तरफ डाल दीजिए और इसको फिर यहाँ पर डाल दीजिए। और इस तरीके से क्या होगा कि पहले ये वीडियो हमारी खत्म होगी और उसके बाद ये वीडियो हमारी चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम इसको फाइनली एक्सपोर्ट करेंगे ना, शेयर करेंगे, तो हमारा जो ये दो क्लिप है ना, ये एक सिंगल क्लिप में बन करके हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे चलो फॉर एग्जांपल ऐसा हो कि आपको जो है ना यहाँ पे ये वीडियो शो करना है बट इसके ऊपर इस वीडियो को शो करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी को उठा करके या तो हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो अब ये क्या होगा, ये इसके ऊपर जो है वो शो करने लगेगा, बट चूंकि ये वीडियो इतनी बड़ी है कि ये इसको पूरी तरीके से ढक लेती है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली इसको हम सिलेक्ट करेंगे और स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे, और यहाँ से जैसे हम क्लिक करेंगे ना तो ये एक तरीके का लाइन आ जाएगा, और यहाँ से हम कॉर्नर से इसको हम छोटा कर सकते हैं इस तरीके से। ऑन स्क्रीन हम यहाँ पे देख लीजिए, हमारे पास ये कॉर्नर इस तरीके से आ जाता है जिस वीडियो को भी हम सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद उसको हम यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से हम चाहें तो इसको रोटेट कर सकते हैं, और उसके बाद इसका पोजिशन जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। ये सेम चीज़ हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जो हमारे पास वीडियोज़ के अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यहाँ से हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से हम इसका पोजिशन जो है वो चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से हम इसको जो है वो रोटेट कर सकते हैं, और उसके बाद अगर किसी भी वैल्यू को रीसेट करना हो तो यहाँ से हम इसको रीसेट कर सकते हैं। तो नॉर्मली पिक्चर इन पिक्चर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ये जो है ना, ये एक ट्रैक है, मतलब ये वाला एक ट्रैक है, ये वाला एक ट्रैक जो है वो हमारे पास ऐड हो गया। नीचे भी हमारे पास एक ट्रैक है जिसमें ये ऑडियो का साइन, म्यूजिक का साइन बना हुआ है, मतलब ये ऑडियो ट्रैक है, ये हमारा वीडियो ट्रैक है। अब वीडियो ट्रैक है तो ऑब्वियस सी बात है कि वीडियो में हमारा ऑडियो वीडियो दोनों होता है, तो इसमें ऑडियो वीडियो जो है वो हमारा दोनों होगा। अब यहाँ पे हम जितना चाहें उतना ट्रैक जो है वो हम ऐड कर सकते हैं, जैसे देख लीजिए एक वीडियो के ऊपर दूसरी वीडियो हमने डाल दी है ना, फॉर एग्जांपल ये। अब मैं चाहता हूँ कि अपना लोगो भी जो है वो इसके ऊपर मैं शो करूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपना जो लोगो है मेरे पास यहाँ पे, इसको मैं ड्रैग करके इसके ऊपर ले आता हूँ, और उसके बाद इसका साइज़ अगर इमेज है तो उसके साइज़ को हम यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, है ना, मतलब लास्ट एंड पॉइंट पे आएंगे और उसके बाद ये कर सकते हैं। अब चूंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसको हम छोटा करके क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से हम छोटा कर लेंगे, और जहाँ पर भी हमें इसे लगाना है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो हम इसको इस तरीके से लगा देंगे। अब देख लीजिए अगर मैं वीडियो यहाँ पे प्ले करता हूँ, ये जो है ये हमारा फाइनल आउटपुट जो है वो शो करता है। तो आप देख लीजिए हमारे पास इस तरीके से कुछ वीडियो है यहाँ पे, ये हमारे पास ओवर ले है एक तरीके से, और ये तो यहाँ पे आप जितना चाहें उतना ट्रैक जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिप जो है वो ऐड कर सकते हैं और ट्रैक भी जो है वो ऐड कर सकते हैं, मतलब एक ट्रैक पे मल्टीपल क्लिप भी हो सकता है। जैसे अगर इसको हम इसके बाद में डाल देते हैं तो क्या हो गया, ये एक ट्रैक है, ये एक ट्रैक है जिसके ऊपर ये दो हमारा क्लिप है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें ट्रैक से रिलेटेड ऑप्शन, तो यहाँ पे ये हमारे पास हाइड ट्रैक ऑप्शन है, मतलब अगर आपको इसको ट्रैक पे रखना है लेकिन हाइड कर देना है इसको, तो आप हाइड कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए एडिटिंग के दौरान, अगर आपको इसको हाइड करने की जरूरत है हाइड कर सकते हैं। अगर उसका म्यूजिक आपको म्यूट करना है, उसमें जो ऑडियो है उसको म्यूट करना है, तो आप यहाँ से इस स्पीकर के ऊपर जस्ट क्लिक कर दीजिए, वो म्यूट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास लॉक का आइकॉन है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि ये इसी तरीके से फिक्स रहे, इस पर कोई गड़बड़ी ना हो, तो आप इसको लॉक कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये ना मूव होगा और ना ही इस ट्रैक पे कुछ भी और ऐड होगा। तो ये बेसिक एक तरीके से जो है वो कॉन्सेप्ट है हमारा किस चीज़ का, टाइमलाइन का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये प्लेहेड है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये प्लेहेड जहाँ पे होगा ना वहीं पर का फुटेज यहाँ पे जो है वो शो करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से फुटेज स्टार्ट करना है, हम प्लेहेड को ट्रैक करके यहाँ पे ले आएंगे, जहाँ पर भी हमारा ये प्लेहेड होगा सिंपल वहीं का फुटेज जो है वो आपका यहाँ पे शो करेगा। और एक्चुअली इसका और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जब हम एनिमेशन वगैरह करते हैं या ट्रीम स्प्लिट वगैरह करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा रोल जो है वो ये प्ले करता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और नया फीचर जो है वो ऐड किया गया, वो ये है कि अब आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल क्लिप को एक साथ सेलेक्ट करके जो है उसको ग्रुप में डाल सकते हैं, मतलब उस ग्रुप के अंदर ये तीनों क्लिप आ जाएगा और वो एक सिंगल क्लिप में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल आप इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद उससे रिलेटेड ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे है हमारे पास क्रिएट कंपाउंड क्लिप, अब इसका नाम डाल दीजिए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंट्रो, है ना, कुछ ऐसा है जिसको आपको ग्रुप में डालना है। ग्रुप में हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारा जो टाइमलाइन है वो सिंप्लीफाई हो जाए।
ओके अब ये देख लीजिए, ये सारा फुटेज एक साथ होकर के, आप यहां पे अगर आप देखेंगे एक साथ होकर के एक सिंगल लेयर पे एक सिंगल क्लिप की तरह से जो है वो आ गया। अब यहां पे ऐसा नहीं है कि ये अब एडिटेबल नहीं है, हम इसको एडिट कर सकते, सिंपल इसके ऊपर जो है जस्ट डबल क्लिक कीजिए और उसके बाद जो है इसके अंदर जो है वो आप आ जाएंगे। ओके और ये देख लीजिए, फिर से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब इससे अगर आपको बाहर निकलना है, मेन टाइमलाइन के ऊपर आना है, तो यहां पे देख लीजिए, ये हमारे पास इंट्रो जो हमने अपने कंपाउंड क्लिप का नाम रखा था वो चीज़ है, और यहाँ से हम मेन टाइमलाइन के ऊपर आ जाएंगे, तो ये हमारा मेन टाइमलाइन है। अब टाइमलाइन से रिलेटेड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ से आप जो है वो जूम इन जूम आउट जो है वो कर सकते हैं, और उसके साथ यहाँ पे कंट्रोल प्लस माइनस का जो है वो यूज़ कर सकते हैं आप, कंट्रोल या फिर कमांड प्लस माइनस का यूज़ कर सकते हैं इसको जूम इन जूम आउट करने के लिए, है ना। इससे आपके ड्यूरेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप अच्छे से जो है वो इस चीज़ को देख पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको फिट करना है तो आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मैग्नेट का ऑप्शन है। अभी क्या हो रहा है, जैसे देखो एक फुटेज मैं और डालता हूँ, ओके, और दूसरा फुटेज मैं यहाँ से कुछ ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये फुटेज है हमारे पास, ओके सेम फुटेज हो जाएगी, ये है फॉर एग्जाम्पल ये। तो अभी क्या है, अभी अगर आप देखेंगे एक चीज़ नोटिस करेंगे तो जैसे मैं इसके करीब ला रहा हूँ ना, यहाँ पे ये स्नैप हो जा रहा है ना, ये मैग्नेट इफेक्ट आपको जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन किसी वजह से अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं। तो अब क्या है, बहुत नज़दीक भी हम ले जाएंगे फिर भी वो स्नैप नहीं होगा। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादातर केसेस में आप इसको ऑन रखें, क्योंकि अगर माइनर सा भी गैप होगा तो क्या होगा, वीडियो में यहाँ पे इस तरीके से ब्लैंक शो करेगा, देख रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए इस तरीके से। तो ये चीज़ अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको ऑन रखिए, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो स्नैप हो जाएगा। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि अभी फिलहाल के लिए जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपको सारे टूल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे ये एक आइकॉन मिल जाता है जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो और भी जो अंदर सारे टूल्स हैं वो सारे आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पे उन सारे टूल्स को आप उठा करके डाल सकते हैं। मतलब ये जो यहाँ पे जो शो कर रहा है, इसमें से अगर किसी भी चीज़ को नहीं शो करना है या शो करना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सिंपल जैसे देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास क्रोप टूल, ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा, ये मैं नहीं चाहता हूं तो मैं यहां से हटा दूंगा, और यहां पे मैं क्या डाल दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं डाल दूंगा यहां पे मोशन ट्रैकिंग, है ना। तो हम अपने हिसाब से यहां पे इस टूल बार को जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा कॉन्सेप्ट है किस चीज़ का, टाइमलाइन का। यहाँ पे अगर देख लीजिए मैं यहाँ पे ऑडियो डालता हूँ, तो ऑडियो अगर सिंगल ऑडियो होगा तो वो ऑडियो ट्रैक के ऊपर जाएगा, बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं लाइब्रेरी में, है ना, वो सारी यहीं पे आएंगी। मतलब अगर हम ऑडियो को हटा दें तो ऑडियो के अलावा बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो हमारा कौन से ट्रैक पे, वीडियो ट्रैक के ऊपर आएगा, है ना। और यहाँ से हम इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से हम एक्स्ट्रा ऑडियो ट्रैक जो है वो ऐड कर सकते हैं, या फिर हम जो है वो डिलीट कर सकते हैं, है ना। किसी जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला है, ये एक्स्ट्रा है, तो हम सिंपल राइट क्लिक करके इसको जो है वो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और ये डिलीट हो गया, हमारा क्लीन हो गया। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल टाइटल है, और उसे अगर मुझे यहाँ पे डालना है फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ से इसको वीडियो ट्रैक के ऊपर डालेंगे और वो चीज़ें हमारी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। फिर ऑन स्क्रीन हम चाहें तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, या फिर हम साइड बार में जो है वो इसको एडिट कर सकते हैं। तो ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट टाइम लाइन का, कि किस तरीके से कैसे यहाँ पे चीज़ें वर्क करती हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो सबसे नीचे होगा वो सबसे नीचे जो है वो शो करेगा, और जो सबसे ऊपर है वो सबसे ऊपर की तरफ जो है वो शो करेगा। अलाइनमेंट मतलब इसको अगर हम स्टैक करेंगे, जो सबसे नीचे है वो नीचे की तरफ, और इस तरीके से जो है वो हमारा ऊपर की तरफ शो करेगा। मतलब ये वाला फुटेज हमारा देख लीजिए सबसे नीचे है, है ना, उसके ऊपर ये वाला फुटेज है, उसके ऊपर ये हमारा टेक्स्ट है। तो इस तरीके से हमारा टाइमलाइन जो है वो वर्क करता है। इस चीज़ को अगर आप समझ लेते हैं तो आगे की एडिटिंग जो है वो आपकी बहुत आसान हो जाएगी। तो खैर ये था हमारा टाइमलाइन। गाइस वीडियो से अनवांटेड पार्ट को हटाने के लिए हम लोग ट्रिम और स्प्लिट का जो है वो यूज़ करते हैं। अनवांटेड पार्ट क्या होता है, स्टार्टिंग में हम लोग कैमरा ऑन करते हैं या फिर कुछ टेक लेते हैं, वो हमारा अनवांटेड पार्ट होता है। बीच में हमने कुछ गलत बोल दिया, जिस पार्ट को हमें नहीं रखना होता है वही अनवांटेड पार्ट है। तो इसके लिए हम लोग ट्रिम और स्प्लिट का यूज़ करते हैं। तो ये है फिल्मोरा। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर से ना अपनी मीडिया फाइल को इंपोर्ट करूँगा। जो भी फाइल मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, सेम फाइल आप भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको एक फोल्डर मिल जाएगा, वीडियो एडिटिंग प्रैक्टिस फाइल, और उसके अंदर ये सारे फोल्डर्स हैं। तो आपको जो मेन फोल्डर है ना उसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, उसके बाद ओके करना है, और सारी फाइल्स हमारी यहाँ पे आ गई। अब एक चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा ये हुआ है कि जो भी फोल्डर था वो फोल्डर भी यहाँ पर आ गया है। तो अब यहाँ पे हम अपने वीडियो के हिसाब से, जो भी हमारा चैप्टर होगा उसके हिसाब से, हम यहाँ पे एसेट को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हमारे पास ये है इंट्रो वीडियो, इसको मैं एग्जांपल के लिए यूज़ करूँगा। सिंपल ड्रैग करके हम इसको टाइमलाइन में डाल देते हैं, और यहाँ पे ये टाइमलाइन है, इसमें वीडियो एंड ऑडियो दोनों हैं। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्या करूँगा, मैं ना इसको ट्रैक को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँगा। इस तरीके से आप जो है वो ट्रैक को बड़ा कर सकते हैं, ट्रैक का साइज़, और ग्राफ जो है वो यहाँ पे आप ऑडियो का देख सकते हैं। ग्राफ को भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। ये जो ग्राफ है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप क्विक वे में एडिटिंग करना चाहते हैं तो, ट्रिमिंग वगैरह, क्योंकि इससे आपको अंदाज़ा मिल जाता है कि कहाँ पे आप साइलेंट है, कहाँ पे आपका कंटिन्यूअस जो है वो रिकॉर्डिंग चल रहा है, कहाँ पे आप रुक रहे हैं, वो चीज़ें आपको अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे अगर आप इस वीडियो को प्ले करके देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कैमरा ऑन किया, और उसके बाद मैंने टेक लिया।
और उसके बाद यहाँ से हमारी जो वीडियो है वो कंटिन्यूअस चल रही है। उसके बाद यहाँ तक ठीक ठाक चला है और ये बीच में हमने इस तरीके से पॉज लिया है, उसके बाद जो है फिर हमारी वीडियो कंटिन्यू चल रही है और फिर यहाँ से हमारी वीडियो जो है वो ख़त्म हो रही है, जो कि एक अनवांटेड पार्ट है। तो इस वीडियो में तीन अनवांटेड पार्ट है, तीन ऐसा पार्ट है जिसे हमें अपनी वीडियो के अंदर नहीं रखना है। सबसे पहला ये है, यहाँ से हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही है ना, ये जो प्ले है रहना, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है अगर आप स्प्लिट वगैरह करना चाह रहे हैं तो। इससे पहले ये हमारे पास फुटेज है और उसके बाद जो है ये फुटेज है लास्ट वाला, और बीच में ये वाला जो फुटेज है जिसे हमें हटाना है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे स्प्लिट को। यहाँ पे सिंपल प्लेहेड डाल दीजिए, जहाँ पर भी आप प्लेट डालना चाहते हैं, जहाँ से भी आप कट करना चाहते हैं वहाँ पर आप प्लेट डाल दीजिए। और उसके बाद इसके ऊपर आप सीजर का आइकॉन या कैंची का आइकॉन या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल बी, इसके ऊपर जस्ट आप क्लिक कीजिए और आपका जो सिंगल क्लिप था ना वो यहाँ पे मल्टीपल क्लिप में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो क्लिप है इसको सिंपल आप सेलेक्ट कीजिए और डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए और वो डिलीट हो जाएगा। वैसे ही लास्ट में आ जाते हैं, देख लेते हैं, यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म हो रही है। इसके बाद अनवांटेड पार्ट है, मैंने प्ले हिट यहाँ पे डाल दिया और उसके बाद इसके ऊपर जस्ट हम क्लिक करेंगे और ये हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया और सिंपल इस पार्ट को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे डिलीट बटन प्रेस कर देंगे और ये पार्ट हमारा डिलीट हो गया। अब बीच के लिए हमें क्या करना होगा, जहाँ पे हमारा वीडियो, यहाँ तक हमारी वीडियो सही चल रही तो यहाँ पे हम लोग एक मार्क लगा लेंगे, एक कट लगा लेंगे, ये हमने कट लगा लिया और उसके बाद यहाँ पे, यहाँ से हमारी वीडियो फिर ठीक चल रही है तो यहाँ से हम कट लगा लेंगे इस बीच में। अब ये अनवांटेड पार्ट वाला क्लिप हो गया हमारा, इसको हम सिंपल सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन प्रेस कर देंगे और अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक फ्रेश वीडियो जो है वो आ चुका है, है ना, बिल्कुल फ्रेश, जिसमें कोई भी अनवांटेड पार्ट नहीं है। तो इस तरीके से जो भी पार्ट आपको नहीं चाहिए अपनी वीडियो में वो आप जो है वो हटा सकते हैं। तो ये एक फर्स्ट टेक्निक है हमारा स्प्लिट का। अब हम लोग बात करते हैं स्पेशली ट्रिम का। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और फिर से हम ड्रैग करके इसको ले आते हैं। अब बात करते हैं स्प्लिट के, तो सॉरी ट्रिम की, स्प्लिट की बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ट्रिम की बात करें तो ट्रिम स्टार्ट और एंड में जो है वो हमारा काम करता है। तो अगर आप देखेंगे, जैसे आप किसी भी वीडियो के, किसी भी क्लिप के अगर आप स्टार्टिंग में आएंगे तो यहाँ पे इस तरह का एरो आ जाता है जो कि बता रहे हैं कि इधर की तरफ आप जा सकते हैं। वैसे ही लास्ट में अगर आप आएंगे तो ये एरो आ रहा है कि इधर की तरफ जो है वो आप जा सकते हैं। तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप जो है उसको यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं, जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक आप ड्रैग करके ले जा सकते हैं और उसके बाद देख लीजिए जो लास्ट का जो पार्ट था वो हमारा हट गया। वैसे ही अगर स्टार्टिंग के पार्ट की बात करें तो यहाँ तक हमें आना है ना, यहाँ से हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, शुरुआत में आ जाएंगे, एरो इस तरह का कन्वर्ट हो गया, उसके बाद हम ड्रैग करके उसको इधर की तरफ ड्रैग करके क्लिक करके माउस को क्लिक करके रखना है और ड्रैग करना है और उसके बाद यहाँ पे लागे छोड़ देना है। तो अब हमारे पास देख लीजिए ये वाला पार्ट जो है वो कट हो गया, स्टार्टिंग वाला, एंड वाला पार्ट। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको इसको दोबारा वापस भी लाना है तो फिर भी आप ला सकते हैं, मतलब आपने किसी भी टूल का यूज़ किया हो अगर आपको वापस लाना है तो आप इसको फिर से वापस ला सकते हैं, इस तरीके से फिर से ही करना है कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बीच वाला पार्ट हमें हटाना है तो उसके लिए तो फिर हमें कौन सा टूल यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो है वो फिर स्प्लिट का यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे करके हम सिंपल यहाँ पे डाल देंगे, बीच वाले पार्ट को हटा देंगे और अब ये हमारे पास जो है फ्रेश पार्ट जो है एक तरीके से आ गया। अब ये जो ट्रिमिंग है ना, इसका एक और यूज़ होता है। जैसे कोई एक इमेज मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे इमेज फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है। अब यहाँ पे इस इमेज को अगर आपको बड़ा करना है ना, जैसे कि ये क्या है, इसका डिफॉल्ट ड्यूरेशन जो है वो 5 सेकंड है, ये भी एक्चुअली आप चेंज कर सकते हैं सेटिंग से। तो डिफॉल्ट ड्यूरेशन 5 सेकंड है, तो इसका ड्यूरेशन अगर आपको बढ़ाना है तो आप सिंपल लास्ट में आइए और इस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं, या फिर अगर आप इधर की तरफ ग्रो करना चाहते हैं तो इधर की तरफ ग्रो कर सकते हैं, इधर की तरफ ग्रो करना चाहते हैं इधर की तरफ कर सकते हैं, छोटा करना हो, बड़ा करना हो, है ना, किसी फॉर एग्जांपल इसके नीचे कोई क्लिप है, है ना, इसके ऊपर कोई क्लिप है, अब इसको इसके साइज़ का करना है तो हम सिंपल ये कर देंगे। वीडियो में लिमिट होती है, वीडियो जितना बड़ा होगा उतना ही तक आपका जो है ये काम करेगा, लेकिन फोटोज़ में ये अनलिमिटेड होता है, जितना चाहें उतना जो है वो आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये दो टूल है हमारे पास जिसका जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं अनवांटेड पार्ट को हटाने के लिए, ट्रिम और स्प्लिट। गाइस, एक ही फ्रेम में अगर हम मल्टीपल क्लिप को शो करते हैं तो इसको हम लोग पिक्चर इन पिक्चर बोलते हैं। जैसे अभी जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है और दूसरे साइड में मैं जो है वो बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पे क्या है, दो क्लिप जो है वो एक ही फ्रेम में आप जो है वो देख पा रहे हैं, तो इसी चीज़ को हम पिक्चर इन पिक्चर बोलते हैं। जैसे आपको रिएक्शन वीडियो बनानी हो या फिर कुछ भी सिंपल, अगर आप अपनी वीडियो में एक लोगो भी लगाना चाहते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं जो है वो पिक्चर इन पिक्चर कहलाएगा। तो अब चलिए मैं ना यहाँ पे एक रिएक्शन टाइप जो है वो फ्रेम बनाता हूँ, तो उसके लिए मैंने जो है वो यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे वर्टिकल फ्रेम ले लिया है और मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक वीडियो जो है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इंट्रो वीडियो, इसको मैंने मेन क्लिप के ऊपर डाल दिया और यहाँ पे देख लीजिए ये हमारे पास वर्टिकल फ्रेम है। यहाँ पे मैं एक्चुअली वर्क स्पेस में चेंज कर लेता हूँ ये शॉर्ट्स वीडियो के लिए, तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा सा लुक हमारे पास आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक वीडियो है, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं ना उठा करके इसको ऊपर डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल। ओके, अब ये एक वीडियो हो गई यहाँ पे फ्रेम में हमारे पास। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी दूसरी वीडियो के ऊपर रिएक्शन देना चाहता हूँ, तो मैं उस वीडियो को उठा करके यहाँ पे डाल दूंगा मैं,
और उसके बाद उसका साइज़ एक्चुअली ये वीडियो है तो यहाँ पे फिक्स है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको ट्रिम कर लेता हूँ, ये जो वीडियो हमारी जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसके बाद इसको मैंने यहाँ तक डाल दिया और फॉर एग्जांपल मुझे यहीं तक लेकर के चलना है इसको। ओके सो ये हमारा फ्रेम होगा। अब यहाँ पे ये वीडियो है इसको मैं उठा करके नीचे डाल देता हूँ और इसको हम अपने हिसाब से जो है वो रीसाइज कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से जूम करके थोड़ा सा स्केल करके, सिंपल स्केल का मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, इस तरीके से मैं यहाँ पे ले आता हूँ फॉर एग्जांपल इतना, या इस तरीके से हम यहाँ पे ऑन स्क्रीन एडजस्ट कर लेंगे। या फिर आप जो है प्रॉपर्टीज़ पैनल से भी जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपके पास पोजीशन है, स्केल है और उसके बाद रोटेशन है, आप यहाँ पे फ्लिप कर सकते हैं इमेज को, है ना, और उसके बाद जो है अगर आपको रोटेट करना हो तो आप जो है वो रोटेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने सेटअप कर दिया, ऊपर मैं हूँ। अब ये काफ़ी ज़्यादा जूम व्यू है तो इसको भी हम लोग जो है वो स्केल कर सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे। बट मैं ना क्या करूँगा, मैं इसको सबसे पहले तो मैं इसको रीसेट कर दूँगा, स्केल मैं यहाँ पे रीसेट कर देता हूँ, पोजीशन मैं रीसेट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे क्रोप में आ जाता हूँ, यहाँ पे एक क्रोप टूल है हमारे पास, इसको थोड़ा सा मैं क्रोप कर लेता हूँ। तो ये क्रोप टूल है, अब इसमें मैं यहाँ पे इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो मैं मेंटेन रखूँगा और उसके बाद मैं इसको यहाँ से क्रोप कर लूँगा। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए, या फिर थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इस तरीके से और सेंटर में हम इसको ले आएंगे। ये हमारा क्रोप होकर के आ जाएगा और ये आ गया हमारे पास ये। और फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से सेटअप मैं कर देता हूँ टॉप में। अब यहाँ पे बीच में मुझे जो है वो कुछ टेक्स्ट चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारा एक ही फ्रेम है लेकिन इसमें हमारे पास मल्टीपल क्लिप है। अब यहाँ पे हो सकता है कि अगर आप इसके ऊपर कुछ डालना चाहते हैं तो उसको आपको ऊपर वाले लेयर के ऊपर डालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा ये ऊपर हो या नीचे हो, लाइक इस कंडीशन में अगर ये नीचे भी है हमारा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पोजीशन जो है दोनों का अलग अलग है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम एक टेक्स्ट डाल सकते हैं। सिंपल इसको मैं शुरू में ले आता हूँ, गैप आपको नहीं छोड़ना है शुरू में वरना आपकी वीडियो में भी जो है वो गैप आ जाएगा। मैं यहाँ पे टाइटल में आ जाता हूँ, टाइटल में आने के बाद फॉर एग्जांपल माइंड में, माइंड के अंदर जो भी चीज़ अगर आप डाउनलोड करके रखेंगे ना तो वो चीज़ आपका डाउनलोड के अंदर जो है वो आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया और उसके बाद जो है इसको मैं साइज़ कर देता हूँ इसका फुल इस तरीके से, और इसका पोजिशन जो है वो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और ये जो टेक्स्ट है इसको मैं हटा देता हूँ और इसको हम सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक करके हम इसको जो है वो एडिट कर लेंगे। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ रिएक्शन, ओके रिएक्शन, और यहाँ पे एक और कुछ एलिमेंट जो है वो हम ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टिकर में आ जाते हैं और स्टिकर में भी देखते हैं माइंड के अंदर कुछ डाउनलोड किया हुआ, ठीक है, ये हमारे पास इमोजी है डाउनलोड में अगर हम आते हैं तो बहुत सारे जो है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये वाला मैं सेलेक्ट करके इसके ऊपर मैं डाल देता हूँ और इसका भी ड्यूरेशन हम यहाँ पे फुल कर लेंगे और इसका पोजीशन जो है वो हम यहाँ पे ठीक कर लेंगे। इसके ऊपर हम जस्ट क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे जस्ट इसको हम छोटा कर लेंगे एंड देन यहाँ पे हम अपने हिसाब से इसको अरेंज कर लेंगे ये। तो अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास टोटल चार लेयर है। सबसे पहला ये वाला लेयर है हमारा, उसके बाद ये वाला लेयर है, उसके बाद जो हमारे पास टेक्स्ट लेयर है और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये इमोजी है और ये इस तरीके से हमारे पास जो है वो रिएक्शन आ रहा है। अब एक्चुअली ये रिलेवेंट नहीं है अगर आप वीडियो को सुनेंगे तो, बट यहाँ पे थोड़ा सा और एडजस्ट हम कर सकते हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ये है तो इसको हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं इसको ऐसे, और फिर यहाँ पे आई थिंक ज़्यादा सही लगेगा, है ना। तो यहाँ पे एक ही फ्रेम में मल्टीपल चीज़ें हैं। हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाइए, मैं आ जाता हूँ इमेजेस में, अपना जो लोगो है वो उठा करके मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पे इस लोगो को मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल साइड में यहाँ पे, ओके। तो अब देख लीजिए हमारे पास ये एक फुल वीडियो है जो कि यहाँ पे जो है वो शो कर रहा है। और ये क्या है, पिक्चर इन पिक्चर, मतलब एक ही फ्रेम में हमारे पास मल्टीपल वीडियो है, है ना। अगर हम इसका और सिंपल एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल जैसे आपकी कोई एक वीडियो है, यहीं से हम यही वीडियो ले लेते हैं, यहाँ पे ये वीडियो है। अब इसके ऊपर यहाँ से एक्चुअली मैं इसको हटा देता हूँ, ओके, डोंट सेव प्रोजेक्ट, डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट ले लेते हैं। उसके बाद मैं ग्लोबल मीडिया में मैंने ऐड कर दिया था फुटेज को। फॉर एग्जांपल ये आपकी वीडियो है, इसके ऊपर आपको जो है लाइक ओके डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। अब ये डिफ़ॉल्ट है, अब इसके ऊपर कुछ आपको रिएक्शन टाइप शो करना है ना, तो ये हो जाता है हमारा कहीं ना कहीं पिक्चर इन पिक्चर। हम रिसाइज कर लेंगे और उसको हम नीचे फ्रेम में डाल देंगे या फिर कॉर्नर में, एक तरीके से हम बैठ के हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको रिपीट भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी हम कर देते हैं यहाँ पे, कंट्रोल वी कर देंगे, इसको हम अटैच कर देंगे, है ना। इस तरीके से हम ड्यूरेशन जो है इसका बढ़ा सकते हैं। फिर इसके ऊपर जो है हम अपना लोगो डाल सकते हैं, है ना, फुल साइज़ लोगो फॉर एग्ज़ाम्पल ये, इसको हम रिसाइज कर लेंगे यहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने यहाँ से कर लिया, पोजिशन मैं इसका यहाँ पे एक्स एंड वाई है
पोजीशन मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज़ में ओपेसिटी भी आ जाता है, कंपोजिशन, कंपोजिशन में एक्चुअली ब्लेंडिंग मोड है जिसके बारे में हम सेपरेटली बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ओपेसिटी है, मतलब ये कितना विजिबल होगा, ट्रांसपेरेंसी आप जो है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इतना रखना है। तो ये है बेसिकली हमारा पिक्चर इन पिक्चर के एक ही फ्रेम में अगर हम मल्टीपल क्लिप का यूज़ करते हैं, मल्टीपल चीज़ों को शो करते हैं, तो उसको हम लोग जो है वो पिक्चर इन पिक्चर बोलते हैं। और उसको आप अपने हिसाब से जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है उससे जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको जिस चीज़ को रखना है। तो गाइज ये था हमारा पिक्चर इन पिक्चर। आप यहां पे सिंपल सॉर्ट कर सकते हैं फ्री वाला, तो यहां पे जो भी फ्री होंगे वो सिर्फ आ जाएंगे। अब इसमें यहां पे कैटेगरी भी है, ट्रेंडिंग है, बेसिक है, जूम इफेक्ट है, जैसे देख लीजिए इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इफेक्ट भी दिख जाएगा कि ये किस तरीके से जो है वो चेंज होगा। उसके बाद जो है यहां पे हमारे पास कुछ पॉपुलर इफेक्ट है, देख लीजिए फॉर एग्जांपल फोटो फ्रीज, इस तरीके से सीन हमारा चेंज होगा। तो अब क्या है कि हमें क्या करना है, सिंपल इसको ना ड्रैग करके यहाँ पे ऐसे लाना है और इसके बीच में, दो वीडियो के बीच में ला करके छोड़ देना है। एक्चुअली हम साइड में भी रख सकते हैं, लेफ्ट में भी, राइट में भी, और बीच में भी। बेस्ट ये होगा कि आप बीच में रखें। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपने देखा कि नॉर्मल वे में चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो अब हमारे पास एक ट्रांजिशन इफेक्ट है। सिंपल आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, दूसरा वाला इस पर ड्रैग करके डाल दीजिए, तो दूसरा जो इफेक्ट है वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो बहुत सारे यहाँ पे जो है वो दिए गए, जैसे कि जूम की बात करें, ये वाला इफेक्ट है बहुत पॉपुलर वे में जो है आज के डेट में चल रहा है ना। तो इस तरीके से हम ट्रांजिशन का यूज़ करते हैं। अब इसका जो ड्यूरेशन है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि कितना बड़ा रखना है, कितना लंबा होगा, मतलब इसका जो एनिमेशन टाइम होगा वो कितना होगा। अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूँ, है ना, जैसे हमने ट्रिम का टूल का जो है अब शॉर्ट कर दूँ, जैसे हमने ट्रिम टूल का यूज़ किया था वैसे यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल इतना, अब देख लीजिए फास्ट हो गया। और अगर हमें थोड़ा स्लो करना है, फॉर एग्जांपल इतना मैंने कर दिया, अब देखिए बहुत स्लो वे में जो है ये हमारा काम करेगा। वैसे ही आपको सेम चीज़ यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाता है कंट्रोल पैनल के अंदर ट्रांजिशन का, यहाँ से भी जो है आप इसका ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं ना। सिंपल इसके ऊपर जस्ट क्लिक कीजिए, लेफ्ट राइट आप स्लाइड करेंगे तो आपका जो है ये माउस स्लाइड करेंगे तो आप जो है यहाँ से ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप इसे पहले शिफ्ट कर सकते हैं, लास्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि जो भी ट्रांजिशन होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ इस फुटेज के ऊपर होगा और दूसरा फुटेज नॉर्मल वे में एक तरीके से आ जाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप नोटिस नहीं करोगे, बट आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो, आपको पहले यूज़ करना है या फिर बाद यूज़ करना है। तो सिंपल ये है हमारा ट्रांजिशन कि दो वीडियो के बीच में किस तरह का ट्रांजिशन होगा, वो चीज़ जो है ट्रांजिशन की हेल्प से जो है वो करते हैं। गाइस इस चैप्टर में हम लोग जो है टाइटल, लोअर थर्ड और उसके साथ साथ इफेक्ट्स, स्टिकर एंड टेम्पलेट का जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ना यहाँ पे ना एक वीडियो प्रिपेयर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इंट्रो वीडियो है, देख लीजिए कि मैं कितना क्विक वे में जो है वो यहाँ पे मैं एडिट कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद यहाँ से मैं इसको ये कर लेता हूँ, यहाँ से ये वीडियो मेरी अब खत्म हो रही है यहाँ पे। इसके ऊपर फॉर एग्जांपल मैं वीडियो एडिटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ बी रोल फुटेज डाल दूंगा, है ना। बी रोल फुटेज नॉर्मल शो करने के लिए होता है, किसी भी चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये फुटेज है इस तरीके से, और उसके बाद जो है कुछ और भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला फुटेज हम यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मुझे इतना ही चाहिए, मैं यहाँ से स्प्लिट कर लेता हूँ, इसको यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा और ये फुटेज है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी वीडियो जो है वो रेडी हो गई। अब यहाँ पे आ जाइए, हम लोग आ जाते हैं टाइटल में। टाइटल में आने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइटल मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको इस तरह का नया ये भी मिल जाएगा, है ना, ये कैटेगरी वाइज है। यहाँ पे इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो उस कैटेगरी में जितने भी जो है वो ये होंगे वो चीज़ यहाँ पे शो करने लगेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट में आ जाता हूँ। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ना कुछ इंट्रो टाइप जो है वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये है हाइडेक, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ये हैवी हो जा रहा है। सिंपल ये वाला टाइटल मुझे यूज़ करना है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग अपने वीडियो के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, ये कुछ इस तरीके से आएगा, है ना, या फिर इसको हम लोग अपने शुरू में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से सिंपल आप ड्रैग करके इसको जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट भी हो जाएगा। और यहाँ से एक्चुअली मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगी, है ना, ये कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा। उसके बाद जो है हमारी ये वीडियो होगी। तो यहाँ पे अब ये जो हमारे पास टाइटल है इसको हम सिंपल ऑन स्क्रीन जो है वो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं और जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे टाइटल की भी एक प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे आपको लेयर बाई लेयर दिख जाएगा कि किस टाइटल में क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पे पहला ये टेक्स्ट है, दूसरा ये टेक्स्ट है, तीसरा हमारे पास ये वीडियो है, और इन सभी को चाहे तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ को अगर आप नहीं चाहते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे और भी दूसरे आपको कस्टमाइजेशन के टेक्स्ट से रिलेटेड जो है वो ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे है कि आप जो है इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ओके, यहीं पे मैं एडिट कर लेता हूँ, तौसीफ खालिद,
है ना। और यहाँ पे देख लीजिए स्टाइल हमारा जो है वो चेंज हो गया, तो इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए वैसे ये चीज़ हम बाद में कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे एक और चीज़ हम पता है क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कंट्रोल जी कर देता हूँ, कि किसी भी चीज़ को आप सेपरेट वे में सेलेक्ट करके उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, और ये उसी के ऊपर सिर्फ इफेक्ट करेगा। जैसे इसका, इस टेक्स्ट को मुझे सिर्फ इसका कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ से इसको कर दूंगा और ये हमारा सिर्फ इसी के ऊपर जो है वो इफेक्ट करेगा, तो सेम स्टाइल में। वरना आप डायरेक्टली अगर आप एडिटिंग स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल तौसीफ खालिद, है ना, और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ बिलीव फॉर यू, है ना, तो यहाँ पे बहुत नॉर्मल वे में टेक्स्ट आएगा, जो आपका स्टाइल था वो मेंटेन नहीं रहेगा। बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं और सिंपल उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आप बोल्ड कर सकते हैं, उसके बाद जो है आप यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं बोल्ड कर देता हूँ यहाँ पे, है ना, ये जो हमारे पास बिल्कुल बोल्ड ये है वो। कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वाइट। तो क्या हो रहा है कि सिर्फ उसी का जो इफेक्ट है ना वो हमारा यहाँ पे चेंज हो रहा है। फिर ये बिल्ली फॉर यू है, इसका साइज़ फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ यहाँ पे 12, है ना, और इसको थोड़ा सा हम यहाँ से भी नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, और आई थिंक लाइन के बीच में गैप जो है उसका भी हमारे पास ऑप्शन होगा। मोर टेक्स्ट सेटिंग्स में यहाँ पे देख लीजिए लेटर स्पेसिंग, लेटर के बीच में कितना स्पेस होगा और उसके बाद लाइन के बीच में कितना स्पेस होगा, वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। मैं फिलहाल इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ, है ना, तो यहाँ से लाइन के बीच में, जैसे कि मैं यहाँ से जो मैंने एंटर प्रेस किया था वो मैं हटा देता हूँ, और लाइन के बीच में मुझे स्पेस चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इतना। अब देख लीजिए सिंपल बिल्ली फॉर यू को मैं सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से मैं इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो मैं चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लाइट, और कलर मैं इसका कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल रेड, है ना, थोड़ा लाइट कलर, और आप देख लीजिए हमारे पास ये है। तो आप अपने हिसाब से जो है वो कस्टमाइज़ यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप सेम वे में उसका सेम स्टाइल मेंटेन रखना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, बेस्ट ये होगा कि आप सिंपल यहाँ से एडिट कीजिए, यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल तौसीफ, है ना, मैं यहाँ पे कैप्स लॉक कर देता हूँ तौसीफ, और यहाँ से फिर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और खालिद, तो इस चीज़ को आप मेंटेन रख सकते हैं। फिर ये मैं सेलेक्ट करूँगा, उसका जो स्टाइल है वो आप मेंटेन रख सकते हैं। अब देख लीजिए हमारे पास ये जो है वो इफेक्ट आ गया। वैसे ही अगर मुझे कुछ लोअर थर्ड, फॉर एग्जांपल प्लेन टेक्स्ट मुझे चाहिए, कुछ भी ऐसा शो करना है मुझे, है ना, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसके ऊपर कि ये क्या चीज़ है, तो वीडियो टाइम लाइन, फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम लाइन के बारे में बात हो रही, तो हम टाइम लाइन यहाँ पर डाल देंगे। तो आप ऑन स्क्रीन एडिट कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको सारी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइक फॉन्ट है, फॉन्ट का साइज़ है, कलर है, आप यहाँ पे कलर सैम्पल कर सकते हैं ना, कौन सा कलर आप टेक्स्ट के लिए यूज़ करना चाहते हैं। फिर अलग अलग पैराग्राफ के ऑप्शन हैं, और यहाँ पे आपको स्टाइल के प्रीसेट जो है वो मिल जाते हैं, सेम स्टाइल जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये हमारे पास लेटर के बीच में स्पेसिंग है, और लाइन के बीच में फिर अलाइनमेंट है, रोटेशन है, ये नॉर्मल हमारे पास स्केल है, छोटा बड़ा करना हो, पोजिशन कहाँ पर रखना है वो चीज़ है, और फिर यहाँ पर कॉम्पोजिशन हमारे पास है जो कि हम लोग आगे देखेंगे। वैसे इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, आप सिंपल यहाँ पर जो है इसका बैकग्राउंड वगैरह इनेबल कर सकते हैं, उसकी ओपेसिटी कितनी रखनी है वो चीज़ है, राउंडनेस आप देख लीजिए, और उसके बाद जो है वो कितना बड़ा होगा वो चीज़। तो यहाँ से अगर आपको बैकग्राउंड वगैरह देना है तो आप जो है वो यहाँ से बैकग्राउंड ऑन कर सकते हैं। आपको ग्रेडियंट इफेक्ट डालना है, आप ग्रेडियंट इफेक्ट जो है वो यहाँ से डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये है और ये है, ये हमारे पास अलग अलग ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं। तो ये है बेसिक हमारा टेक्स्ट एडिटिंग। अब आ जाइए यहाँ पे हम लोग दूसरे एलिमेंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट्स है जो कि आपका सिंपल फिल्टर की तरह से हो गया, वो इफेक्ट जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ये ग्लिच इफेक्ट है, तो आपको सबसे पहले तो इसे डाउनलोड करना पड़ेगा और इस तरीके से ये ग्लिच हो जाएगा। तो अगर आप इसके साथ साउंड इफेक्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो अब क्या होगा, ये इस तरीके से ग्लिच करेगा। इसका भी ड्यूरेशन आप पूरी तरीके से, किसी भी चीज़ का ड्यूरेशन आप पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि ये है हमारे पास, इसका ड्यूरेशन हमने ये कर दिया, इसका हमने ये कर दिया, तो अब यहाँ पे ये हमारे पास इतनी दूर में जो है ये ग्लिच इफेक्ट शो करेगा। अब यहीं पे अगर हम लोग ग्लिच वाला साउंड इफेक्ट्स डाल दें तो ये काफ़ी अमेजिंग जो है वो एक तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, वीडियो इफेक्ट्स है देख लीजिए आप, ओके, ये लूमा, और ये ग्लास, टूटा हुआ ग्लास जो होता है उसका इफेक्ट है, तो बहुत सारे इफेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। शेक करना है, नॉर्मल शेक इफेक्ट अगर आपको डालना है अपने कैमरे में, है ना, नॉर्मल मूवमेंट डालना है, जैसे आपने नॉर्मल वे में शूट किया है, लेकिन अगर आपको दिखाना है, थोड़ा सा इंगेज करके रखना है यूज़र को, तो आपको जो है वो थोड़ा सा शेक इफेक्ट जो है वो डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे शेक इफेक्ट है, ग्लिच से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारा है, एआई पोर्ट्रेट है जो कि एक्चुअली आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, बट यहाँ पे आप जो है इसका इफेक्ट देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कैसे जो है वो वर्क करेगा। ओके, गेट ट्रायल अभी मुझे, है ना, ये कुछ इस तरीके का इफेक्ट जो है वो आ रहा है।
तो यहाँ पे फ्लिकर है, बहुत सारे इफेक्ट्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे हमारे पास, ब्लर इफेक्ट्स वगैरह है ना, किसी भी चीज़ को ब्लर करना हो, डायरेक्शन ब्लर, अब इसमें भी किसी किस तरह का ब्लर जो है वो आप चाहते हैं वो चीज़ है। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये चाहिए, मैंने ओके सो पहले इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, ये हमारा ये हो गया। अब इसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो मास्क अप्लाई कर सकते हैं कि ये जो इफेक्ट है ना ये सिर्फ और सिर्फ इतनी दूर में शो करे। तो ये हमारे पास मास्क का ऑप्शन है, सर्कल हम ले लेंगे और ये सर्कल उसके ओके यहाँ पे गॉट इट, कंट्रोल जी मैं कर देता हूँ इसको नॉर्मल वे में, सर्कल सर्कल ले लिया हमने और यहाँ से हम इसको ये कर देंगे एक्सटेंड, और इसका साइज़ क्या होगा, ब्लरनेस का साइज़। और यहाँ पे एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मतलब हमें मैन्युअली करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा इस तरीके से, है ना। हम यहाँ पे ये कर सकते हैं अगर छोटा हमें करना है तो, आई थिंक एक्सटेंड ये। तो अब क्या हो रहा है, बस फेस के ऊपर जो है ये ब्लर इफेक्ट जो है हमारा अप्लाई हो रहा है। तो ये हो गया हमारा इफेक्ट्स, बहुत सारे इफेक्ट्स जो है वो आपको मिल जाते हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्टिकर में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे ओवरलेज वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि सब्सक्राइब बटन है ना, ये सब्सक्राइब बटन हमने ऐड कर दिया, ओके ऐड नहीं किया एक्चुअली हमने, हम यहाँ पे इसको ड्रैग करके ला करके रखेंगे और उसके बाद जो है इसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरीके से, तो यहाँ पे देख लीजिए एरोज है हमारे पास, सोशल मीडिया के लिए है, इमोजी वगैरह है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसमें आप जितना भी लेंथ रखना चाहते हैं उतना जो है वो आप यहाँ पे लेंथ जो है वो रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे पास ये इमोजी है और उसके बाद जो है इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसको कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टिकर हो गया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी है, थंडर लाइटनिंग, अगर आपको कुछ स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह क्रिएट करना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि थंडर इफेक्ट आपको दिखाना हो, बहुत सारे पेड हैं यहाँ पे, बहुत सारे फ्री जो है वो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करें अगर यहाँ पे, तो हमारे पास ये टैम्पलेट है, ये एक्चुअली फिल्मोरा 12 के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब ये एक पैकेज आपको मिल जाएगा जिसे आप एडिट कर पाएंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंट्रो की अगर हम बात करें, अगर आप कुछ इस तरह का इंट्रो चाहते हैं है ना, तो इसको सिंपल आप ड्रैग करके अपने वीडियो के शुरू में ला करके जो है वो रख दीजिए। ये सबसे पहले तो डाउनलोड होगा और आप इसे अपने हिसाब से जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर सिंपल डबल क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिन्हें जो है वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ऑन स्क्रीन जो है वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सिंपल ये देख लीजिए, अलग अलग ऑप्शन है जो एनिमेशन के हिसाब से, यहाँ पे हर लेटर अलग अलग है ताकि एनिमेट अच्छे से हो सके। और यहाँ पे मीडिया, जो भी मीडिया फाइल है आपका, स्टॉक नॉर्मल है जो भी आपने इंपोर्ट किया वगैरह उसको, अगर आपको इसमें ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं और उसके बाद फाइनली सेव कर दीजिए और ये आपका ये हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे टैम्पलेट, यहाँ पे एक और चीज़ है वो है स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन। तो अगर आप एक ही स्क्रीन में मल्टीपल लोगों को शो करना चाहते हैं, जैसे कि न्यूज़ चैनल वगैरह में होता है कि एक ही फ्रेम में मल्टीपल लोग होते हैं बराबर इक्वली जो है वो स्प्लिट करके, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे जो है वो ऑप्शन मिल जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे चार दो लोगों का ऑप्शन है, वन और टू इस तरीके से इक्वली जो है वो यहाँ पे होंगे। तो फॉर एग्जांपल चलिए आ जाइए, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और उसके बाद इसको हम लोग जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। इसके ऊपर एक्चुअली मैं डाल देता हूँ, तो ये देख लीजिए यहाँ पे एक्चुअली इसको ऊपर डाल दीजिए या फिर आप नीचे डाल दीजिए। अब इसमें क्या है, इसमें हमें अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट लाइक ड्रैग करना होगा। तो फर्स्ट इसमें मैं एक वीडियो डाल देता हूँ और दूसरे में मैं फॉर एग्जांपल ये वीडियो मैं डाल देता हूँ इस तरीके से। तो अब देख लीजिए हमारे पास दो वीडियो है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइक आपको चार शो करना है चार, और किस तरह का स्टाइल होगा वो चीज़ आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे व्लॉग के ऑप्शन है, मतलब अलग अलग कैटेगरी नॉर्मली जैसे आपको हर जगह पे मिलती है वैसे यहाँ पे मिल जाती है। आप देख लीजिए व्लॉग वाले स्टाइल में या फिर कुछ कंपेरिजन, यहाँ पे हमारे पास स्पोर्ट्स है, फलाना वर्सेस फलाना इस तरह का अगर आपको ये करना हो, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे रेडी टू यूज़ टेम्पलेट्स जो है वो आपको मिल जाते हैं जिन्हें आप इजीली जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए कि हमारे पास टेम्पलेट है। अब सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन वही आ जाते हैं, यहाँ पर भी आप सिंपल जो है वो इमेज या फिर फुटेज जो भी आपको ड्रॉप करना है वो आप ड्रॉप कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कीजिए, है ना, और सॉरी यहाँ पे ये हमने इसको यहाँ पे डाल दिया, इसको हमने यहाँ पे डाल दिया और इसके अंदर जो है वो हम इसको चाहें तो यहाँ पे जूम इन जूम आउट वगैरह कर सकते हैं। और दूसरे कंट्रोल ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाते हैं कस्टमाइज जो है वो, यहाँ पे आप न्यू पैनल में जो है वो इसको कर सकते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिकली और दूसरे ऑप्शंस यहाँ पे। ऑडियो के बारे में आप सिंपल यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग ऑडियो वगैरह जो है वो मिल जाते हैं जो कि आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और इसके बारे में सेपरेट वे में हम ऑडियो के सेक्शन में जो है वो देखेंगे।
गाइज, वीडियो एडिटिंग प्रोसेस में कलर करेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कलर करेक्शन में नॉर्मली हम दो चीज़ों को मैनेज करते हैं, कलर्स को एंड लाइट्स को। हम जब वीडियो रिकॉर्ड या फिर शूट करते हैं तो वो कैसा होगा ये टोटली डिपेंड करता है हमारे लाइटिंग कंडीशन के ऊपर, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर या फिर हमारे कैमरा सेटिंग्स के ऊपर, जिसमें हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ हम लोग कलर करेक्शन के अंदर करते हैं। तो आ जाइए काफ़ी डिटेल में इसके ऊपर जो है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर आपको जो है कलर करेक्शन का एक फोल्डर मिल जाएगा और उसमें आपको जो है ये कुछ फुटेज मिल जाएंगी। ये हमारे पास ये है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक कलर करेक्शन के बारे में, लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, बेसिक टर्म्स के बारे में। तो हमारा जो सबसे पहला टर्म आता है वो है सैचुरेशन। तो ये है सैचुरेशन का ग्राफ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सिंपल ये कलर को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारे सैचुरेशन की वैल्यू जीरो है तो हमारा जो इमेज होगा या वीडियो होगा वो बिल्कुल फ्लैट होगा, मतलब ब्लैक एंड वाइट होगा। और अगर उसमें कलर्स हमें ऐड करें तो उसका सैचुरेशन हमें जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। या फिर सिंपल अगर आपके पास कोई फ्लैट लुकिंग जिसमें कम सैचुरेशन है, जैसे कि देख लीजिए ये है हमारे पास, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कलर थोड़ा फ्लैट है तो हमें इसमें सिंपल सैचुरेशन जो है वो इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। और उसके बाद नेक्स्ट ये है हमारे पास कलर व्हील। तो ये है कलर व्हील। नॉर्मली तीन कलर हमारे अंदर होते हैं, लाइक हमारे फुटेज में ग्रीन, ब्लू एंड रेड, और ये उसी का व्हील है, मतलब उसी के बीच में ट्रांजिशन है ग्रीन एंड ब्लू और रेड। और यहाँ पे ये जो व्हील रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर में हमारा जो सैचुरेशन है वो जीरो होता है, मतलब इसी के पार्ट को मैंने यहाँ पे काट करके डाल दिया। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे हमारा सैचुरेशन जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये है कलर व्हील, इस चीज़ को आप आगे अच्छे से समझ जाएंगे। नेक्स्ट ये है हमारे पास ह्यू। तो ह्यू में क्या होता है, नॉर्मली अगर ह्यू के स्लाइडर को हम चेंज करते हैं तो जो हमारा कलर है ना वो शिफ्ट हो जाता है। जैसे अगर कोई रेड कलर है और हमने स्लाइड किया तो हमारा वो ग्रीन हो जाएगा, रेड वाला कलर जो है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो ह्यू में ये चीज़ जो है वो हमारा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइए, नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है यहाँ पे हाईलाइट मिड टोन एंड शैडो का। तो सिंपल यहाँ पे जैसे ये शो कर रहा है कि शैडो मतलब डार्केस्ट पार्ट और मिड टोन मतलब बीच वाला पार्ट, मतलब हाईलाइट सबसे हाईलाइटेड पार्ट और शेडो डार्केस्ट, और उसके बीच में जो होगा वो मिड टोन होगा। अब जैसे नॉर्मली यहाँ पे अगर आप मुझे देखेंगे तो मेरे फेस के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा लाइट आ रहा है, स्पेशली इस एरिया में। तो अब अगर मुझे उसे थोड़ा सा कम करना है तो हम स्पेशली हाईलाइट के ऊपर वर्क करेंगे, मतलब लाइट्स को मैनेज करने के लिए स्पेशली हाईलाइट वाले एरिया को हम मैनेज करेंगे। वैसे ही अगर मुझे डार्केस्ट पार्ट को थोड़ा सा और ब्राइट करना है तो हम शेडो के ऊपर जो है वो वर्क करेंगे। अभी आगे आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। तो ये है हमारा बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट लाइट का, बेसिक टर्म। लूमा वगैरह यूज़ होता है जो कि लाइट के कॉन्सेप्ट में जो है वो यूज़ होता है। अब आ जाइए हम लोग आते हैं टूल्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने इस फुटेज को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज़ के अंदर कलर्स में आ जाते हैं, कलर। और इसके अंदर सबसे पहले तो मैं इन सब को मिनिमाइज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, इस तरीके से आपका शो कर रहा होगा, तो इन सभी को आपको जो है वो मिनिमाइज़ कर लेना है ताकि कन्फ्यूजिंग ना हो। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बेसिक है, HSL है, कर्व है, कलर व्हील है, और यहाँ पे आपको एक कंपैरिजन व्यू भी जो है वो मिल जाता है। मतलब अगर आप देखना चाहते हैं बिफोर एंड आफ्टर आपने कलर करेक्शन के बाद क्या किया है, तो वो चीज़ आप यहाँ से इस व्यू को ऑन करके जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास प्लेयर के अंदर ये एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है वीडियो स्कोप का, इसे आप जो है वो इनेबल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे वीडियो स्कोप में आने के बाद यहाँ पे आप जो है सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, बाय डिफॉल्ट आई थिंक 3 होता है, यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है किस तरह का ग्राफ जो है वो आप देखना चाहते हैं। प्रेड में आप जो है कलर्स देख सकते हैं, वेवफॉर्म आप लाइट्स देख सकते हैं। अभी इस चीज़ को हम समझेंगे काफ़ी डिटेल में। और उसके बाद वेक्टर स्कोप है जिसमें आप सैचुरेशन देख सकते हैं, और यहाँ पे हिस्टोग्राम है। एक्चुअली मैंने सोचा है कि इसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे काफ़ी डिटेल में। और फिर यहाँ पे हमें RGB जो है वो सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि हम RGB के ऊपर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं प्रेड में। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो जीरो से यहाँ तक जा रहा है। ओके, तो इसी बीच में हमें वैल्यू को मैनेज करना है। अब अगर इस फुटेज के हिसाब से देखें तो यहाँ पे अभी तीन चैनल शो कर रहा है ना, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें ब्लू जो कलर है ना वो थोड़ा सा कम दिख रहा है, मतलब नीचे की तरफ दिख रहा है, ऊपर की तरफ नहीं है। तो हमें क्या करना है, ब्लू को थोड़ा सा बूस्ट करना है। आप जैसे देख लीजिए, मैं आपको सिंपल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल कर्व में मैं आ जाता हूँ, और अभी अगर आप देखें तो इसका कलर करेक्शन लाइक ठीक है, नॉट बैड, लाइक बैड है एक्चुअल में, इसीलिए मैंने इसको रखा है। तो इसमें थोड़ा सा येलो टोन आ रहा है, लेकिन जैसे हम ब्लू को बूस्ट करेंगे ना, आप देखेंगे कि हमारा कलर करेक्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ से मैंने बी लिया है ना ब्लू, और ये देख लीजिए मैंने बूस्ट किया ब्लू को थोड़ा सा इस तरीके से, और ये अब इसी तरीके से आ गया, ब्लू भी थोड़ा सा बूस्ट हो गया। तो अब हमारा जो कलर है वो बिफोर आफ्टर आप देख लीजिए इस तरीके से, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस। तो अगर हमें प्रॉब्लम पता हो तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ, वरना ये बहुत ही एडवांस वीडियो एडिटिंग का लाइक कलर करेक्शन का जो है वो पार्ट होता है। तो ये हो गया हमारे पास ये। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जांपल इस फुटेज में आता हूँ, और यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो थोड़ा सा हमें ब्लू को बूस्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर आप इसमें स्पेशली नोट करें तो ये जो कलर है ये
मिड लेवल से ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि हमें इसको बीच में एकदम बिल्कुल ऊपर से नीचे तक रखना है, एकदम पूरा स्ट्रेच करना है। तो इसे हमें थोड़ा सा यहाँ पे ये करना पड़ेगा, इसको नीचे करना पड़ेगा, मतलब जीरो से लेकर के यहाँ तक होना चाहिए। यहाँ पे मतलब इस चीज़ को मैनेज करेंगे, आगे देखेंगे कैसे इसको फिक्स करना है। अगर हम वेव फॉर्म में आते हैं तो यहाँ पर अगर आप लाइटिंग की कंडीशन देखें तो ये सेंटर में है, मतलब थोड़ा सा हाईलाइट भी चाहिए हमें, थोड़ा सा शैडो भी चाहिए, थोड़ा सा मतलब इसको डार्क भी करना है। ये जो हमारा ग्राफ दिख रहा है इसको हमें स्ट्रेच करके उसके बीच में करना है। कैसे, देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ये कर्व है, ओके, मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से देख लीजिए इसको मुँह पर ले जाते हैं, नीचे की तरफ लाते हैं, तो हम यहाँ पे इसको जो है वो मैनेज कर सकते हैं। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बेसिक में आ जाता हूँ, यहाँ पे कलर लाइट्स में आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे मुझे क्या है हाईलाइट्स बढ़ाने हैं, हाईलाइट्स मैंने बढ़ा दिया, और शेडोज़ को भी जो है वो यहाँ पे कम करने हैं, शेडो को नीचे की तरफ लाना है, और यहाँ पे ब्लैक है, ब्लैक को मैं यहाँ इधर शिफ्ट करता हूँ। अब देख लीजिए हमारा मतलब शेडो और ब्लैक दो चीज़ें मैनेज कर सकते हैं एक साथ, मतलब शेडो और ब्लैक से एक तरह का इफेक्ट आपको कहीं ना कहीं दिखेगा नॉर्मल वे में बात करें तो, हाईलाइट और वाइट से एक तरह का इफेक्ट दिखेगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। देख लीजिए अब हमने जब इसकी स्ट्रेचिंग की तो देख लीजिए हमारा बिफोर एंड आफ्टर, आप देख लीजिए। तो हमें हर किसी के ग्राफ को इसी तरीके से जो है वो मैनेज करना है यहाँ पे, और हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। वैसे यहाँ पे हमारे पास वेक्टर स्कोप है, इसमें नॉर्मली सैचुरेशन की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सा कलर है हमारे पास, हल्का सा ऑरेंज है, और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास रेड है, वाइट है, और हल्का सा जो है हमारे पास ग्रीन है, मतलब हल्का ग्रीन है थोड़ा सा इधर, और सैचुरेशन। तो अगर यहाँ पे मैं सैचुरेशन बढ़ाऊँ, सैचुरेशन मतलब कलर्स, तो यहाँ पे अगर मैं सैचुरेशन इंक्रीज़ करूँ तो देख लीजिए ये कलर क्या हो रहा है ना, ये पॉप हो रहा है। अगर मैं हटा दूँ तो बिल्कुल ज़ीरो। तो इसलिए मैंने कहा था यहाँ पे इस इमेज के केस में कि सेंटर में हमारा सैचुरेशन ज़ीरो होता है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे हमारा सैचुरेशन बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से है, ये यहाँ पर भी देख लीजिए, तो यहाँ पे सैचुरेशन हम इंक्रीज़ करेंगे, और ये देख लीजिए ये हमारा ये हो गया। तो ये नॉर्मल हो गया हमारा वेक्टर स्कोप। प्रेड में हम आ जाते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे देखना कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। यहाँ पे कलर सारी चीज़ों को मैं रीसेट कर देता हूँ, ओके, इसको मैंने सेलेक्ट किया और रीसेट, जिस वैल्यू को भी आपको रीसेट करना है आप सिंपल जो ये आता है उसको हम रीसेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं इधर नीचे की तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ, ओके ओके। अब चलो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग प्रीसेट में। तो यहाँ पे आपको कुछ प्रीसेट मिल जाते हैं जो कि नॉट रिकमेंडेड, बट आप देख सकते हैं कुछ प्रीसेट हैं, सिंपल क्लिक कीजिए और वो चीज़ अप्लाई हो जाएगा, और विनियर इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो गया, आप उस वैल्यू को रीसेट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए आप सिंपल यहाँ पे नन कर दीजिए और सारी चीज़ें आपकी रीसेट हो जाएंगी। हाँ, यहाँ पे एक बेस्ट चीज़ ये है कि आप कस्टम प्रीसेट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, मतलब जो भी आपने ट्वीक किया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका कलर करेक्शन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्सपोजर बढ़ाता हूँ और यहाँ पे हाईलाइट्स एंड शैडोज़ कलर में आ जाते हैं, ओके, कलर्स ऊपर हैं, सैचुरेशन हम यहाँ पे इंक्रीज़ करते हैं, है ना, वाइब्रेशन टिंट हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ऐसे हम यहाँ पे इसको कूल डाउन करते हैं, और ये हमारा फॉर एग्जाम्पल कलर करेक्शन हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको एज ए प्रीसेट जो है वो सेव करना है। तो सिंपल यहाँ पे हमारे पास है सेव एज कस्टम, इसके ऊपर हमने क्लिक किया और फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ फाइनल कलर, इसका नाम मैंने डाल दिया, जो भी नाम आपको डालना है। अब आ जाइए यहाँ पे आप अगर कस्टम में आते हैं, मैं फॉर एग्जाम्पल इन सभी को रीसेट कर देता हूँ यहाँ पे, ओके, इन सभी को मैंने रीसेट कर दिया, और यहाँ पे कस्टम में आ जाते हैं और इसको जैसे मैं अप्लाई करूँगा सेम इफेक्ट हमारा आ जाएगा जस्ट वन क्लिक में। तो इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पे प्रीसेट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मैं फिलहाल नन कर देता हूँ और इसको हम कर देते हैं मिनिमाइज। अब आ जाइए, ये है हमारे पास लट्स लुकअप टेबल। तो ये भी एक्चुअली कहीं ना कहीं प्रीसेट ही होता है, बट ये चीज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारे जो है वो दिए गए हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि डार्क फिल्म, ग्रेविटी, हैरी पॉटर स्टाइल, और ये कलर ग्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में आ जाता है। दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है कलर करेक्शन और दूसरा होता है कलर ग्रेडिंग। कलर करेक्शन में हम प्रॉब्लम्स को फिक्स करते हैं, अगर कलर की कोई प्रॉब्लम होती है उसको हम फिक्स करते हैं। कलर ग्रेडिंग में हम एक लुक देते हैं, स्टाइल देते हैं, है ना, जैसे डार्क थीम या बहुत वाइब्रेंट देना हो तो वो चीज़ हम यहाँ पे देते हैं, या ब्लैक एंड वाइट, वो सारी चीज़ें हम लोग कलर ग्रेडिंग के अंदर करते हैं। तो लुकअप जो है वो हमारा लुक फील, वो चीज़ हमारा जो है यहाँ पे लट्स जो है उसी के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास कुछ है जो आपने डाउनलोड किया है तो लोड न्यू लट्स के ऊपर जो है वो क्लिक करके आप जो है वो यहाँ से लोड कर सकते हैं, अगर आपने कहीं से डाउनलोड किया है तो। तो ये हमारे पास लट्स है। उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन ये है कि आप उसका स्ट्रेंथ कितना रखना चाहते हैं, जैसे साइबर पंक हमने अप्लाई किया, उसका स्ट्रेंथ क्या रखना चाहते हैं वो चीज़ है। फॉर एग्जांपल मुझे इतना स्ट्रेंथ रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे एक नया फीचर ऐड किया गया है प्रोटेक्ट स्किन टोन का। तो जैसे आप इसको इंक्रीज करते हैं तो देख लीजिए सिर्फ स्किन टोन जो है वो हमारा यहाँ पे प्रोटेक्ट हो रहा है, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर वो जो इफेक्ट है वो अप्लाई हो रहा है। तो मैं इसको फिलहाल ऑफ कर देता हूँ। ये हमारे पास लट्स। अब आ जाइए फाइनली हम लोग आते हैं कलर करेक्शन के अंदर और देखते हैं इसके बेसिक को।
तो यहाँ पे सबसे पहले है ऑटो वाइट बैलेंस, जिसको मैं बोलूँगा कि कभी छेड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे कभी आपको सही रिजल्ट नहीं आएगा। आप ऑटो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और देख लीजिए क्या बवाल इसने क्रिएट कर दिया। मैं फिलहाल इसको रीसेट कर देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास टेम्परेचर का। टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे, अगर आप इस फुटेज को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा वार्म इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा। तो यही चीज़ है टेम्परेचर, सिंपल नॉर्मल जैसे टेम्परेचर होता है। ज़्यादा टेम्परेचर होगा मतलब वार्म, और कम टेम्परेचर मतलब कूल। तो वही चीज़ है, अगर आपको टेम्परेचर इसका कम करना है, इधर की तरफ जाइए, है ना, लेफ्ट, आप सिंपल देख भी सकते हैं। और अगर आपको इसको और वार्म करना है तो आप आगे की तरफ जाइए। तो सिंपल यहाँ पे मुझे जो है वो थोड़ा सा इसको कूल डाउन करने की ज़रूरत है, ज़्यादा भी नहीं कर लेना है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये आई थिंक ये परफेक्ट लग रहा है स्किन टोन के हिसाब से भी, है ना। तो मैंने इतना जो है वही कर दिया। यहाँ पे आप वैल्यू मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं, या फिर सिंपल इसके ऊपर क्लिक कीजिए और स्लाइड कीजिए आप माउस को, तो आप चेंज कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं इतना वैल्यू यूज़ करूँगा। ये हमारा टेम्परेचर जो है वो फिक्स हो गया। अब ये है टिंट, थोड़ा सा आप मैजेंटा या फिर आप जो है वो ग्रीन की तरफ जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा मैजेंटा मैं ऐड करूँगा, फॉर एग्जांपल इतना पॉइंट। तो ये हमारा बेसिक वाइट बैलेंस एक तरीके से हो गया। टेम्परेचर और टिंट का यूज़ हम लोग वाइट बैलेंस के लिए जो है वो करते हैं, मतलब वाइट को वाइट दिखाने के लिए। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि वाइट, एग्जैक्ट वाइट जो है वो दिख रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल इतना। अब आ जाइए कलर को, अगर हमें बूस्ट करना है तो उसके लिए दो चीज़ें जो है वो यूज़ होती हैं, वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन। दोनों से सिमिलर टाइप इफेक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। वाइब्रेंस थोड़ा सा स्किन सेंसिटिव होता है, मतलब ये आपके स्किन को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं करता है। तो देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें ऐड करने की ज़रूरत है। वाइब्रेंस हमने मैक्सिमम किया तो हमारे पास ये इफेक्ट है, लेकिन अगर सैचुरेशन को हम बूस्ट करें तो ये इफेक्ट है। मतलब सिमिलर टाइप जो है वो इफेक्ट वाइब्रेंस और सैचुरेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल सैचुरेशन हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। ये जो लुक आ रहा है ना, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह का पसंद करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि ये वैल्यू इतनी होनी चाहिए या फिर ये ऐसा ही दिखनी चाहिए। ये टोटली आपके टेस्ट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, आपके रिकमेंड, आपके नीड्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ से हमने वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन, कलर को पॉप करना हो आप वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन को जो है वो यूज़ करेंगे, वाइट बैलेंस करना हो टेम्परेचर एंड टिंट का जो है वो आप यूज़ करेंगे। तो ये हमारा कलर बैलेंस हो गया। अब आ जाइए लाइट्स की बात करते हैं। लाइट्स में एक्सपोजर है हमारे पास, तो देख लीजिए ओवर एक्सपोज्ड, अंडर एक्सपोज्ड, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ देखना है और ये देख लीजिए ये ज़ीरो से यहाँ से ये इसके ज़्यादा छेद करता हुआ बाहर नहीं जाना चाहिए। देख लीजिए अगर मैं इसको ले जाता हूँ तो ये बाहर चला गया, तो इसको आपको इसके अंदर ही रखना है। जैसे देख लीजिए परफेक्ट लाइटिंग जो होगी वो हमारी ये कुछ इस तरीके से, सारे कलर्स परफेक्टली, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा हमने बूस्ट किया। उसके बाद जो है ब्राइटनेस है। ब्राइटनेस एंड एक्सपोजर कहीं ना कहीं सेम वे में वर्क करता है, बट दोनों डिफरेंट चीज़ है, डिफरेंट तरह का। अगर बहुत ही सेंसिटिव लेवल पर अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, देख लीजिए ब्राइटनेस हमने बढ़ाया, सारी चीज़ों का ब्राइटनेस यहाँ पे बढ़ गया, काफ़ी चीज़ें मेंटेन है, है ना, बहुत सारी चीज़ें मेंटेन है यहाँ पे। लेकिन अगर यहीं पे हम एक्सपोजर बढ़ाते हैं तो क्या हो रहा है, देख लीजिए बहुत माइनर डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बूस्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल चलो एक्सपोजर में, और ये देख लीजिए जो स्ट्रेचिंग है उसमें आप डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इतना मुझे रखना है। हाईलाइट्स एरिया पे जो है ना काफ़ी हाईलाइट हो रहा है, तो उसको हम यहाँ से अब कम कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट बेसिकली वाइट पार्ट को और वाइट करता है और डार्क पार्ट को और डार्क जो है वो करता है, या लाइट को लाइट डार्क को डार्क करता है एक तरीके से। देख लीजिए यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रास्ट को एक तरीके से ये कर दिया, तो जो डार्क है वो और कम हो गया और ये भी डल हो गया। लेकिन अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो लाइट और लाइट हो गया, डार्क और डार्क जो है वो हो गया। तो बहुत ही केयरफुली इसे जो है वो आपको छेड़छाड़ करना है। अब आ जाइए हाईलाइट्स, शेडो, वाइट एंड ब्लैक की बात करते हैं। हाईलाइट और वाइट से आपको सिमिलर टाइप इफेक्ट देखने को मिलेगा, शेडो एंड ब्लैक में आपको सिमिलर टाइप जो है वो इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो हाईलाइट्स को स्पेशली हम यहाँ पे थोड़ा सा बूस्ट भी कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से देख लीजिए। सिर्फ ये हाईलाइटेड एरिया के ऊपर जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था इस वाले स्लाइड में, ये सिर्फ ये जो ऑब्वियस बात है कि ट्रांजिशन तो होगा ही, डार्क पार्ट के ऊपर भी उसका थोड़ा सा इफेक्ट होगा, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट जो है हाईलाइट के ऊपर जो है वो ये करेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे, हाईलाइट्स को हमने थोड़ा सा बूस्ट किया, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। शेडो स्पेशली डार्केस्ट पार्ट जो है उसको हम लोग यहाँ पे छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसको भी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बूस्ट किया, फॉर एग्जांपल ये फिर वाइट है हमारे पास, वाइट को और वाइट अप कर सकते हैं, देख लीजिए। तो आपको बहुत केयरफुली जो है वो वर्क करना है यहाँ पे। थोड़ा सा मैं इसको कम करूँगा या फिर ज़ीरो, अगर किसी भी वैल्यू को आपको रीसेट करना है सिंपल, तो आप जो है यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है ब्लैक है, ब्लैक को और आपको ब्लैक करना हो, ब्लैक से आप बेसिकली ब्लैक को मैनेज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कलर करेक्शन। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी परफेक्ट वे में यहाँ पे हमारे पास कलर आ गया, और आप बिफोर एंड आफ्टर भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये कलर था, अब हमारे पास ये रिजल्ट है।
नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे, लाइट्स को हम ऑफ कर देते हैं, आ जाते हैं एडजस्टमेंट में। यहाँ से आप शार्पनेस ऐड कर सकते हैं, देख लीजिए ये ब्लर्डनेस हो गया, शार्पनेस हो गया। तो अगर आपको थोड़ा सा स्किन वगैरह को स्मूथ करना हो, जैसे मास्क वगैरह का भी फीचर जो है आई थिंक इसमें परफेक्टली वर्क करेगा या नहीं, देखते हैं मास्क में जब हम आएंगे। तो यहाँ पे शार्पनेस जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा शार्पनेस मैं ऐड कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा शार्पनेस आपको ऐड नहीं करना है। और ये देख लीजिए ये हमारे पास फुटेज है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास विनियर इफेक्ट है। तो विनियर इफेक्ट नॉर्मली क्या होता है, जो प्रीसेट में भी हमने देखा एक्चुअली, आपको अगर यहाँ पे चारों साइड से थोड़ा सा डार्क पार्ट चाहिए ताकि आप लोगों को सेंटर में फोकस करो, तो उसके लिए हम लोग विनियर इफेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे ये इस तरह का इफेक्ट, साइज हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, राउंडनेस ये है हमारे पास, फेदर हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं थोड़ा सा अच्छे से, हार्ड नहीं यूज़ करना है फेदर फॉर एग्जांपल। और एक्सपोजर हाईलाइट नहीं है, एक्सपोजर हमें नहीं बढ़ाना है, और हाईलाइट्स फॉर एग्जांपल। तो अब क्या हो रहा है, जो हमारा अट्रैक्शन है वो सेंटर की तरफ जो है वो जा रहा है। तो ये विनियर इफेक्ट जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता है, इतने ज़्यादा इफेक्ट्स के साथ नहीं बट या हल्के इसके साथ, फॉर एग्जांपल इतना, जैसे ये है हमारे पास। अभी भी हमारे पास यहाँ पे काफ़ी डार्कनेस है, बढ़िया इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा विनियर इफेक्ट। अब ये है हमारे पास कलर मैच का ऑप्शन। तो ये एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास अगर मल्टीपल फुटेज है और कहीं पे कोई कलर आप कहीं से कॉपी करना चाहते हैं तो वो चीज़ जो है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं आ जाता हूँ और इसको सबसे पहले तो मैं रीसेट कर लेता हूँ, ओके लाइट्स रीसेट, ठीक है मैंने इसको रीसेट कर दिया। अब मुझे ना इसको कॉपी करना है, इसके कलर को यहाँ पे कॉपी करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 100% तो कॉपी नहीं होगा, 100% करने के लिए हम सिंपल इसका प्रीसेट बना लेंगे और उसके बाद कर लेंगे। लेकिन कलर मैच में अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ कलर मैच, ओके और कंपैरिजन व्यू में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें जो है ना उस फुटेज को स्लाइड करके सेलेक्ट कर लेना है जिसके कलर को हम कॉपी करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये है, इसको हम कॉपी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम ले आएंगे और जस्ट हम मैच के ऊपर क्लिक करेंगे और ये मैच हो जाएगा और ये इसके अकॉर्डिंग ये मैच हो गया। तो आप देख लीजिए, यही चीज़ मैं कह रहा था कि लट्स जो होता है ये ज़रूरी नहीं है, पता नहीं मैंने कहा है कि नहीं कहा, लट्स ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरे की वीडियो के ऊपर इफेक्ट दे रहा हो वो आपके ऊपर भी इफेक्ट देगा। देखिए सेम चीज़ हमने कॉपी किया है बट यहाँ पे सेम रिजल्ट नहीं आया, वैसे ये डिफरेंट टेक्निक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कहीं ना कहीं सिमिलर टाइप आप कह सकते हैं कि आ गया है, बढ़िया। ये एक ऑप्शन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं मैच का। अब आ जाइए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे HSL में, कलर मैच में यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ, ओके और विनियट मैं ऑफ़ कर देता हूँ। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एडजस्ट ठीक है, हाईलाइट्स में मैं थोड़ा सा एक्सपोजर कम करता हूँ। यहाँ पे HSL में आ जाते हैं। HSL क्या है, यहाँ पे आप जो है ना किसी सिंगल कलर के ऊपर जो है वो वर्क कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास रेड है, हमारे पास ग्रीन है, तो हम स्पेशली रेड के ऊपर वर्क कर सकते हैं और स्पेशली हम ग्रीन के ऊपर वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग कलर है, देख लीजिए रेड ऑरेंज येलो ग्रीन और इस तरीके से हमारे पास अलग अलग कलर हैं जिनके ऊपर हम सेपरेटली वर्क कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ग्रीन है, अब ग्रीन में ह्यू देख लीजिए अब क्या है, ह्यू हमने बताया था यहाँ पे हमारे पास ह्यू है, ये ह्यू। तो जब हम ह्यू को चेंज करेंगे ना तो इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाएगा, रेड से ये अलग हो जाएगा। रेड यहाँ पे सिलेक्टेड है, देख लीजिए यहाँ पे ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, रेड सिलेक्टेड है और ह्यू हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये स्पेशली रेड के ऊपर जो है मतलब ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिया गया बट या आप चेंज देख सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, स्पेशली रेड के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट डाल रहा है। तो मैं यहाँ से इसको रीसेट कर दूंगा बट रेड को मैं थोड़ा सा बूस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसका सैचुरेशन यहाँ से इंक्रीज कर दूंगा। देख लीजिए सिर्फ और सिर्फ रेड जो है वो यहाँ पे सैचुरेट हो रहा है ना। और उसके बाद रेड का कलर लुमिनेंस कलर सॉरी लाइट जो है मतलब कितना लाइट होगा या डार्क होगा, अगर हमें उसका ये कम करना हो या हाईलाइट करना हो तो वो चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट मैं ऐड कर रहा हूँ है ना, और सैचुरेशन अगर हम यहाँ पे ज़्यादा कर रहे हैं तो फेस के ऊपर भी वो चीज़ इंपैक्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा मैं सैचुरेशन इंक्रीज करूँगा, यहाँ से हम ह्यू शिफ्ट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से, ये फॉर एग्जांपल ये, और ये देख लीजिए। तो यहाँ पे हम सिंगल कलर के ऊपर वर्क कर सकते हैं, वैसे ही आ जाते हैं ग्रीन के ऊपर। फॉर एग्जांपल ग्रीन को मुझे थोड़ा सा शिफ्ट करना है किधर की तरफ, सैचुरेट करना है उसको बहुत ज़्यादा, देख लीजिए ग्रीन स्पेशली सैचुरेट हो रहा है, और उसको हाईलाइट करना है या डार्क करना है, तो बहुत माइनर डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। लेकिन हाँ, आप यहाँ पे सिंगल कलर के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जैसे देख लीजिए डिफरेंस, हमने दो कलर को जो है वो बूस्ट किया है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा HSL। अब आ जाइए हम लोग आ जाते हैं कर्व में, और ये एक एडवांस चीज़ है, अगर आप कर्व का यूज़ करना सीख जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप जो है वो यहीं पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है ना रीसेट कर देता हूँ, कलर लाइट्स ओके एडजस्टमेंट
एंड वी नीड बी ऑन करके मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, HSL मैं रीसेट कर देता हूँ, अब आ जाता है कर्व में। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सेम क्या है कि यहाँ पे हम लाइट्स को जो है वो मैनेज कर सकते हैं और स्पेशली हम RGB सेपरेट सेपरेट चैनल के ऊपर जो है वो वॉक कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली इस कर्व का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ऊपर हाईलाइट होता है, नीचे डार्क होता है। ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा ब्लैक है, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा जो है वो वाइट है, और यहाँ पे नीचे की तरफ एक तरीके से हमारा कह रही शैडो है, बीच में मिड टोन है, और ये हमारा ऊपर की तरफ हाईलाइट्स है। सिंपल। अब आ जाइए यहाँ पे, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपको हाइलाइट्स और ऐड करें तो ये जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको हम इधर की तरफ ले जाएंगे, अगर हम नीचे की तरफ ले जाएंगे तो ये डार्क होगा, जैसे सिंपल मैं स्लाइड कर रहा हूँ डार्क होगा, और वैसे ही ये जो डार्क वाला पार्ट है स्पेशली अगर इस पार्ट पे आप फोकस करेंगे तो और ज़्यादा डार्क होगा और ज़्यादा हाईलाइट होगा। और ऑब्वियसली बात है कि ये पूरा का पूरा ग्राफ एक दूसरे से अटैच होता है पॉइंट, तो आपको जो है वो सारे के ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो दिखेगा। आप बीच में पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप जो है वो यहाँ पे चीज़ें मूव कर सकते हैं। तो हाइलाइट्स आपको ऐड कर रहा हूँ, आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मास्टर ग्राफ एक तरीके से। अब यहाँ पे अगर आपको किसी स्पेशल एक चैनल के ऊपर वर्क करना है, जैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ब्लू को बूस्ट करने की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे ब्लू चैनल में आ जाएंगे और स्पेशली हम ब्लू को और क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ले जाना है। तो नीचे वाला पोर्शन हमारा डार्क होता है, ऊपर वाला हाईलाइट, तो हम यहाँ पे मतलब ये जीरो वैल्यू है टॉप वैल्यू, तो हमें इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाना है। तो यहाँ से हम ब्लू को थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, है ना, इस तरीके से, और इससे कहीं ना कहीं हम मैच कर लेंगे। और अब देख लीजिए हमारा कहीं ना कहीं कलर करेक्शन जो है वो हो गया। वैसे ही रेड चैनल है हमारे पास, रेड अगर यहाँ पे कुछ ख़राब दिख रहा है आपको तो आप उसको जो है वो मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से भी आप जो है इस चीज़ को ये कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल रेड काफ़ी ज़्यादा लग रहा था तो मैं रेड को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो ये लाइट के एस्पेक्ट में जो है वो कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है, मतलब रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, है ना। तो ये हमारा देख लीजिए ये कर्व है, बिफोर एंड आफ्टर, सिर्फ और सिर्फ कर्व से हमने जो है इस चीज़ को मैनेज किया है। तो यहाँ पे आप पॉइंट्स डाल सकते हैं, आप ऊपर नीचे जो है कर सकते हैं। थोड़ा सा फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको डार्क करूँगा इस तरीके से, है ना, बीच में भी हम पॉइंट्स डाल सकते हैं और इसको इस तरीके से हम मूव कर सकते हैं, है ना। अब इसमें अगर हम हल्का सा सैचुरेशन डाल देते हैं तो हमारा जो प्रॉब्लम है जो ये है, यहाँ पे हमें लाइट्स को कुछ भी मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये हमारा फिक्स हो जाएगा। सैचुरेशन हमने ऐड किया थोड़ा सा ये, और थोड़ा सा हम चाहे तो वाइट बैलेंस भी यहाँ पे स्लाइड कर सकते हैं, और ये हमारा जो है वो एक तरीके से कलर करेक्शन जो है वो हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये है कलर व्हील, जिसमें हम लोग जो है वो बेसिकली हाईलाइट्स, शैडो और मिड टोन के ऊपर, मतलब हाईलाइट्स, मिड टोन एंड शैडो के ऊपर स्पेशली वर्क कर सकते हैं। मतलब हाईलाइट को अगर हमें बूस्ट करना है तो हम यहाँ पे हाईलाइट को बूस्ट कर सकते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको सब एक साथ यूज़ नहीं करना है, आपको नॉर्मली बेसिक से आप कर सकते हैं, आप कर्व से कर सकते हैं, या फिर सभी के कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। बाकी ये सेम चीज़ जैसे यहाँ पे हम हाईलाइट को बूस्ट कर रहे हैं, वो सेम चीज़ हम बेसिक में भी लाइट्स के अंदर जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास हाईलाइट्स एंड शैडो है, सेम चीज़ हम यहाँ पे कर्व के अंदर जो है वो कर सकते हैं, और सेम चीज़ हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि हमारे पास कलर व्हील है, तो कलर व्हील में ये सेंटर पॉइंट है। अब फॉर एग्जांपल स्पेशली हाईलाइट के ऊपर हमें रेड टोन ऐड करना है, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और रेड की तरफ शिफ्ट करेंगे। देख लीजिए रेड ऐड हो रहा है, हम ग्रीन की तरफ ले जाएंगे, ग्रीन ऐड हो गया। अब जितना ज़्यादा, जितना नज़दीक में है सेंटर के उतना सैचुरेशन कम होगा, उसका जो इफेक्ट है वो कम होगा, और जितना बाहर की तरफ जाएंगे उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए फॉर एग्जांपल हम इसको थोड़ा सा ब्लू ऐड करते हैं, तो यहाँ से भी हम इसकी हेल्प से भी जो है हम वाइट बैलेंस जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास ये। तो ये था बेसिक कलर करेक्शन, बेसिक नहीं, बेसिक टू एडवांस कलर करेक्शन। अब इसमें देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये है, मैं इसको यहाँ से मैं रीसेट करता हूँ, फॉर एग्जांपल कलर, और ओके सो हमने क्या अप्लाई किया है यहाँ पे, रीसेट हम कर देते हैं, सिंपल रीसेट। अब देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें ग्रीन को बूस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ब्लू को बूस्ट करने की ज़रूरत है, और लाइट्स को हमें मैनेज करने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेव फॉर्म में आ जाते हैं और लाइट्स मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लाइट्स में आ जाता हूँ, ये हमारे पास लाइट्स है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सपोजर इसका बढ़ाता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रास्ट मैं यहाँ पे इंक्रीज़ करता हूँ। कॉन्ट्रास्ट से देख लीजिए क्या होता है, स्ट्रेचिंग होता है इसका। तो फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रास्ट मैंने थोड़ा सा ही किया, उसके बाद हाईलाइट्स को मैं थोड़ा सा कम करूँगा, नीचे की तरफ हम थोड़ा शिफ्ट करेंगे। शैडोज़ हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करेंगे, नीचे की तरफ हमने शिफ्ट कर दिया इसको। हाईलाइट्स अब थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ डालते हैं। वाइट हम और ऐड कर देते हैं थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, और ब्लैक भी हम थोड़ा ऐड करेंगे यहाँ पे। तो ये देख लीजिए, अब ये जो है इसकी हेल्प से, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं देख रहा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ, और फाइनल आप देखेंगे तो यहाँ पर ये भी हमारा बूस्ट हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्सपोजर ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा
है ना, और हाइलाइट्स को और थोड़ा सा हाइलाइट्स कर सकते हैं। तो ये हमारा परफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं हो गया। अब इसमें हमें क्या करने की ज़रूरत है, सैचुरेशन ऐड करने की ज़रूरत है। हम यहाँ से सैचुरेशन ऐड कर देंगे और आप जो है वो यहाँ पे कंपैरिजन व्यू में देख सकते हैं हमारा ये फ्लैट इमेज था और अब हमारे पास जो है ये रिजल्ट है। तो गाइज ये था कलर करेक्शन। वैसे इसके ऊपर मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा सेपरेट वे में, सिर्फ और सिर्फ कलर करेक्शन के ऊपर कि किस तरीके से यू नो बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक टर्म्स, हर चीज़ को समझते हुए। वैसे आई थिंक इतना भी काफ़ी है, अगर आप इतना ही समझ जाते हैं तो ये भी मोर देन एनफ है। तो गाइज ये था हमारा कलर करेक्शन। गाइज वीडियो में ऑडियो का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी वीडियो बहुत अच्छी है, हमने सिनेमैटिक शॉट लिया है, लेकिन उसके ऑडियो में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारी पूरी की पूरी वीडियो जो है वो बेकार हो जाती है। इसीलिए वीडियो एडिटिंग के अंदर ही हमारा एक पार्ट ऑडियो एडिटिंग का होता है। तो ऑडियो एडिटिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने ऑडियो को एनहेंस करते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक डालते हैं, साउंड इफेक्ट्स या फिर वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी डिटेल में ऑडियो एडिटिंग के ऊपर जो है वो बात करेंगे। तो यहाँ पे टाइमलाइन में मेरे पास ये एक फुटेज है जिसमें हमारा वीडियो प्लस ऑडियो है। यहाँ पे ऑडियोग्राफ भी जो है वो आप देख सकते हैं और साथ ही आप सुन भी सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑडियो मीटर भी है जिसमें आप मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारा वॉल्यूम लेवल जो है वो क्या है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा येलो लाइन के अंदर, येलो जोन जो है उसके अंदर ही रहने की कोशिश करें। थोड़ा बहुत रेड हो तो चलेगा, ज़्यादा रेड नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम अपना बढ़ा देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम मीटर में अब जो है वो रेड शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी आवाज़ फट रही है, तो आपको इस जोन में ही जो है वो रहना है। साथ ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्राफ के ऊपर हमारे पास एक लाइन है, अगर आप उसके ऊपर कर्सर ले जाते हैं तो आपको हैंड का आइकॉन शो करेगा और जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करके आप इसको जो है वो ड्रैग कर सकते हैं। तो ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा और नीचे अगर आप ले जाएंगे तो वॉल्यूम आपका कम होगा, और बिल्कुल ज़मीन में सटा देंगे तो ये आपका म्यूट हो जाएगा। तो जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम लोग वॉल्यूम को जो है वो कम कर देते हैं। आप प्ले करके देख लीजिए, जो भी परफेक्ट हो उस हिसाब से आप यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको म्यूट कर रहा हो सिंपल इसका वॉल्यूम यहाँ पे जीरो कर दीजिए नीचे, और यहाँ से भी आप चाहे तो कर सकते हैं। आपको जो है सेम ऑप्शन यहाँ पे राइट क्लिक करने पे भी मिल जाता है म्यूट का, तो ये म्यूट हो जाएगा। और आपको अनम्यूट करना हो अनम्यूट यहाँ से आप कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ऑडियो वीडियो को डिटैच करना चाहते हैं, मतलब अभी क्या है कि इस वीडियो के साथ ये ऑडियो अटैच है, जहाँ आप ये मूव करेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा। तो अगर आप इसको डिटैच करना चाहते हैं तो सिंपल राइट क्लिक कीजिए और डिटैच ऑडियो का ऑप्शन है। अब यहाँ पे ये दोनों अलग हो गया, हम चाहें तो इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। सिंपल मैं यहाँ पे कंट्रोल जी कर देता हूँ। उसके बाद जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल के अंदर जो हमारा प्रॉपर्टीज़ का पैनल है उसमें आपके पास एक ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे हमारे पास सारे कंट्रोल्स हैं एडजस्टमेंट और डीनोइस का। डीनोइस एंड एडजस्टमेंट इसको आप यहाँ से एक्सपैंड कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ को अगर आप रीसेट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर, उसके बगल में जो रीसेट का आइकॉन है उसके ऊपर जस्ट क्लिक कीजिए और जो भी आपने चेंजेस किया है वो जो है वो आपका रीसेट हो जाएगा। तो सिंपल पहले वॉल्यूम कंट्रोल कर रहा हूं, आपको वॉल्यूम ऊपर नीचे आप यहां से जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं ऑडियो वीडियो को सिंक करने का। अगर आपने ऑडियो सेपरेट वे में जो है वो रिकॉर्डिंग किया है तो उसको आप कैसे यहाँ पे सिंक कर सकते हैं। सिंपल सिंक करने में एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमें ना यहाँ पे जो ग्राफ है उसको बस मैच करना होता है। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और हम लोग आ जाते हैं प्रैक्टिस फोल्डर के ऑडियो के अंदर, और यहाँ से ये एक वीडियो है हमारे पास जिसको अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ तो इसमें बहुत ही बैड क्वालिटी का जो है वो ऑडियो है, काफ़ी ज़्यादा नॉइस वगैरह है। हम इसे एक्चुअली इन्हेंस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑडियो के अंदर ये जो टूल है डीनोइस का, इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे टूल हैं जिससे हम इसे थोड़ा बेहतर जो है वो कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास नॉइस है, तो यहाँ पे देख लीजिए AI स्पीच इन्हेंसमेंट है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये थोड़ा बहुत आपके इस पर काम करेगा और ये कोशिश करेगा। देख लीजिए जैसे यहाँ पे नॉइस था वो काफ़ी हद तक कम हो गया है, बट चूंकि ये बहुत ही ख़राब क्वालिटी की ऑडियो थी इसलिए कुछ इन्हेंस नहीं होगा। वैसे मेरे केस में ये नॉर्मली काम नहीं करता है, अभी ये बहुत ही इनिशियल फेज़ में है, बट आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने ऑडियो को इन्हेंस करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास ये टूल है विंड रिमूवल, तो अगर आप आउटडोर वगैरह में शूट करते हैं और उसमें विंड वगैरह की प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ से इसको फिक्स कर सकते हैं। सिंपल अप्लाई कर दीजिए, जो विंड वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। वैसे ही नॉर्मल डीनोइस है, आप नॉर्मल डीनोइस यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास साउंड कर रहा था नॉइस, है ना, ये वाला जो पोर्शन है अगर आप यहाँ पे और यहाँ पे ग्राफ ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये कितना नॉइस है। मतलब यहाँ तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉइस है, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ भी बोल नहीं रहा हूँ, है ना। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मतलब क्या है कि ये नॉइस है। तो उस चीज़ को आप यहाँ से कर सकते हैं, सिंपल इसको ऑन कर दिया आप, लो हाई स्ट्रॉन्ग जितना भी आपको करना है वो आप कर दीजिए, और देख लीजिए ये हमारा काफ़ी हद तक कम हो गया। बट एक चीज़ का ख्याल रखना है, ऐसा ना हो कि नॉइस क्लियर करने के चक्कर में आप अपनी आवाज़ को ख़राब कर लो। नॉइस थोड़ा बहुत रहेगा तो चलेगा, लेकिन आपकी आवाज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं।
उसके बाद जो है डी रिवर्ब है और रिमूवल है, यहाँ पे हिस रिमूवल है, अलग अलग ऑप्शन हैं जो कि आप अपने ऑडियो को इन्हेंस करने के लिए कर सकते हैं अगर ख़राब है तो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा अच्छी क्वालिटी का ऑडियो रिकॉर्ड करें, सेपरेट माइक जो है वो यूज़ करें, ऑन कैमरा माइक जो होता है वो आप यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आप करते भी हैं तो आप जो है जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि ओडेसिटी है उसका यूज़ करें नॉइस वगैरह को रिड्यूस करने के लिए, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। तो अगर आपको यहाँ पे इसको जो है वो फिक्स करना है तो आप जो है इसके ऑडियो को भी फिक्स कर सकते हैं। अब चलो मेरे पास ये है एक क्लीन ऑडियो, मैं इसको यहाँ पे ट्रैक करके डाल देता हूँ और ये एक्चुअली ये इसी वीडियो का ये क्लीन ऑडियो है। तो हमें क्या करना है, इसको ना सिंक करना है। ये जो सिंक करने का जो फंडा होता है ना, सिंपल ये होता है कि आपको ना यहाँ पे ग्राफ को मैच करना होता है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल इसको हटा देता हूँ, आगे वाले पार्ट को एक्चुअली। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास इसमें एक ऑडियो है जिसका ग्राफ शो कर रहा है। आपके मेन वीडियो में भी ऑडियो होना ज़रूरी है, भले ही ख़राब क्वालिटी क्यों ना हो बट उसमें भी होना ज़रूरी है। और ये हमारा फ्रेश ऑडियो है। अब हमें क्या करना है, सिंपल ग्राफ को मैच करना है। तो आपको ये एक रेफरेंस पॉइंट ले लो, जैसे कि मुझे लग रहा है कि ये एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों हमें बस मैच करना है। तो हम क्या करेंगे, शुरू में थोड़ा सा मैं ट्रिम कर लेता हूँ, ओके, और उसके बाद इसको मूव करेंगे इस तरीके से। ये देख लीजिए, अगर ये स्नैपिंग आपका प्रॉब्लम कर रहा है तो आप यहाँ से इसको हटा दो, है ना, ये स्नैपिंग ऑफ कर दो और उसके बाद आप फ्रीली इसको मूव कर पाओगे। और उसके बाद जब आप देखोगे ग्राफ को तो ये मैच कर रहा है हमारा। अगर थोड़ा बहुत भी इको है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो ग्राफ मैचिंग है उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत और आपको आगे पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा। ये हो गया मैनुअल तरीका, लेकिन इसको आप ऑटो सिंक्रोनाइजेशन से जो है वो कर सकते हैं। सिंपल आप दोनों को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे ये है हमारे पास ऑटो सिंक्रोनाइजेशन, ये ऑटोमेटिकली ग्राफ को मैच कर देगा और आपका परफेक्ट सिंक जो है वो क्लियर हो जाएगा। जो भी आपकी वीडियो है और ऑडियो है उसको आप सबसे पहले स्टेप में सिंक कर लें। सिंक करने के बाद जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से आप बोलना शुरू करें, फॉर एग्जांपल मेरे केस में यहां से, तो मैं क्या करूंगा, मैं ना इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और यहां से मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा और जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है उसको मैं हटा दूंगा ताकि हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो क्रिएट हो जाए। अब मेरा यहां पे ये हिल भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हमारा सिंक हो गया, परफेक्टली ये सिंक हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बैड ऑडियो है उसको हम यहाँ से म्यूट कर देंगे। मैं एक्सट्रैक्ट करके, जो हमारे पास डिटैच का ऑप्शन था वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि समटाइम अगर ये मिसमैच हो जाता है तो हमारे पास ग्राफ रहेगा तो हम परफेक्टली मैच कर पाएंगे। तो सिंपल आप यहाँ से इसको म्यूट कर दीजिए। अब हमारे पास ये परफेक्ट ऑडियो जो है वो आ चुका है, तो इस तरीके से जो है वो आप सिंक कर सकते हैं यहाँ पे। अब आ जाइए यहाँ पे जो हमारे पास दूसरे ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। अगर वीडियो के अंदर ऑडियो है तो आपके पास यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन आ जाएगा। ऑडियो में सिर्फ हमारे पास ये डायरेक्टली ऑडियो प्रॉपर्टीज़ है और इसके अंदर ये हमारे पास एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में सबसे पहले आपके पास है ऑटो नॉर्मलाइज, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि आपका वॉल्यूम लेवल क्या है, उसको जो है वो ये नॉर्मल कर देगा। तो ये इसने थोड़ा सा वॉल्यूम को बूस्ट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम कंट्रोल है जिससे आप जो है वो यहाँ से कर सकते हैं या फिर आप सिंपल यहाँ से भी जो है वो कर सकते हैं सेम वे में। मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। साउंड बैलेंस है, लेफ्ट राइट आप बैलेंस कर सकते हैं, जैसे आपको किसी इफेक्ट को एक ही कान में सुनाना है। अगर कोई बंदा हेडफोन यूज़ करता है तो लेफ्ट में ही, लेफ्ट चैनल में ही या फिर राइट चैनल में ही अगर आपको ये करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अभी यहाँ पे ऑडियो लेवल देखें तो लेफ्ट राइट दोनों में जो है ये चल रहा है, लेकिन अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूँ राइट की तरफ तो अब सिर्फ और सिर्फ राइट में शो कर रहा है। मतलब क्या होगा कि अगर कोई बंदा हेडफोन यूज़ कर रहा है तो उसके सिर्फ राइट कान में जो है वो सुनाई देगा, लेफ्ट में कुछ भी सुनाई नहीं देगा। और अगर आपके ऑडियो में इस तरह की प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को आप यहाँ से भी जो है वो फिक्स कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फेड इन फेड आउट इफेक्ट। फेड इन फेड आउट इफेक्ट नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम कोई बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करते हैं, जैसे ये हमारे पास बैकग्राउंड म्यूजिक है, अब इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल हम ये वाला पोर्शन यूज़ करना चाह रहे हैं, इसको मैंने ट्रिम कर दिया और ऑब्वियसली बात है कि जहाँ तक हमारा वीडियो होगा वहीं तक हम बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करेंगे, तो यहाँ से हमने इसको ट्रिम कर दिया। अब एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे तो हमारा म्यूजिक एक बैक से ख़त्म हो जा रहा है और एक बैक से शुरू हो रहा है। अगर हम कोई भी गाना सुनते हैं तो क्या होता है, स्लोली म्यूजिक स्टार्ट होता है और गाना जब खत्म होता है तो स्लोली ख़त्म होता है ना। तो सेम अगर आपको इफेक्ट डालना हो तो उसको हम लोग फेड इन बोलते हैं, फेड आउट बोलते हैं। मतलब स्टार्ट में स्लोली स्टार्ट होगा और नॉर्मल वॉल्यूम पे आएगा, फिर लास्ट में नॉर्मल वॉल्यूम से जीरो पे हो जाएगा। देखिए बैक से खत्म हो गया, तो इस चीज़ को हम लोग फेड कर सकते हैं। फेड करने के लिए यहाँ पे आपके पास ये स्लाइडर है, यहाँ से आप कर सकते हैं फेड इन, मतलब स्टार्ट में अगर करना हो तो फेड इन और लास्ट में करना हो तो फेड आउट, या फिर यहाँ पर भी आपको ये स्लाइडर मिल जाता है नॉर्मल, है ना। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास पॉइंट है और इसके ऊपर जैसे हम कर्सर ले जाते हैं तो ये इस तरीके से हमारे पास ये स्लाइड करने का ऑप्शन आ जाता है। अब जितना लॉन्ग आप इसको रखना चाहते हैं उतना लॉन्ग जो है वो इसको आप रख सकते हैं, है ना। तो ये फिड इन फेड आउट जो है वो हमारा हो गया। मैं फिलहाल इसको क्या करता हूँ, म्यूट कर देता हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पिच के ऊपर। तो अगर आपको नॉर्मल पिच चेंज करना हो, थोड़ा सा फनी आवाज़ वगैरह करना हो, ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और थोड़ा सा भाड़ी भड़कम तो पिच कम कर सकते हैं, ठीक।
ये हमारे पास पिच हो गया। उसके बाद ये हमारे पास ऑडियो डकिंग का ऑप्शन है, ये एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। अगर आप बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह यूज करते हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अब ये एक्चुअल में क्या है, हमारा ये मेन फुटेज है ना, ये जो सॉरी मेन ऑडियो है ऑडियो, और उसके बाद ये हमारे पास बैकग्राउंड म्यूजिक है। मैं चलो इसको क्या करता हूँ, बैकग्राउंड म्यूजिक जो है हमारे पास इसको मैं अनम्यूट कर देता हूँ, और उसके बाद हम क्या करते हैं बीच में ना मैं कट लगाता हूँ एक, ओके मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कट लगाता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक फुटेज ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल ये। अब नॉर्मली क्या होता है ऑडियो डकिंग में, क्या होता है कि हम फॉर एग्जांपल किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं करें तो वहाँ पे अगर हम बीच में कुछ फुटेज शो करते हैं जहाँ पे हम कुछ नहीं बोल रहे हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली म्यूजिक जो है वो हाई हो जाएगा। जैसे देख लीजिए जहाँ पे नॉर्मल हम बात करें वहाँ पे हमारा जो म्यूजिक लेवल है वो कम रहेगा। मैं यहाँ से इसको आपको दिखा देता हूँ या फिर इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, है ना, सॉरी मिनिमाइज़ कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तब हमारा म्यूजिक लो होगा, लेकिन जैसे यहाँ पे मैं दूसरा फुटेज शो करना शुरू करूंगा जो है हमारा जो म्यूजिक है वो लाउड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको जो हमारा मेन ऑडियो है उसको मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से ऑडियो डकिंग का जो ऑप्शन है उसको मैं ऑन कर दूंगा, और यहाँ से इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, ऑडियो डकिंग मैंने ऑन कर लिया। अब यहाँ पे ग्राफ में भी आप देख रहे होंगे हमने चेंज इसमें किया है, लेकिन जो ये है हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक इसमें हमारे यहाँ पे ग्राफ चेंज हो गया, मतलब ये थोड़ा लो हो गया, यहाँ पे हाई है, ये लो हो गया। तो अब क्या होगा, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे कम बैकग्राउंड म्यूजिक होगा, और जहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ वहाँ पे तेज़ होगा। देख लीजिए आप, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको स्लाइड कर देता हूँ आगे की तरफ, फॉर एग्जांपल 60, और इसका भी मैं यहाँ पे 60 कर देता हूँ। अब देखिए हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक है नेचुरल वे में। अब जब मैंने बोलना बंद किया तो हमारा जो म्यूजिक लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया। फिर ओके तो यही चीज़ है ऑडियो डकिंग, जो भी आपका मेन फुटेज है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ऑडियो डकिंग ऑन कर दीजिए, मतलब जो ऑडियो है मेन ऑडियो, और उसके बाद जो भी उसके अलावा बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह होगा वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली वॉल्यूम उसका कंट्रोल हो जाएगा। तो ये है हमारे पास ऑडियो डकिंग। फिर यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है एक तरीके से, जो है ना ये ऑडियो का फिल्टर है, तो आप अलग अलग इफेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, पॉप सॉफ्ट क्लासिक, और यहाँ पे सेटिंग्स भी हैं आप खुद का जो है वो क्रिएट भी कर सकते हैं जो कि नॉर्मली हम लोग जो है वो यूज़ नहीं करते हैं। और अगर आपको इन सबको रीसेट करना है आप सिंपल जो है वो यहाँ पे रीसेट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और ये रीसेट हो जाएगा। तो ये है हमारे पास बेसिक ऑप्शन, जो भी ऑडियो एडिटिंग से रिलेटेड ऑप्शन है हमारे पास फिल्मोरा में वो। अब यहाँ पे अगर आपको साउंड इफेक्ट्स वगैरह ऐड कराएं, जैसे कि अगर आप ट्रांजिशन इफेक्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं या फिर कहीं पे कुछ आप इफेक्ट डालते हैं, कुछ एनिमेशन अगर शो कर रहे हैं पॉप वगैरह का इफेक्ट, तो वहाँ पे आप जो है वो साउंड इफेक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक ये डालता हूँ फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक फुटेज है और इसी के आगे एक और फुटेज में डालता हूँ फॉर एग्जांपल। ओके ये एक्चुअली डाउनलोड करना पड़ेगा हमें, ओके ये फुटेज। अब देखो यहाँ पे जो नॉर्मल ट्रांजिशन हो रहा है इसमें हम क्या करेंगे, कोई ट्रांजिशन इफेक्ट डाल देंगे। अब यहाँ पे बहुत सारा है, फेड है हमारे पास, डिजॉल्व है, रैप जूम है ना इस तरीके से। ओके ये है फॉर एग्जांपल, ये है जूम में आ जाते हैं यहाँ पे, ये फॉर एग्जांपल। तो हमने यहाँ पे ये इफेक्ट डाल दिया है ना। अब यहाँ पे अगर हम साउंड इफेक्ट्स यूज करेंगे तो काफी अच्छा सा लगेगा। अभी क्या हो रहा है कि नॉर्मल वे में, चलो मैं बैकग्राउंड म्यूजिक भी डाल देता हूँ यहाँ पे, है ना, यहाँ से डकिंग मैं ऑफ कर देता हूँ, ओके, और बैकग्राउंड म्यूजिक को मैं कम कर देता हूँ। बहुत अच्छा सा इफेक्ट है ट्रांजिशन इफेक्ट, लेकिन यहीं पे अगर हम साउंड इफेक्ट्स यूज़ करेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। यहाँ पे अगर आप म्यूजिक ऑडियो के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसमें हमारे पास ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट्स जो है वो मिल जाते हैं, वुश का इफेक्ट है, जैसे कि देख लीजिए वुश में अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे, इसके हिसाब से जूम के हिसाब से वुश का जो इफेक्ट होगा साउंड इफेक्ट वो काफ़ी अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये, तो इसको मैं ड्रैग करूंगा यहाँ से, सबसे पहले तो मैं डाउनलोड कर लूंगा इसको, ओके, और उसके बाद यहाँ पे इसको जस्ट ट्रांजिशन के साथ मैच करके, है ना, इसका जो ग्राफ है उसको मैं जहाँ पे हमारे इसमें मूवमेंट हो रहा है मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लूँगा, और अगर हमें इसको ऑफ करना पड़े तो ऑफ कर देंगे, और एग्जैक्ट जहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है वहाँ पे हम इसका ग्राफ डाल देंगे। और आप देख लीजिए अब हमारे पास देख लीजिए क्या इफेक्ट है, है ना। तो इस तरीके से जहाँ पे भी मूवमेंट है उस जगह पे अगर आप साउंड इफेक्ट्स ऐड करते हैं तो काफ़ी अच्छा सा जो है वो आपके पास इफेक्ट्स आ जाता है, और काफ़ी देखने में भी जो है वो काफ़ी इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग जो है वो हो जाता है। मैं यहाँ पे इसको ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ।
है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ऑडियो के अंदर भी आपको जो है वो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, साउंड इफेक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, एंड एआई म्यूजिक का जो है वो यहाँ पे ऑप्शन है, जो कि या ठीक है, इट्स ओके, आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल, अगर आप एआई म्यूजिक में आते हैं, स्टार्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको जो है अपना मूड सेलेक्ट करना है, तो फॉर एग्जांपल एक्साइटिंग ड्यूरेशन आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए, कितने देर का आप करना चाहते हैं, मैक्सिमम 5 मिनट है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप कितनी क्वांटिटी आप जनरेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, एंड देन स्टार्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स भी हैं जो कि कटता है हर बार जनरेट करने के लिए, एंड फाइनली यहाँ पे आपके पास जनरेट होकर के आ जाएगा। आप प्ले करके देख लीजिए, और उसके बाद अगर आपको इसको यूज़ करें, मतलब और भी आ जाएंगे जितना भी आप क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आप अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपल डाउनलोड कर लीजिए, और ये आपका ऐड हो गया। यहाँ पर भी अगर आप आते हैं जनरेटेड के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया है जनरेट होकर के, आप इसको सिंपल जो है वो ड्रैग करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑडियो एडिटिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं, और हो सकता है कि मैं इसके ऊपर एडवांस ट्यूटोरियल जब बनाऊंगा फिल्मोरा के ऊपर, तो उसमें हम कुछ ऑडियो एडिटिंग के और भी एडवांस एस्पेक्ट के ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे। गाइज, अगर हमें अपनी वीडियो के बैकग्राउंड को रिमूव करना है और वहाँ पे कुछ और लगाना है, तो इसके लिए हम लोग जो है वो बैकग्राउंड में क्रोमा की का यूज़ करते हैं। क्रोमा की में नॉर्मली दो कलर जो है वो यूज़ किए जाते हैं, ग्रीन और ब्लू। ये कलर इसलिए चूज़ किए जाते हैं क्योंकि इससे मैचिंग हमारे बॉडी में कोई भी टोन नहीं होता है। ये एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है बैकग्राउंड को रिमूव करने का, और जो भी आपकी फेवरेट फिल्म्स वगैरह है उसमें 90% सीन जो है ना वो कहीं ना कहीं क्रोमा की या फिर ग्रीन स्क्रीन के साथ जो है वो शूट किया जाता है। तो अब देख लीजिए, ये मेरे पास एक फुटेज है जिसमें मैंने ग्रीन बैकग्राउंड के साथ इसको शूट किया। यहाँ पे काफ़ी सारे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं जिसको हमें हटाना है, तो यहाँ पे परफेक्ट ग्रीन है और उसके बाद ये एक फुटेज है। अब इसके बैकग्राउंड को हमें रिमूव करके अपना खुद का कुछ अलग बैकग्राउंड जो है वो लगाना है। तो मैंने इसको सबसे पहले सेलेक्ट किया, और यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ के अंदर वीडियो के अंदर ये हमारे पास एआई टूल्स, और एआई टूल्स में ये हमारे पास क्रोमा की। यहाँ पर भी ये जो आइकॉन है इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, और इसके अंदर ये है हमारे पास क्रोमा की। ये तीन ऑप्शन है जिससे बेसिकली आप जो है बैकग्राउंड को कहीं ना कहीं जो है वो रिमूव कर सकते हैं इन तीनों ऑप्शन से। तो इसमें ये है हमारे पास क्रोमा की। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, एक्चुअली ये ऑन हो गया यहाँ पे, तो इसने देख लिया कि यहाँ पे ग्रीन है और इसने ग्रीन को जो है वो रिमूव कर दिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड में ब्लैक है, ब्लैक मतलब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है। अगर कुछ और यहाँ पे हम डालते हैं नीचे में, फॉर एग्जांपल इसके नीचे वाले लेयर के ऊपर, तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक्स्ट्रा इसको। तो अब देख लीजिए, ये जो हमारे पास बैकग्राउंड है वो यहाँ पे जो है वो विजिबल हो गया। फिलहाल मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हमारे पास ऑटो ऑप्शन, सिंपल जैसे आप ऑन करते हो ये ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है, या फिर यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके आप कलर चूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से सैम्पल टूल जो है वो ले सकते हैं, और यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस कलर को आप रिमूव करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये ग्रीन है हमारे पास, मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसने एग्जैक्ट सेम ग्रीन जो है वो चूज़ कर लिया, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हमारे पास ये बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो गया। यहाँ पे हमारे पास ऑफसेट है, आप वैल्यू जो है वो घटा बढ़ा सकते हैं, है ना, आप मैक्सिमम जो है वो जा सकते हैं, बट बहुत केयरफुली यहाँ पे जो है आपको वैल्यूज़ को यूज़ करना है। किसी भी वैल्यू को रीसेट करना है आप जो है उसको यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इतना यूज़ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास टॉलरेंस है, टॉलरेंस को भी बहुत केयरफुली यूज़ करना है। ज़्यादा अगर आप यूज़ करेंगे, जैसे देख लीजिए, तो ये आपके बॉडी के पार्ट को भी जो है ना वो कट कर देगा। तो आपको जहाँ पर भी परफेक्ट वैल्यू लगे वहाँ पर आप जो है यू नो रुक सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि इतना मेरे हिसाब से सही है, है ना, ये यहाँ पे स्पेशली अगर आप नोटिस करेंगे तो। उसके बाद है एज थिकनेस, है ना, तो कहीं कहीं पे आपने इस तरह का इफेक्ट जो है वो देखा होगा थंबनेल वगैरह में जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास एज थिकनेस, आप इसको कम कर सकते हैं थोड़ा सा जो है वो, आप यहाँ पे एज थिकनेस में स्पेशली माइनस में जा सकते हैं, -1 या फिर -2। इससे क्या होगा, एज थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाएगा, तो जो हल्का सा ये जो चमक होता है ना वो आपका यू नो बैकग्राउंड का जो थोड़ा सा ये होता है वो आपका जो है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे -2, आप ज़्यादा जाएंगे तो फिर ये कट जाएगा इस तरीके से। तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है, कोई भी राइट या रॉन्ग वैल्यू यहाँ पे नहीं है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप का फुटेज कैसा है और उसमें कितनी ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल -1 यूज़ करता हूँ इस फुटेज के हिसाब से। फिर फेदर इफेक्ट है, अगर आपको फेदर अप्लाई करना हो थोड़ा सा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत माइनर है ना, यहाँ पे देख लीजिए इतना, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि इस फुटेज में स्पेशली ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक अल्फ़ा चैनल का ऑप्शन है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये होता है कि जो हमारा मेन एरिया होता है ना, जिसे हमें रखना है, उसे हमें पूरी तरीके से वाइट करना होता है, और जो एरिया हमें नहीं रखना है उसको पूरी तरीके से हमें ब्लैक करना होता है। जैसे देख लीजिए टॉलरेंस अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, ये देख लीजिए बैकग्राउंड वाला एरिया भी हमारा यहाँ पे एक तरीके से वाइट हो गया और यहाँ पे ग्रे वगैरह हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसको ऑफ करता हूँ तो देख सकते हैं आपकी हमारे ये क्लियर नहीं हुआ है। तो हमें सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लेकर के चलना है, हमें
पूरी तरीके से ब्लैक करना है जो भी एरिया। अब जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास जो है वो ग्रे आ रहा है, तो हम उसको भी जो है वो फिक्स कर लेंगे। और ये भी ध्यान देना है कि बॉडी पार्ट के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आपको नहीं डालना है। और ये देख लीजिए हमारे पास एक परफेक्ट रिजल्ट कहीं ना कहीं जो है वो आ गया है। अब यहाँ पे ये चीज़ करने के बाद या फिर ये चीज़ करने से पहले ही आप जो है वो यहाँ पे क्रोप ऑप्शन वगैरह का जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्रोप का या फिर मास्किंग वगैरह का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये मास्क है, मास्क में आप सिंपल जैसे रेक्टेंगल ले सकते हैं और यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को हटाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरीके से हमने यहाँ पे जैसे आपको ये चीज़ प्ले करके देख लेना है कि ऐसा ना हो कि आपका हाथ वगैरह जो है वो कट रहा हो, तो इस चीज़ का भी जो है वो आपको यहाँ पे ख्याल रखना है। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ कर दूंगा इस तरीके से, और ये हमारे पास एक परफेक्ट फुटेज जो है वो आ गया। या फिर आप जो है अब क्या कर सकते हैं, हम इसको यहाँ से इस फुटेज को यहाँ से थोड़ा सा हम स्केल कर देंगे, है ना, और इसको हम लोग जो है इस तरीके से यहाँ पे सेटअप कर लेंगे। मास्क को आपको बहुत ध्यान से रखना है, या फिर आप बेस्ट ये होगा कि आप क्रोप ऑप्शन का यूज़ करें। जैसे मैं यहाँ से अगर मास्क को नन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने मास्क को नन कर दिया और बेसिक में आकर के मैं इसको रीसेट कर देता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन को, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्रोप का ऑप्शन है, है ना। तो इसके ऊपर जस्ट क्लिक कीजिए और जो भी एरिया आपको चाहिए क्रोप कर लीजिए, फिर आपको खिसकाने में या उसको सेटअप करने में ज़्यादा परेशानी जो है वो नहीं होगी। तो फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए इतना एरिया, आप यहाँ पे फ्री फॉर्म भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी क्या है कि इसका एस्पेक्ट रेशियो जो है वो मेंटेन रह रहा है, जो हमारे वीडियो का रेशियो है वो मेंटेन रह रहा है। अगर आपको फ्री फॉर्म करना है तो आप यहाँ से कस्टम कर लीजिए और उसके बाद आप फिर फ्री फॉर्म तरीके से जो है वो मूव कर सकते हैं। मतलब कोई लिमिट नहीं होगा इसमें कि आप इधर नहीं जा सकते उधर नहीं जा सकते। तो फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि ये सेफ जोन है, फॉर एग्जांपल इतना अप्लाई कर दिया हमने और ये हमारी वीडियो आ गई। अब जहाँ पर भी हमें इसे सेटअप करना है हम वहाँ पे इसको सेटअप कर लेंगे, फॉर एग्जांपल सेंटर के हिसाब से ही। तो हमारे ये काफ़ी परफेक्ट वे में जो है एक तरीके से क्रोमा की अप्लाई हो गया। अब बैकग्राउंड की बात करें तो हमने बैकग्राउंड ऑन कर दिया यहाँ पे। क्रोमा की के बाद जो है वो दूसरा जो स्टेप होता है वो हमारा कलर करेक्शन का स्टेप होता है, बट कलर करेक्शन से पहले हमें अपने बैकग्राउंड को जो है वो सेट कर लेना होता है, क्योंकि हम बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ही जो है अपने फुटेज का कलर जो है वो सेट करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो सबसे पहले तो इसको भी मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि ये स्क्रीन में फिट हो जाए। ओके, नोटिस करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेड टोन है बट यहाँ पे येलो टोन आ रहा है, तो इसे हमें जो है वो मैच करना है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं लगा देता हूँ, फायरवर्क्स पटाखे, और पटाखे को मैंने बैकग्राउंड लेयर पे डाल दिया है ना, ये देख लीजिए। बट बैकग्राउंड में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये नीचे वाला लेयर को विजिबल नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लैक बैकग्राउंड है। तो ब्लैक बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए हम लोग बेसिक में आ जाएंगे और यहाँ पे ये है हमारे पास कंपोजिटिंग और उसके अंदर ब्लेंड मोड है हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे लाइट एन ऑप्शन, अगर ब्लैक एरिया को अगर आपको रिमूव करना है एक तरीके से तो लाइट एन ऑप्शन यूज़ करते हैं, वरना हम डार्क एन ऑप्शन यूज़ करते हैं। अगर कोई चीज़ वाइट है तो हम वहाँ पे जो है वो डार्क एन ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो लाइट एन मैंने कर दिया और अब देख लीजिए तीनों लेयर यहाँ पे हमारे पास विजिबल है। ओके, तो हमारे पास फायरवॉक भी है और हमारे पास ये भी। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग इसमें कलर करेक्शन कर लेते हैं बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, कलर करेक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोग जो है वो बात कर चुके हैं। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया और थोड़ा सा मुझे इसका टेम्परेचर फिक्स करने की ज़रूरत है, मतलब इसको थोड़ा सा कूल डाउन करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ब्लू और रेड का टोन है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा कूल डाउन कर लेंगे और उसके बाद सैचुरेशन हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, और स्पेशली अगर हमें यहाँ पे रेड वगैरह ऐड करना है तो हम कर्व में भी आ सकते हैं, HSL में आ सकते हैं, और रेड को स्पेशली जो है वो हम थोड़ा सा और यहाँ पे सैचुरेट कर सकते हैं, या फिर लाइट अगर बढ़ानी हो तो हम बढ़ा सकते हैं। और भी दूसरे ऑप्शन हैं जो कि हम लोगों ने जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो मुझे लग रहा है कि ये ठीक है, अब ये है हमारे पास फाइनल रिजल्ट है ना। यहाँ पे हम इसके ऊपर थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं इफेक्ट में आ जाता हूँ और उसके बाद जो है हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं ब्लर। ओके, ये ब्लर है फॉर एग्जांपल, इसको मैंने डाल दिया इसके ऊपर है ना। सबसे पहले तो इसको मैं ऊपर ही डाल देता हूँ, उसके बाद इसको थोड़ा सा और ऊपर हम शिफ्ट करते हैं और यहाँ से मैंने इसको ऊपर शिफ्ट किया, इसको भी मैंने ऊपर शिफ्ट किया और यहाँ से इसको मैं या फिर फायरवॉक को भी हम उसके अंदर ले लेते हैं ये, और ये ब्लर वाला इसके ऊपर हमने डाल दिया। अब क्या है कि हमारा पीछे का जो बैकग्राउंड है वो हमारा ब्लर हो गया है ना, और हमने इसको जो है वो सेफ रख लिया। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है कि ब्राइटनेस की ज़रूरत है, तो कलर में हम लोग लाइट्स में आ जाते हैं और हम सिंपल थोड़ा सा एक्सपोजर यहाँ पे हम बढ़ा देंगे और ये है हमारे पास फाइनल आउटपुट जो कि काफ़ी अच्छा जो है वो कहीं ना कहीं देखने में लग रहा है। तो गाइज ये था ग्रीन स्क्रीन, एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निक जिससे आप जो है वो बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं।
गाइस, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि अगर हम ग्रीन बैकग्राउंड के साथ वीडियो को शूट करते हैं तो किस तरीके से हम उस बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमने नॉर्मल वीडियो शूट की हो, जैसे अभी हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो में क्या हमारे पास ऑप्शन है कि हम बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं? तो यस, अब AI का ज़माना आ चुका है, अब आप जो है किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। कैसे, चलिए देख लेते हैं। तो सेम फुटेज को मैंने जो है वो सैंपल के तौर पे लिया है। मैं इसका वॉल्यूम कम कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास वीडियो है और यहीं पे क्रोमा की में जो हमारे पास AI टूल्स है, या फिर यहाँ पे ये जो ऑप्शन था हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास दो और ऑप्शन है, AI पोर्ट्रेट और उसके बाद स्मार्ट कटआउट। सेम ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। एक्चुअली यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये सेम चीज़ यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे मैंने इसको ऑन किया, ऑटोमेटिकली इसने जो है बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया और नीचे वाला जो बैकग्राउंड है वो हमारा विजिबल हो गया। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही नहीं बट परफेक्ट वे में काम कर रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें जहाँ पे लाइट ज़्यादा शिफ्ट हो रही है वहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, वो भी शुरू में था। बट या, इसने बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये हमारे पास एक फुटेज है जो कि हमने कलर करेक्शन के अंदर देखा था। अब यहाँ पे इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना है, जो कि एक नॉर्मल शॉट है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि ग्रीन बैकग्राउंड या फिर ब्लू बैकग्राउंड यूज़ किया गया। तो यहाँ पर भी अगर हम AI पोर्ट्रेट ऑप्शन इनेबल करते हैं तो देख लीजिए बैकग्राउंड रिमूव हो गया। लेकिन चूंकि यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट्स हैं तो इस वजह से बहुत अच्छे से नहीं, बट या आपका फेस वगैरह ये सिक्योर रख लेता है अगर आप नॉर्मल वे में बिगर हेवी प्रॉम्प्ट्स के शूट करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया। तो ये एक ऑप्शन है स्मार्ट कटआउट का, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं टिकटॉक वगैरह पे। टिकटॉक तो अब है नहीं, इंस्टाग्राम को ही टिकटॉक बना दिया लोगों ने। तो इंस्टाग्राम वगैरह पे जो बहुत सारे लोग हैं वो इसी तरीके से, इसी फीचर का एक तरीके से यूज़ करके जो है वो अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर लेते हैं। और देख लीजिए काफ़ी परफेक्ट वे में इसने बैकग्राउंड को रिमूव कर लिया। यहाँ पे आपके पास कुछ कंट्रोल है, एज थिकनेस है ना, आप कम कर सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, है ना, माइनस में जा सकते हैं, -1 के करीब जो है वो जा सकते हैं, यू नो, थोड़ा सा ये करने के लिए, या फिर 0 बेस्ट रहेगा। आप मैन्युअली भी यहाँ पे डाल सकते हैं और क्लिक भी आप कर सकते हैं ना, सिंपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑल सेलेक्ट किया, -1 हम यहाँ पे मैन्युअली एंटर कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास। उसके बाद एज फेदर, आप एज में जो है वो फेदर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है आपके फुटेज के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे पास ये परफेक्ट एक ऑप्शन है, यू नो, परफेक्ट रिजल्ट है AI पोर्ट्रेट की हेल्प से। तो ये एक ऑप्शन था जिससे आप किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको ऑफ कर देता हूं और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन है वो है स्मार्ट कटआउट का। यहाँ पर भी हमारे पास ये स्मार्ट कटआउट है, जो कि एक न्यू फीचर है। और इसको जैसे आप इनेबल करते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे बेसिकली रोटो ब्रश का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत एडवांस फीचर है जो कि आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह में जो है वो देखने को मिलता है, रोटो ब्रश का। तो जैसे आपने इसको ऑन किया तो यहाँ पे ये हमारे पास क्लिक करना है इसके ऊपर और एक नया पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये टाइमलाइन है हमारा, ये हमारे पास प्लेयर है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है और यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। सबसे पहले यहाँ से आप कलर चूज़ कर लीजिए, जो भी आप हाईलाइट करना चाहते हैं, लाइक जो भी आप अपने ब्रश का कलर रखना चाहते हैं, सिर्फ देखने के लिए कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हमारे पास प्लस है, मतलब ब्रश से हम पेंट करेंगे उस एरिया को जिसे हमें रखना है ना। तो यहाँ से हमने इस तरीके से पेंट कर दिया और इसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया और देख लीजिए वही रेड कलर यहाँ पे आ रहा है। हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है या कुछ किसी वजह से, अगर आप चाहते हो बस उसको चेंज करना तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक्चुअली रेड ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, रेड में काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। अब यहाँ पे कुछ एरिया है जो कि छूट गया, तो हम इसको दोबारा से जो है वो पेंट कर सकते हैं। और आपको बस यही ध्यान रखना है कि आपका सारा एरिया जो भी आप रखना चाहते हैं वो पेंटेड हो। अगर एक्स्ट्रा कुछ पेंट हो जाता है बाहर तो आप यहाँ से माइनस जो है वो कर सकते हैं। ये इरेजर टूल है हमारे पास, इरेजर टूल लेंगे और उसको हम उस एरिया को माइनस कर देंगे। फिर हैंड टूल है अगर आपको जो है, लाइक अगर आप जूम ऑप्शन यूज़ करते हो यहाँ, सॉरी, ओके, यहाँ पे फिट, ओके, अगर आप यू नो अच्छे से देखने के लिए तो यहाँ से जूम ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो और उसके बाद जो है वो यहाँ से आप इसको ये कर सकते हो। मैं फिलहाल फिट कर देता हूँ। साथ ही अगर आपको रिवर्स करना हो, उल्टा करना हो, इन्वर्स करना हो, इन्वर्ट करना हो, तो आप यहाँ से ये ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब क्या हो गया, ये सारा जो है वो एक तरीके से सिलेक्टेड हो गया और ये सिलेक्टेड हमारा नहीं है, ठीक उल्टा हो गया। तो मैं फिलहाल इसको रखूंगा क्योंकि मुझे ये ऑब्जेक्ट ही रखना है। नेक्स्ट, यहाँ पे अलग अलग प्रीव्यू ऑप्शन है, आप जो है वो ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं कि कटने के बाद जो है वो क्या होगा, कैसा दिखेगा। तो हमारा जो है कुछ फुटेज ऐसा दिखेगा, है ना, और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं। तो यहाँ से इसमें आकर के हम यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, कुछ उनका हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फेदर ऑप्शन है, हम थोड़ा सा वो अप्लाई कर सकते हैं। एज थिकनेस हम थोड़ा सा यहाँ पे -1 में इसको श्रिंक कर सकते हैं, है ना, ये इस तरीके से कुछ है ना। ऑब्वियसली बात है कि ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं होगा, बट हाँ, अगर किसी वजह से आपने नहीं किया है तो उस केस में जो है ये काम आ सकता है आपका। थोड़ा सा फेदर
है ना, ये इस तरीके से ब्रश साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं, जो पेंट वाला ब्रश होता है उसका साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और उसके बाद फाइनली आप जो है वो नॉर्मल मोड में भी आ सकते हैं, यहाँ पे टॉगल अल्फा भी कर सकते हैं, सेम जो हमने क्रोमा की में देखा था। और यहाँ पे एडवांस मोड भी है, यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, बट यहाँ एडवांस मोड है, यहाँ से आप रिवर्स में ट्रैक कर सकते हैं, मतलब अब जो पेंट आपने किया है वो रिवर्स और फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड में ट्रैकिंग करना हो या फिर रिवर्स एंड बैकवर्ड दोनों में ट्रैकिंग करना है तो यहाँ से इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या फिर सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और ये ऑटोमेटिकली पूरे को जो है वो ट्रैक कर लेगा, है ना। तो ये ट्रैक कर रहा है और ये ट्रैक करने के बाद पूरे के ऊपर जो है वो इफेक्ट अप्लाई कर देगा। आप देख लीजिए रिवर्स जा रहा है ना। तो सेम ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है कि आप मैन्युअली जो है वो रिवर्स जा सकते हैं और आप जो है वो बैक आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं नॉर्मल व्यू जो है वो मैं कर देता हूँ, है ना, यहाँ पे टॉगल ये वाला व्यू है ना। और यहाँ पे अगर आप देखें प्ले करके आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, वैसे ये फुटेज भी डिपेंड करता है, यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इस पर टाइम दे सकते हैं तो टाइम दीजिए थोड़ा सा और इसको आप और बेहतर जो है वो आप बना सकते हैं। फाइनली आपको जो है वो सेव के ऊपर क्लिक कर देना है और ये देख लीजिए हमने ये जो इफेक्ट है ये हमने स्मार्ट कटआउट से जो है वो किया है। यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि आप कर सकते हैं, वो ये है कि यहाँ पे आप फ्रेम बाय फ्रेम पेंटिंग भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे आने के बाद आप फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पोजिशन पे या फिर कहीं पे भी आ जाइए, अब यहाँ पे क्या है आपको पेंट करना है ना, ये हमने पेंट किया इस तरीके से, हमने पेंट किया जो भी एरिया हमें रखना है, कुछ एरिया अगर माइनस करना है तो हम माइनस कर सकते हैं, इसको हमने पेंट किया और ये यहाँ पे हम थोड़ा सा फेदर अप्लाई कर देंगे। और अगर हम एडवांस मोड में आ जाते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो गया कि ये की फ्रेम अप्लाई हो गया, एक की फ्रेम अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा मूव करेंगे, सबसे पहले तो आप ट्रैकिंग कर लीजिए, बेस्ट ये होगा, है ना, यहाँ पे इस पोजीशन पे एग्जैक्ट आकर के आप ट्रैकिंग कर लीजिए। बट समटाइम क्या होता है कि कुछ चीज़ें छूट जाती है ना, आपके ट्रैकिंग में कुछ चीज़ें छूट जाएंगी तो आप एग्जैक्टली वहाँ पे जा करके, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर व्यू चेंज करता हूँ फॉर एग्जांपल ब्लैक, तो वैसे तो इसने परफेक्टली किया लेकिन कहीं पर अगर आपको लगता है कि छूट गया है तो आप फ्रेम बाई फ्रेम आ करके यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कीजिए, है ना, यहाँ पे ऐसे फ्रेम बाय फ्रेम आकर के आप पेंटिंग कर सकते हैं। अगर कहीं पे कुछ छूट गया जैसे कि धुंधलापन झिलझिलापन आता है तो वहाँ पे जैसे ये सब पोर्शन सेंसिटिव होता है तो वहाँ पे आप फ्रेम बाय फ्रेम चेक कर सकते हैं और वहाँ पे आप पेंट कर सकते हैं और वो एरिया जो है वो इंक्लूड हो जाएगा, है ना। फ्रेम बाय फ्रेम भी कर सकते हैं जो कि एक बहुत अच्छी बात है, लाइक बहुत अच्छी बात है ऑनेस्टली, ये फीचर जो है वो ऐड किया गया है जो कि एक बहुत ही एडवांस वीडियो एडिटिंग का जो है वो फीचर होता है। फाइनली ये सारी चीज़ें करने के बाद आप यहाँ पे रिवर्स में भी जा सकते हैं और ट्रैकिंग कर सकते हैं और ये आप फॉरवर्ड ट्रैकिंग कर सकते हैं और यहाँ पे आप चाहें तो पूरा बैक फॉरवर्ड दोनों जो है वो ट्रैकिंग कर सकते हैं। और उसके बाद फाइनली आप इसे सेव कर दीजिए और ये है हमारे पास फाइनल आउटपुट। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, है ना, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है बट फिर भी इसने जो है वो बैकग्राउंड को काफ़ी अच्छे से जो है वो रिमूव कर दिया। तो गाइज ये था AI ऑप्शन, AI पोर्ट्रेट और स्मार्ट कटआउट, जिससे आपकी जो भी वीडियो है उसके बैकग्राउंड को जो है वो इजीली रिमूव कर सकते हैं फिल्मोरा के अंदर। गाइस अभी जो ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये परफेक्ट एग्जांपल है मास्क का। इसमें क्या हो रहा है, फुल स्क्रीन में आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग शो कर रहा है और छोटे से विंडो में, सर्कुलर विंडो में मैं बात कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया है वो सर्कल में ही था, वो तो फुल फ्रेम में था, है ना, बट वहाँ पे मैंने क्या किया है कि अपने आप को सर्कल में जो है वो डाल दिया है मास्क की हेल्प से। तो यही चीज़ हम मास्क की हेल्प से कर सकते हैं और बहुत क्रिएटिव वे में भी जो है वो हम मास्क का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक फुटेज है और इसके ऊपर मैं ये एक वीडियो डाल देता हूँ कि ये वीडियो है फॉर एग्जांपल जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, जस्ट अभी जो हम लोग जैसे बात करें वैसे ही एग्जांपल ले लेते हैं। अब बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये फुल स्क्रीन में जो है वो आ रहा है, इसको ढक दे रहा है। तो हम एक चीज़ तो ये कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको हम छोटे से विंडो में डाल दें, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, मैं खुद भी जो है वो बहुत सारे इसमें यूज़ करता हूँ। तो ये हो गया एक नॉर्मल सिंपल वे कि हमने जो है इसको छोटा करके यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे हम कर रहे हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा और क्रिएटिव बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके इस एरिया को स्पेशली जो है वो हम मास्क कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको रीसेट कर देता हूँ यहाँ से और उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, ये हमारे पास वीडियो प्रॉपर्टीज़ के अंदर मास्क का ऑप्शन। मास्क में बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन हैं, यहाँ पे आप जो है अपना शेप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, मतलब अगर आपको कुछ स्पेशल शेप का जो है मास्क चाहिए तो वहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी मास्क अप्लाई नहीं करना है तो नन आप कर दीजिए। अब यहाँ पे ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं लेकिन हम यहाँ पे सबसे पहले कुछ बेसिक ऑप्शन जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये है रेक्टेंगल शेप, रेक्टेंगल हमने किया, अब देख लीजिए रेक्टेंगुलर मास्क जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। हम इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे और अब क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इतनी ही एरिया जो है हमारा शो कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास फुल कंट्रोल है, हम लोग जो है इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, है ना, जैसा भी करना हो। और यहाँ पे कॉर्नर्स हम इसको एक्चुअली राउंड हम कर सकते हैं,
है ना, देख लीजिए कुछ इस तरीके से। तो ये आपके पास रेक्टेंगल आ जाता है, आप इसको स्क्वायर बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से जो है वो आप शेप बना लीजिए, और ये हमारे पास स्क्वायर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज़ में आएंगे और यहाँ से इसको हमें जहाँ पर भी पोजीशन करना है वहाँ पर जो है वो हम पोजीशन कर देंगे। तो हमने क्या किया है, हमारी फ्रेम में जो एक्स्ट्रा एरिया है उसको हम लोगों ने मास्क आउट कर दिया है मास्क की हेल्प से। अगर ये इफेक्ट आपको नहीं चाहिए, सिंपल आप यहाँ पे नन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और ये नन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास सर्कल, सर्कल मैंने अप्लाई कर दिया, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और इसको मैं सर्कुलर ये कर देता हूँ, है ना। एग्जैक्ट एक्चुअली यहाँ पे 30 है तो इसको भी मैं 30 कर देता हूँ। हमारा विड्थ एंड हाइट इक्वल होगा तो हमारे पास एक सर्कल इफेक्ट जो है वो आ जाएगा। अब ये सर्कल है, सर्कल को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे ये जो हमारा फ्रेम है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और जहाँ पे हमें डालना है वहाँ पे हम डाल देंगे। यहाँ पे और भी चीज़ें आती हैं जैसे कि प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने सर्कल सेलेक्ट किया तो सर्कल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रोटेशन है, स्केल आपको ऑप्शन मिल जाता है स्केल का, विड्थ एंड हाइट है, पोजिशन कहाँ पर डालना है ना। ये हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, मास्क की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो है ब्लर स्ट्रेंथ, तो आप यहाँ पे ब्लर इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरह का, है ना, तो ये हल्का सा विजिबल होगा। उसके बाद यहाँ पे इसको मैंने डाल दिया। अब देख लीजिए हमारे पास एग्जैक्ट सेम जो हमारा फ्रेम है अभी, एग्जैक्ट वही इफेक्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। हाँ, यहाँ पे ब्लर्डनेस हमने जो है एक्स्ट्रा अप्लाई किया हुआ है। आप चाहें तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं, ये जो मास्क आपने किया उल्टा भी कर सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है, एग्जैक्टली हमारा जो फेस है वो नहीं दिख रहा है, बाकी पार्ट जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, देख लीजिए यहाँ पे। तो इससे आप किसी भी चीज़ को हाईलाइट भी कर सकते हैं और उसको जो है वो रिमूव भी कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक जो है इसका यूज़ हो गया। वैसे ही चलिए एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये है मास्क के अंदर, एक्चुअली इस फोल्डर के अंदर मास्क आपको ये मिल जाएगा, उसके अंदर ये है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये है। अब इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक ये मैं हूँ यहाँ पर खड़ा हुआ, दूसरा ये है और तीसरा ये है। एक्चुअली मैंने 3 बार वीडियो शूट किया, उसको मैंने कंबाइन कर दिया यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट फॉर एग्जांपल जहाँ पे सीन चेंज हो रहा है एग्जैक्ट वहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया और फिर यहाँ से यहाँ तक ये चेंज हो रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत ज़्यादा परफेक्ट वे में मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, और इन सभी को एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। ओके, एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, बट अभी ये विजिबल नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मास्क में आ जाएंगे और रेक्टेंगल हम ले लेंगे, और रेक्टेंगल लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये ऑप्शन भी ले सकते हैं, पैरेलल लाइन वाला ऑप्शन जो है हमारे पास वो ले सकते हैं। तो ये देखिए पैरेलल लाइन ये मैंने डाल दिया। अब 2 रोल हमारे पास आ गया, है ना, और इसमें हम थोड़ा फेदर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे विड्थ है और ब्लर स्ट्रेंथ, एक्चुअली फेदर को हम बोलते हैं यहाँ पे, जो टर्म यूज़ होता है फेदर के लिए वो ब्लर स्ट्रेंथ जो है वो यूज़ हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर भी सेम हम पैरेलल अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यहाँ फिर ओके चलो इसको रहने देते हैं, इस वाले को रहने देते हैं, इसको नन कर देते हैं। और लास्ट वाला जो है नहीं, इसमें भी अप्लाई करना पड़ेगा हमें, हम सिंपल रेक्टेंगल ही ले लेते हैं, सॉरी इसको यहाँ पे पैरेलल यहाँ पे पैरेलल, इसमें हम रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं, नन रेक्टेंगल। ओके ओके, ऊपर वाली वीडियो प्रॉब्लम कर रही, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से लॉक कर देंगे। उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे मूव कर लेते हैं नन, ओके रेक्टेंगल, इसको रीसाइज कर लेते हैं और यहाँ पे हम फेदर अप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास ब्लड स्ट्रेंथ है, थोड़ा सा फेदर, और ये देख लीजिए अब हमारे पास एक तरीके से ट्रिपल रोल जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया, सारी चीज़ें एक ही फ्रेम में हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो क्रिएटिव वे में जो है कहीं ना कहीं मास्क का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल था जो कि मैंने जो है वो आपको दिया। अब चलिए यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन है, जैसे कि हमारे पास AI मास्क है या फिर ड्रॉ मास्क का फीचर है, उसको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ड्रॉ मास्क में क्या है, मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ एक्चुअली, ओके, और यहाँ पे मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ एंड देन हम आ जाते हैं ऑल में और यहाँ पे कुछ फुटेज ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक फुटेज है, ओके, ये कलर करेक्शन के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो पहले हम यहाँ पे ड्रॉ मास्क ऑप्शन जो है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि हम शेप के अकॉर्डिंग जो है वो जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अपना मनचाहा मास्क जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब चूंकि फॉर एग्जाम्पल सिर्फ इतने एरिया को हमें मास्क करना है तो हमारे पास ऐसा कोई शेप तो है नहीं, तो वैसे केस में हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो अब ये हमारे पास पेन टूल हमने लिया और उसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल इस वाले एरिया को रेक्टेंगल से भी हम कर सकते हैं और हम इससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने फिर
यहाँ पे क्लिक किया, अभी रफली मैं जा रहा हूँ, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और फिर लास्ट पॉइंट पे मैंने क्लिक किया, और आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा मास्क होकर के जो है वो आ गया यहाँ पे थोड़ा सा, और ये हमारा शिफ्ट होगा। तो शिफ्ट करने के लिए आप जो है सिंपल यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप कंट्रोल प्रेस करते हैं और उसके बाद क्लिक करते हैं तो उसको फिर आप रीएडजस्ट कर सकते हैं। तो अब देख लीजिए सिर्फ इतना पार्ट जो है हमारा ये मास्क होकर के आ गया। तो यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो ये है कि आप सिंपल जो है वो जस्ट क्लिक कर सकते हैं पेन टूल लेकर के, जस्ट ऐसे 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 क्लिक कीजिए और लास्ट में आपको क्लोज कर देना है, पाथ को क्लोज कर देना है और उतना एरिया जो है वो मास्क होकर के आ जाएगा। तो ये तो सिंपल हो गया कि जस्ट क्लिकिंग। अब आ जाओ इसको हम लोग जो है वो ट्रेस करते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट क्लिक किया और उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद अब हम क्या करेंगे, अगर हमें कर्व लाइन चाहिए तो हम इसको जो है वो ड्रैग करेंगे ऑल्ट या फिर ऑप्शन की प्रेस करके। तो ये मैंने क्लिक किया और मैंने ड्रैग किया। अब यहाँ पे हमारे पास दो हैंडल है जिससे हम लोग इस कर्व को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये कर्व हमारा बाहर जा रहा है, ये हैंडल जो है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैंने इसको यहाँ पे 50% कर लेता हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे कंट्रोल अल्ट या फिर ऑप्शन की प्रेस करके आप इसके ऊपर जस्ट क्लिक कर सकते हैं, और उसके बाद एक्चुअली इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर इसको एडजस्ट करना है इस पॉइंट को तो कंट्रोल प्रेस करके रखिए, और उसके बाद इसको अगर आप मूव करेंगे तो आप इसको जो है वो मूव कर पाएंगे इस पॉइंट को। तो मैं फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे रख देता हूँ, और उसके बाद हैंडल अगर आप मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कंट्रोल प्रेस कीजिए और उसके बाद हैंडल के ऊपर जैसे आप ले जाएंगे तो इस तरीके से आप हैंडल को जो है वो मूव कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ ये आता है कि अभी अगर आप देखें नोटिस करेंगे कंट्रोल प्रेस करके मैं अगर हैंडल मूव करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों हैंडल जो है वो एक साथ मूव हो रहा है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक हैंडल को मूव करना है तो उसके लिए आप ऑल्ट या फिर ऑप्शन की प्रेस कीजिए तो सिर्फ और सिर्फ एक हैंडल के ऊपर जो है वो आप वॉक कर पाएंगे। चलिए मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद मैं ऑप्शन की जो है वो मैं प्रेस करूँगा, मतलब ऑल्ट की जो है वो मैं प्रेस करूँगा और फिर से मैं ड्रैग करूँगा। अब देख लीजिए यहाँ पे मैं ड्रैग कर रहा हूँ लेकिन जो शेप है हमारा वो ख़राब हो रहा है कहीं ना कहीं, तो हमें इसे रीएडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे आ जाएंगे इस पॉइंट पे और इसके हैंडल को हम लोग जो है वो थोड़ा सा इधर की तरफ कर देंगे, है ना, मैनेज कर लेंगे। फिर यहाँ पे आ जाते हैं और फिर यहाँ से आगे की तरफ हम कंटिन्यू करते हैं। ऑल्ट या फिर ऑप्शन की प्रेस करके फिर से मैंने इसको ड्रैग किया और उसके बाद फिर से यहाँ पर आकर के हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे एक्चुअली हमने जो है वो हैंडल नहीं बनाया था, फिर से अल्ट या फिर ऑप्शन की प्रेस करके हम यहाँ पे एक हैंडल ये कर लेंगे और इन सबको जो है वो हम बेसिकली कंट्रोल या फिर अल्ट की हेल्प से जो है वो एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक रफ मास्क जो है वो क्रिएट हो गया, और यहीं पे हमारे पास फेदर से रिलेटेड भी ये पॉइंट है जिससे हम लोग जो है वो फेदर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी ये जो मास्क है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और ब्लर स्ट्रेंथ हम अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से मैं एक्चुअली इसको कम कर देता हूँ, है ना, यहाँ पे ये इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। फिर हमारे पास यहाँ पे ओपेसिटी है, हम उसकी ओपेसिटी जो है वो कम कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये इन्वर्ट करने का भी ऑप्शन है, ठीक उल्टा करना हो तो हम यहाँ पे इसको उल्टा भी जो है वो हम कर सकते हैं। और साथ ही अगर हमें पाथ क्रिएट करना हो तो हम यहाँ पे पाथ भी क्रिएट कर सकते हैं। ये पाथ क्या होता है वो चीज़ एक्चुअली हम आगे देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास की फ्रेम है, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कोई भी मूविंग सब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे, और चलो मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ जहाँ पे मूवमेंट हो। फॉर एग्जांपल ये बंदा यहाँ पे दौड़ रहा है, ओके, अब मैंने यहाँ पे आ जाते हैं, अब ये जो है ये मूव कर रहा है, ओके। तो फॉर एग्जांपल ये मास्क हमने अप्लाई कर दिया, कुछ भी ऐसे 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 करके मैंने मास्क अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि ये तो मूव रहा है, मूव कर रहा है, तो अगर मैं इस मास्क को पूरी तरीके से एडजस्ट नहीं करूँगा तो ये फ्रेम से बाहर चला जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ना की फ्रेम अप्लाई करना पड़ेगा, हमें पाथ को जो है वो ट्रैक करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये है, हम आ जाते हैं मास्क में और यहाँ पे पाथ के ऊपर हमने की फ्रेम अप्लाई कर दिया। की फ्रेम के बारे में आगे हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद जो है इसको हम रीएडजस्ट कर लेंगे, जो भी हमारा इसका पोजीशन है या जो भी है राउंडनेस वगैरह वो हम ये कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये पीछे चला जा रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के इसको जो है वो हम पीछे शिफ्ट कर देंगे। तो मास्क अब क्या करेगा, उसको ट्रैक करेगा, देख रहे हैं आप मूवमेंट देख पा रहे हैं साथ में। तो यही चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है फिल्मोरा में, बट या ये आप यूज़ कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाने की क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें यहाँ पे ऐड कर दिया गया। तो ये था हमारा सिंपल पेन टूल का यूज़ करना कि कैसे आप पेन टूल की हेल्प जो है वो यहाँ पे मास्क कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक एआई का फीचर जो है वो ऐड किया गया है, उसको भी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप ये एआई का फीचर क्या है, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, तो इसको हमें क्या करना है, बैकग्राउंड को मास्क आउट करना है। तो हम यहाँ पे एआई के फीचर की हेल्प से जो है वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ कि और स्टार्टिंग में आ जाते हैं, और ये हमारे पास एआई मास्क, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, स्मार्ट ब्रश जो सिंपल हम लोगों ने रोटो ब्रश देखा था वो चीज़ है यहाँ पे स्मार्ट कटआउट में, और यहाँ पे आप कैरेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि ओके ये कैरेक्टर है,
इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देख लीजिए ऑब्जेक्ट्स भी हैं, तो ये कैरेक्टर है, इसको सिलेक्ट करना है। और ये देख लीजिए इसने ऑटोमेटिकली जो है वो मास्क यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और उससे रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो आ गई। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास ऐड मास्क का भी ऑप्शन है, आप और भी जो है वो मास्क ऐड कर सकते हैं, है ना। मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ, ओके। एंड ये हम यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेते हैं, और फिर वही ऑप्शन है, आपको एक्सटेंड करना है, आप जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इतना रखना है इसको, ब्लड स्ट्रेंथ मतलब फेदर अप्लाई कर रहा हूँ, आप जो है वो यहाँ पे फेदर अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा फेदर आप डाल सकते हैं। ओपेसिटी आपको रखनी है, ओपेसिटी आपको इन्वर्ट करना है, आप जो है वो यहाँ पे इन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक की फ्रेम का तो ऑप्शन है ही, जिससे हम लोगों ने अभी देखा था पेंडुल में। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रैक का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो मास्क है ना उसको हम लोग जो है वो ट्रैक कर सकते हैं, मतलब जो भी मास्क अप्लाई हुआ है वो मास्क ट्रैक होगा, मूवमेंट ट्रैक कर लेगा ये ऑटोमेटिकली। बहुत ज़्यादा परफेक्ट वे में वर्क नहीं करता है, बट यहाँ ये वर्क करता है। तो सिंपल आप इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो ये एनालाइज करेगा मूवमेंट को, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये मास्क को जो है वो ट्रैक कर रहा है कहीं ना कहीं, है ना, मास्क के अंदर भी मूवमेंट है, जस्ट लाइक स्मार्ट कटआउट जो हम लोगों ने देखा था मास्क के बाद वाले चैप्टर में। तो अब ये देख लीजिए हमारे पास ये है, ऐसा नहीं कि फिक्स है, ये भी उसके हिसाब से जो है वो मूव कर रहा है जो हमारा ये है। तो ये एक फीचर मिल जाता है, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो काफ़ी सारे डायमंड शेप्स जो है वो ऐड हो गए हैं, इसके बारे में आगे हम लोग जो है वो बात करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है। तो गाइज ये है हमारा मास्क, जिसमें हम लोगों ने देखा काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कि आप कैसे कैसे जो है मास्क का यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली पेंडुल का हम यूज़ करते हैं, AI वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत अच्छे से जो है वो ये काम नहीं करता है। यहाँ पे ब्रश है हमारे पास, हम चाहें तो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, और सॉरी ये उसके अकॉर्डिंग जो है आपको रिजल्ट देगा। ओके चलो खैर हमारा जो है ये ख़त्म हो गया। तो ये था मास्क, अगर आपको मास्क हटाना है सिंपल आप जो है वो नन कर दीजिए, और जो भी मास्क आपने अप्लाई किया है वो आपके टाइमलाइन से या आपके फ्रेम से जो है वो हट जाएगा। गाइज एनिमेशन की शुरुआत जो है ना वो की फ्रेम से होती है। अगर आप वीडियो में किसी भी तरह का एनिमेशन देखते हैं, किसी भी तरह का मूवमेंट देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें की फ्रेम की हेल्प से की जाती हैं। और ये जो की फ्रेम का कॉन्सेप्ट है ना, ये सारे सॉफ्टवेयर में बिल्कुल सेम होता है, चाहे आप फिल्मोरा यूज़ कर रहे हो, प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहे हो, आफ्टर इफेक्ट्स, या फिर कोई एडवांस 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, सब में की फ्रेम का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो सेम होता है, और हर जगह की फ्रेम का ही यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को एनिमेट करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे की फ्रेम एनिमेशन सीख जाते हैं, मतलब आप किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी चीज़ को जो है वो एनिमेट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास ये एक टाइमलाइन है जिसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी एनिमेशन किसी भी तरह का, कोई भी मूवमेंट नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि नीचे हमारे पास ये बैकग्राउंड इमेज है और ये हमारे पास एक टेक्स्ट है। और अब मुझे क्या करना है, एक सिंपल सा एनिमेशन जो है वो क्रिएट करना है, और उसमें मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास टाइटल है ना, ये जो हमारे पास टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल इसका साइज़ ये है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये इधर की तरफ से आए स्लाइड करता हुआ और ये इधर की तरफ चला जाए। ये बहुत ही कॉमन एनिमेशन है जो कि आप न्यूज़ चैनल्स वगैरह के इसमें जो है वो देखते होंगे। तो ये बहुत ही बेसिक सा एनिमेशन जो है वो हमें क्रिएट करना है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए ये किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे वीडियोस के अंदर आ जाता हूँ, और ये हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज़, और ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर स्केल होता है, मतलब छोटा बड़ा करना हो, और पोजीशन होता है, मतलब पोजीशन चेंज करना वो कहाँ पे रहेगा वो चीज़, रोटेशन होता है। और यहाँ पे इन सब के सामने अगर आप नोटिस करेंगे तो एक डायमंड का शेप आपको जो है वो दिख रहा होगा, यही है की फ्रेम, जिससे हम लोग की फ्रेम बेसिकली अप्लाई करते हैं। प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह में स्टॉपवॉच का आइकन जो है वो देखने को मिलेगा, बट जब उसको आप ग्राफ एडिटर में देखेंगे या टाइमलाइन में देखेंगे तो सेम वे में जो है वो आपका डायमंड शेप जो है वो दिखेगा। तो अब इसी की हेल्प से हम लोग जो है वो एनिमेट कर सकते हैं। ये आइकॉन जहां पर भी आपको दिखता है, मतलब उस प्रॉपर्टी को हम एनिमेट कर सकते हैं। चाहे आप कलर्स के अंदर आ जाओ, आप मास्क के अंदर आ जाओ, है ना, आप कलर्स के अंदर आ जाओ, देख लो हर चीज़ के सामने ये डायमंड शेप आपको दिख रहा होगा, मतलब हर एक प्रॉपर्टीज़ को हम एनिमेट कर सकते हैं। तो बस आप इमेजिन कर लीजिए कि आप कितना क्रिएटिव वे में इस चीज़ को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नॉर्मल बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आ जाता हूँ, टेक्स्ट लेयर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और अब मैं यहाँ पे आपको एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए। तो ये हमारा टेक्स्ट है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, और ये हमारा फर्स्ट पोजिशन होगा जब हमारी वीडियो स्टार्ट होगी, तो ये जो है ये फ्रेम से बाहर होगा, ये दिखेगा नहीं हमारे फ्रेम में, यहाँ पे है ये, एक्चुअली ये दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे वीडियो स्टार्ट होगी तो ये कुछ टेक्स्ट इधर से स्लाइड करते हुए इधर की तरफ जो है वो आ जाएगा, है ना। यही एनिमेशन जो है वो हमें क्रिएट करना है। यहाँ पे अगर आप टाइटल के अंदर आते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, और यहीं से एक्चुअली हम लोग देख लेते हैं। ओके तो ये यहाँ पे देख लीजिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आप ध्यान दें, इसके पोजीशन को ध्यान दें, यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट पोजीशन है, और यहाँ से जैसे मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ तो पोजीशन जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब हमें पोजीशन प्रॉपर्टीज़ को जो है वो
एनिमेट करना है, उसमें की फ्रेम अप्लाई करना है। तो अब ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल की फ्रेम की हेल्प से हम ये बताते हैं सॉफ्टवेयर को एक तरीके से कि इस टाइम में, मतलब हमारे वीडियो का जो टाइम है 0 सेकंड, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये 0 सेकंड पे यहाँ पे हो, है ना, तो हम बताते हैं कि 0 सेकंड पे इसका जो पोजीशन है वो ये होगा, है ना, ये होगा 0 सेकंड पे इसका पोजीशन ये होगा, और फॉर एग्जाम्पल 4 सेकंड पे इसका पोजीशन, ये जो हमारे पास टेक्स्ट ले रहा है इसका पोजीशन ये होगा। तो ऑब्वियस सी बात है जब टाइम चेंज होगा और पोजीशन चेंज हो रहा है तो वहाँ पे एक एनिमेशन देखने को मिलेगा, है ना, मतलब ट्रैवल करेगा ना इस पोजीशन से उस पोजीशन में एक सर्टेन टाइम में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे हमें एनिमेशन देखने को मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा, यहाँ से यहाँ तक, तो अब कितनी देर में ट्रैवल करेगा, जितना ज़्यादा टाइम लेगा उतना स्लो, उतना स्लो एनिमेशन हमें देखने को मिलेगा, और जितना कम टाइम लेगा, मतलब फॉर एग्जांपल अगर 1 सेकंड में ही यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन हमने चेंज कर दिया, अप्लाई कर दिया मैंने की फ्रेम की, 1 सेकंड में ही यहाँ से यहाँ पहुँचा है, बहुत फास्ट होगा। तो यही है नॉर्मली की फ्रेम का कॉन्सेप्ट। शुरू में हो सकता है ये कन्फ्यूजिंग लगे, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे तो ये ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी नहीं है। बट हाँ, यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आपका लाइफ का कॉन्सेप्ट जो है ना एनिमेशन का वो क्लियर हो जाएगा। खैर चलो, इसको, ये हमारे पास टेक्स्ट लेयर है, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, ये हमारा 0 सेकंड पे ये पोजीशन होगा। अब इसको हम लॉक कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे, है ना, ये इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया, मतलब हमने बता दिया कि ओके इसका पोजीशन 0 सेकंड पे यहाँ पे होगा। अब कितने सेकंड पे हम इसको यहाँ पे चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 4 सेकंड पे, है ना, एग्जैक्ट 4 सेकंड पे मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ चला जाए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको जस्ट ड्रैग करके ले जा सकते हैं, या फिर ड्रैग करके ले जाने में क्या होगा कि इसका जो वाई पोजीशन है वो भी चेंज हो सकता है, बट हमें वाई को चेंज नहीं करना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से स्लाइड करेंगे ऐसे, है ना, जस्ट क्लिक करके रखिए और उसके बाद आप स्लाइड कीजिए लेफ्ट राइट, आपका ये स्लाइड हो जाएगा और ये मैं इसको यहाँ पे ले आया। तो अभी यहाँ पे सिंपल एक्स पोजीशन जो है वो हमने चेंज किया, और यहाँ पे भी देखिए अगर आप, तो एक डायमंड शेप ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा फर्स्ट एनिमेशन जो है वो रेडी है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट एनिमेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जो है वो एनिमेशन करना सीख लिया है। अब यहाँ पे देख लीजिए टाइम की जो मैं बात कर रहा था कि कितना फास्ट होगा कितना स्लो होगा, अगर मैं इसको 4 सेकंड के बजाय 1 सेकंड पे ही, आप इसको मूव कर सकते हैं एक्चुअली, 1 सेकंड पे ही लागत के अगर मैं इसको रख दूं फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, अब एनिमेशन जो है वो हमारा काफ़ी फास्ट होगा, मतलब ये इसका जो पोजीशन चेंज है वो यहाँ से यहाँ तक के बीच में ही वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर लेगा, तो मतलब टाइम कम लग रहा है, मतलब फास्ट होगा, देख लीजिए फास्ट हो गया। और अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूं एकदम लास्ट में इस वाले चीज़ को, पॉइंट को, तो अब देख लीजिए थोड़ा स्लो होगा हमारा एनिमेशन। तो गाइज, यही था हमारा बेसिक एनिमेशन का कॉन्सेप्ट, और मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पे हमने अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी को जो है वो एनिमेट किया है। आप यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ का कॉम्बिनेशन बना करके जो है वो एनिमेट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप रोटेशन भी अप्लाई कर सकते हैं साथ में, फॉर एग्जांपल ये है इस तरीके से, यहाँ पे रोटेशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जब आए सेंटर में ही आए तो एक बार ये ऐसे करके रोटेट करे, है ना, तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया ये, और यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे की फ्रेम रोटेशन के लिए। ओके, रोटेशन, तो ये एग्जैक्ट 0 0, मुझे इस पोजीशन पे इसकी वैल्यू 0 0 चाहिए, और उसके बाद फिर ये मुझे चाहिए 360, फॉर एग्जांपल इस बीच में मैं इसको 360 मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ, 360, है ना, इस तरीके से। अभी आपको कोई भी चेंज नहीं दिख रहा होगा क्योंकि 360 में सेम चीज़ होता है, लेकिन चलो अब मैं यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ। ओके, तो ये एक बहुत ही बच्चों वाला बेसिक एनिमेशन है, तो हम यहाँ पे मल्टीपल चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना करके भी जो है वो इसको एनिमेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उस पोजीशन पे आप आ जाएंगे, और यहाँ से अब देख लीजिए नॉर्मली प्लस का साइन आता है, यहाँ पे अब माइनस का साइन आ रहा है, मतलब अगर आप किसी की फ्रेम पे होंगे तो आप उसको यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर सिंपल इसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट बटन अगर आप प्रेस करते हैं तो डिलीट हो जाएगा। अब ये हमारा नॉर्मल एनिमेशन जो है वो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और नया ऐड किया गया है फिल्मोरा 13 के अंदर, वो है की फ्रेम पैनल, जिसमें आप ग्राफ को जो है वो एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे क्लासिक वर्क स्पेस के अंदर मैं आ जाता हूँ, और उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से ये हमारे पास की फ्रेम पैनल, मतलब वर्क स्पेस बस यहाँ पे चेंज हो गया है, और ये है एक्चुअली ग्राफ एडिटर, जहाँ पे आप जो है ग्राफ को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे इसके इस प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं, और ये देख लीजिए हमारे पास पोजीशन, और ये ग्राफ शो कर रहा है 0 पोजीशन, और ये है ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये एक्चुअली इस प्रॉपर्टी का जो है वो एरिया है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 से मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी वहाँ तक जा रहा है, मतलब यहाँ तक जा रहा है ना, यहाँ पे 0 वैल्यू है,
मतलब इसका जो पोजीशन ये है, ऐसे करके ये एनिमेशन क्रिएट हो रहा है। तो अब यहाँ पे इस एनिमेशन को हम और स्मूथ बना सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि वुश करके आए, मतलब स्लोली आए ऐसे, है ना, मतलब स्लोली आए, तेज़ हो जाए, या फिर तेज़ आए फिर यहाँ पे आकर के, फॉर एग्जांपल यहाँ से ऐसे तेज़ आए, यहाँ पे स्लो डाउन हो जाए, तो ये सारी चीज़ें आप इस ग्राफ एडिटर की हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रीसेट वगैरह भी जो है वो दिया गया है। मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूँगा वरना बहुत टाइम चला जाएगा, कम से कम मैं 2-3 घंटा यहाँ पे बैठ के इसके बारे में जो है वो बता सकता हूँ। फिल्मोरा के अंदर ही आफ्टर इफेक्ट्स में तो पूरा कोर्स ही इसी के ऊपर है। एक्चुअली अगर आप हमारा प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं, उसमें एनिमेशन वगैरह के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राइट क्लिक अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे ईज इन ईज आउट है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना शुरू में जैसे ग्राफ दिख रहा है, यहाँ से स्लोली जाएगा, मतलब यहाँ से फास्ट वे में जाएगा, फिर यहाँ से नॉर्मल स्पीड हो जाएगी। देख लीजिए आप नोटिस कर पाएंगे शायद, देख रहे हैं आप, मैं इसको ना यहाँ पे थोड़ा सा नज़दीक कर देता हूँ। ओके ओके, आई थिंक ये मूव ये हो गया है, ईज इन है ना और ईज आउट, जैसे फेड इन फेड आउट था ना वही सही। तो यहाँ पे देखिए ये फास्ट में, ग्राफ से भी दिख रहा है ये फास्ट में, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये काफ़ी फास्ट में, उसके बाद स्लो हो जाएगा ग्राफ जो है वो दिख रहा है। ओके एक्चुअली या फिर इसको हम ट्विक कर सकते हैं ऐसे, फॉर एग्जांपल देख लीजिए काफ़ी फास्ट है ना। तो इसके बारे में एक्चुअली हम लोग सेपरेट वे में बात करेंगे, और या फिर अगर आप देखना चाहते हैं इसको देख लीजिए, आप नोटिस जो है वो कर पा रहे होंगे स्लो होकर के जो है वो चला गया। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको एक्चुअली ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास ये है इज इन इज आउट का ऑप्शन मिल जाता है आपको, नॉर्मल ये है, और ये है हमारे पास हैंडल, तो इससे हम जो है पूरी तरीके से इसके ग्राफ को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए है ना, तो ये हमारे पास ग्राफ एडिटर है। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में इस चीज़ को जो है वो दिखाता हूँ कि कैसे जो है वो इसका हम और प्रैक्टिकल वे में यूज़ कर सकते हैं। तो की फ्रेम फोल्डर के अंदर आपको जो है ये कार मिल जाएगी, कार बॉडी और कार व्हील है ना, इसको आप टाइम लाइन के ऊपर ड्रैग करके डाल दीजिए। ये हमारे पास कार है, मैं इसको फुल स्क्रीन एक्चुअली कर लेता हूँ फिट। ओके और ये हमारे पास व्हील है, इसको मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ। व्हील को हम लोग कर लेंगे सेट है ना, इसका जो स्केल है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। इसी तरीके से चीज़ें एनिमेट होती है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओके, और आप चाहें तो ये एनिमेशन क्रिएट करके इंस्टाग्राम पे हमें टैग कर सकते हैं कि ये आपका फर्स्ट एनिमेशन है, और काफ़ी प्रैक्टिकल एनिमेशन है ये। अब यहाँ पे देख लीजिए हमने जो है व्हील सेट कर दिया, हम एक और कॉपी बना सकते हैं और उसको यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल अभी इसको देख लेते हैं। ये मैंने सेट कर दिया, अब मैं इसमें थोड़ा सा रोटेशन वाला जो मूवमेंट है, जैसे व्हील नाचता है वैसे मैं डालना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। की फ्रेम में हम आ जाएंगे और की फ्रेम में ये है हमारे पास रोटेशन प्रॉपर्टी, रोटेशन इन सबको ऑफ कर देते हैं। ओके सिर्फ और सिर्फ रोटेशन चाहिए हमें, तो रोटेशन के ऊपर हमने की फ्रेम अप्लाई कर दिया है ना, ये ऑटोमेटिकली एक्चुअली जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया की फ्रेम के ऊपर रोटेशन अप्लाई हो गया, सॉरी जो की फ्रेम है वो अप्लाई हो गया रोटेशन के ऊपर, तो यहाँ से हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे रोटेशन ज़ीरो होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जब यहाँ पे आए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रोटेशन हो जाए, फॉर एग्जाम्पल लाइक इतना है ना, देख लेते हैं एक बार, ये देख लीजिए इस तरीके से ये रोटेट करता रहेगा है ना, तो फॉर एग्जाम्पल इतना हमें चाहिए। अब इसी की एक कॉपी हम लोग बनाएंगे सिंपल, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑल्ट या फिर ऑप्शन की प्रेस करके ऊपर की तरफ ड्रैग कीजिए, तो उसी का एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगा और उसको हम लोग मूव करके यहाँ पे डाल देंगे आगे की तरफ है ना, सेम एनिमेशन सब कुछ उसकी कॉपी हो गई। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास ये एक एनिमेशन है, बट अभी कार जो है वो खड़ी हुई है। ओके डोंट वरी, उसको भी हम लोग एनिमेट करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं, ग्राफ को हम बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे, और एक्चुअली ग्राफ के बारे में और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो इससे पहले हमने जो है वो फिल्मोरा 13 का अपडेट वाला वीडियो बनाया था, उसमें डिस्कस किया है, या फिर हो सकता है तो आगे इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊँ तो उसमें मैं डिस्कस करूँगा। तो अब ये हो गया, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन सभी को ना एक कंपाउंड क्लिप में जो है वो मैं ऐड कर दूंगा, इन सभी को ग्रुप में डाल दूंगा ताकि ये सभी एक साथ हो जाए। तो इन सभी को हमने सेलेक्ट किया, तीनों को, बैकग्राउंड को हम छोड़ देंगे, कार को और दोनों व्हील को, और राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास क्रिएट कंपाउंड क्लिप, और इसका नाम मैं डाल दूंगा फॉर एग्जांपल कार। ओके
और ये अब हमारा एक सिंगल लेयर के अंदर जो है वो आ गया। इसका फायदा ये है कि हम इसके ऊपर जस्ट डबल क्लिक करके इसके अंदर भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। एक्चुअली ये हमारे पास ये है, यहाँ से हम कार के अंदर जा सकते हैं और यहाँ पर हम जो भी मॉडिफिकेशन हमें करना है वो हम कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे वापस आ रहा हूँ, वापस आ सकते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा टाइमलाइन को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये कार है जिसमें इस तरह का एनिमेशन है। अब हमें क्या करना है, सेम एनिमेशन जो पोजीशन वाला एनिमेशन है वो हमें करना है। तो मैं यहाँ पे इसको फिर से 50% पे कर देता हूँ और कार को ले आते हैं पीछे। कार को मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, ओके, छोटा फॉर एग्जांपल इतना, और इसका पोजीशन यहाँ पे रहेगा और ये ऐसे जाएगा। तो अब देखो मल्टीपल चीज़ों को जब हम कंबाइन करके बनाते हैं ना तो काफ़ी मज़ा आता है। अब यहाँ पे ये आ गया फर्स्ट पोजीशन। हम यहाँ पे क्या करेंगे, की फ्रेम या फिर एडिट में आ जाते हैं और ये हमारे पास पोजीशन है। पोजीशन के ऊपर हम की फ्रेम अप्लाई कर देंगे और मैं ये चाहता हूँ कि ओके, सो यहाँ पे आने के बाद इसका जो पोजीशन है वो यहाँ हो, बाहर चला जाए। तो हम यहाँ पे सिंपल ये जो एक्स पोजीशन है वो हम चेंज करेंगे और ये इस तरीके से ऐसे ही चला जाएगा। अब देख लीजिए काफ़ी इंटरेस्टिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसमें हमने व्हील को एनिमेट कर दिया था, तो व्हील का एनिमेशन तो हमारे पास है ही, और अब यहाँ पे कार मूव हो रहा है तो ऐसा आपको फील होगा कि जैसे कार जो है वो चलते हुए जा रहा है। देख लीजिए, ओके, मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ फिट, और ये देख लीजिए ये है हमारे पास एनिमेशन। ओके, तो अब यहाँ पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स हम अप्लाई कर सकते हैं, हम शेडो अप्लाई कर सकते हैं, हम साउंड इफेक्ट्स डाल सकते हैं, गाड़ी चलने की जो साउंड इफेक्ट्स होती है वो चीज़ हम डाल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस पे फिल्मोरा के अंदर ही हम इतना कुछ कर सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक हो जाएगा और ऐसा फील ही नहीं होगा कि ये अलग से जो है वो कार को असेंबल करके और उसकी सारी चीज़ों को जो है वो एनिमेट किया गया है। यहाँ पे हम लाइट्स डाल सकते हैं, लाइट्स को उसके साथ जो है वो एनिमेट कर सकते हैं, और बहुत सारी इफेक्ट्स तो हमारे पास हैं ही जिनका जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है की फ्रेम एनिमेशन। ये एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल था, और अगर आप ये एनिमेशन क्रिएट कर लेते हैं तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जो है वो शेयर कर सकते हैं। जस्ट बिलीव फॉर यू को जो है आप टैग कर दीजिए और मैं फीडबैक भी जो है वो आपको दे दूंगा। है ना काफ़ी एक्साइटिंग गाइज? वीडियो में स्लो मोशन देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, तो इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी डिटेल में जो है वो स्पीड को जो है स्पेशली डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्पीड रैंप जो है वो हम लोग देखेंगे और साथ ही फ्रेम इंटरपोलेशन वगैरह जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पे स्पीड फोल्डर के अंदर आपको ये वीडियो मिल जाएंगे स्पीड नाम से, उसको मैंने यहाँ पे जो है वो डाल दिया। एक्चुअली यहाँ पे दो वीडियो है, एक है स्लो मोशन, सेम फुटेज है बट एक है स्लो मोशन और एक है स्पीड नाम से। ये जो फुटेज है ये 30 FPS पे है और ये जो है ये 60 FPS पे है। तो अगर आपने पहले ही सोचा हुआ है कि आपको किसी फुटेज को स्लो मोशन में दिखाना है तो आप उसको 60 FPS पे जो है वो शूट करें, तभी आपके पास बिल्कुल स्मूथ इफेक्ट होगा। वरना अगर आप नॉर्मल फुटेज को जो कि 25 या फिर 30 फ्रेम पे शूट किया गया है उसको अगर आप जो है वो स्लो मोशन में दिखाना चाहेंगे तो काफ़ी जड़की जो है वो फील होगा। तो हमेशा अगर आपको स्लो मोशन दिखाना है तो 60 FPS पे जो है वो शूट करें। अब आ जाइए, देख लेते हैं कि हमारे पास फुटेज है। सिंपली इसको सेलेक्ट कीजिए और प्रॉपर्टीज़ में आ जाइए। यहाँ पे ये हमारे पास स्पीड, और स्पीड के अंदर एक्चुअली हमारे पास दो ऑप्शन है, एक यूनिफॉर्म स्पीड और यह है स्पीड रैंप। तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब अगर स्लो है तो स्लो ही रहेगा, फास्ट है तो फास्ट ही रहेगा, मतलब एक यूनिफॉर्म वे में रहेगा स्पीड। लेकिन स्पीड रैंप में आप ज़िगज़ैग क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कभी स्लो हो गया, फिर फास्ट हो गया, फिर स्लो हो गया, तो ये चीज़ आप स्पीड रैंप में कर सकते हैं। काफ़ी डिटेल में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं यूनिफॉर्म स्पीड में। तो यहाँ पे सिंपल स्लाइडर है, 1 जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, मतलब डिफॉल्ट स्पीड होता है, और इसके आगे अगर हम लोग जाएंगे तो हमारा जो है फास्ट क्रिएट होगा, और अगर पीछे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे जो है ये स्लो मोशन क्रिएट हो जाएगा। और ये जो है डिफॉल्ट हमारा जो ड्यूरेशन है हमारे वीडियो का वो जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो सिंपल अगर हमें फास्ट करना हो इसे, हम लोग आगे की तरफ जाएंगे। अब ये 10x फास्ट हो गया, मैं 10x नहीं 4x कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो ये हमारे पास देख लीजिए ये 4x हो गया, और ड्यूरेशन भी आप देख सकते हैं जो 17 सेकंड का हमारा फुटेज था वो अब सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट 47 सेकंड का जो है वो हो गया है। तो ये स्लो फास्ट यहाँ से आप जो है सिंपल स्लाइड करके कर सकते हैं। अब ये हमारा स्लो हो गया, देख लीजिए 1 मिनट 20 सेकंड का फुटेज हो गया, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है। ये काफ़ी स्मूथ इफेक्ट है, क्यों? क्योंकि ये 60 FPS की वीडियो है। अगर आप नॉर्मल इसको ये करेंगे, इस वाले फुटेज को अगर आप यहाँ तक अगर आप स्लाइड करेंगे तो काफ़ी जड़की फील होगा। अभी हम आगे देख लेंगे। तो यहाँ से सिंपल आप स्लो और फास्ट जो है वो आप कर सकते हैं। साथ ही जब आप ये अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर टाइमलाइन में भी ये ऑप्शन आपको दिख जाता है इस तरीके से। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से भी आप ड्रैग कर सकते हैं, मैनुअल आपको जितना रखना हो, जैसे किसी दूसरे क्लिप के हिसाब से अगर आपको मैच करना हो तो यहाँ पे इस ऑप्शन का जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास रिवर्स का ऑप्शन है, तो आप सिंपल रिवर्स कर सकते हैं। ये जो स्पीड का ऑप्शन है वो यहाँ पर भी आपको मिल जाता है, देख लीजिए यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड रैंप। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, यही पैनल ओपन होगा। तो यहाँ पर रिवर्स का ऑप्शन है, अभी अगर आप इस फुटेज को ध्यान से देखेंगे तो ये आगे की तरफ जा रहा है, नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको रिवर्स करना हो तो आप इसे जो है वो यहाँ पर रिवर्स कर सकते हैं। ये है रिपल एडिट। रिपल एडिट एक्चुअली मैंने पहले डिस्कस नहीं किया है, उसके बारे में मैं एक्चुअली आपको दिखाता हूँ। एग्जैक्टली ये है क्या, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फुटेज है, ये दोनों एक दूसरे से सटा हुआ है, ओके ये दोनों एक दूसरे से सटा हुआ है। अब क्या है कि अगर देखें आप यहाँ पे, तो ये जो है ना ये ऑन है, है ना। अगर मैं इसको यहाँ से ऑफ कर दूँ और इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कट करता हूँ, तो बीच में जो गैप है ना वो गैप रह जाएगा, है ना। लेकिन अगर ये चीज़ ऑन होगा, मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ऑन कर देता हूँ, अब यहाँ पे अगर मैं इसको ये करूँगा ना तो गैप ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे ये अगर आप ऑन कर देते हैं, जैसे अभी मैं अगर इसको यहाँ पे मैं रहने देता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल मैं फास्ट करता हूँ, तो ऑब्वियस बात है कि हमारा जो इसका ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा, बट देख लीजिए बीच में गैप रह गया। तो अगर आप इस चीज़ को ऑन कर देते हैं तो गैप जो है ना वो फिल हो जाएगा। देख लीजिए ये पहले, तो सबसे पहले तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और अब आते हैं, अब देख लीजिए ये ऑन है, तो अब हम कुछ भी करेंगे ये उसके साथ जो है मूव होगा, है ना, बीच में गैप नहीं रहेगा। तो यही है हमारा रिपल एडिट, जो कि मुझे लगता है कि टाइमलाइन के सेक्शन में ही बताना चाहिए। तो ये ऑप्शन आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो जो भी आपका फुटेज आगे पीछे होगा उसके अकॉर्डिंग ये जो है मूव हो जाएगा, बीच में किसी भी तरह का गैप नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एआई फ्रेम सैम्पलिंग है, एक और ऑप्शन यहाँ पे आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा अगर आप नॉर्मल वीडियो लेंगे। तो मैं एक कोई वीडियो ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इंट्रो वीडियो है, ओके और इसको अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन आता है मेंटेन पिच का। तो अगर यहाँ पे किसी भी फुटेज को आप स्लो या फिर फास्ट करेंगे ना, फॉर एग्जांपल, तो उसका पिच जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए डिफ़ॉल्ट ऐसे होता है, यहाँ पे इस तरीके से देख लीजिए, मैं थोड़ा स्लो करता हूँ, जो हम लोगों ने देखा था ऑडियो एडिटिंग के अंदर भी। तो सेम आप हमेशा अगर कोई ऐसी वीडियो है जिसमें आप कुछ बोल रहे हैं या कुछ ऐसा ऑडियो है जिसको आपको रखना है, तो आप यहां से मेंटेन पिच के ऊपर जो है वो आप क्लिक कर दीजिए, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो काफ़ी बेहतर नेचुरल जो है वो रिजल्ट होगा। तो ये हमारे पास मेंटेन पिच का ऑप्शन है। अब आ जाइए थोड़ा सा यहाँ पे, जो हमारे पास एक बहुत ही एडवांस ऑप्शन है एआई फ्रेम इंटरपोलेशन, इसको देख लेते हैं। ये एक्चुअली बहुत ही एडवांस फीचर है जो कि आपको आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह में देखने को मिलता है, या फिर इसके लिए सेपरेट प्लगइन्स आते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में या अलग अलग चीज़ों में। तो ये एग्जैक्टली क्या है, डिफॉल्ट फ्रेम सैम्पलिंग है जो कि नॉर्मल रिजल्ट आपको देता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एग्जैक्टली क्या है और कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्लो मोशन की ये फुटेज है, और अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये जो है ये 30 फ्रेम पे जो है वो शूट किया गया है, और इसमें से मैं एक पार्ट निकाल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल चलो ये वाला पार्ट यहाँ से मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ और थोड़ा छोटा पार्ट ले लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा ये करने की ज़रूरत ना पड़े। और अब ये हमारे पास पार्ट है जो कि नॉर्मल स्पीड से है और 30 FPS पे है, एक्चुअली थोड़ा सा पहले वाला पार्ट ले लेते हैं, ओके ये हमारे पास फुटेज है नॉर्मल स्पीड से, नॉर्मल है। अब इसको हम लोग ना थोड़ा सा स्लो करते हैं, फॉर एग्जांपल 20, ओके और अब देख लीजिए क्या होगा, आप फील कर पाएंगे कि यहाँ पे जो है ना वो जर्की फील हो रहा है, मतलब स्मूथ नहीं है। तो अब यहीं पे ये हमारा काम आता है फ्रेम सैम्पलिंग का। तो यहाँ पे एक्चुअली दो ऑप्शन है, ब्लेंडिंग और ऑप्टिकल फ्लो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ऑप्टिकल फ्लो का यूज़ करें, ये थोड़ा सा स्लो होगा प्रोसेस करने में लेकिन बहुत हाई क्वालिटी जो है वो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अभी आप देख लीजिए, आप इसको देख लीजिए, है ना, ये रिजल्ट आप देख लीजिए कितना जर्की जो है वो फील हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसका एक डुप्लीकेट मैं बनाता हूँ, ओके ओके और इसको मैं डाल देता हूँ कंपाउंड क्लिप में, और मैं इसका नाम डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल, है ना, नॉर्मल स्लो मोशन, डिफ़ॉल्ट स्लो मोशन या कुछ भी ऐसा। और इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करके और इसको मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल सेव एज ए कंपाउंड कस्टम क्लिप। तो यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर आ जाता है मीडिया के अंदर, ये हमारे पास कंपाउंड क्लिप का फोल्डर है। तो अब ये हमारे पास इसके अंदर आ गया और इसको हम जब चाहें जो है वो देख सकते हैं, है ना, तो ये आप ड्रॉप जो है वो देख सकते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ यहाँ पे, अभी हमारे पास नॉर्मल है। और इसमें मैं ऑन करता हूँ किस चीज़ को, ये जो हमारे पास ऑप्टिकल फ्लो है उसको। तो यहाँ पे दोनों में सेम तरह का रिजल्ट मिलेगा, मतलब ये फास्ट होगा और ये आपका थोड़ा स्लो होगा बट हाई क्वालिटी। तो मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, अभी यहाँ पे एक वार्निंग आ रहा है कि पहले आप प्रीव्यू जो है वो ऑन कर लें, मतलब इसको थोड़ा सा रेंडर कर लें। अभी तो आपको ऐसे ही जर्क फील हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ये हमारे पास रेंडर करने का ऑप्शन है, रेंडर प्रीव्यू।
तो सिंपल आप जो है वो एंटर प्रेस कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर जस्ट क्लिक कीजिए। तो ये क्या होगा कि ये जो फ्रेम है ना, ये हमारा पूरी तरीके से रेंडर हो जाएगा ताकि हम स्मूथ प्रीव्यू कर सकें। और उसके बाद फिर आप देख पाएंगे कि हमारे पास काफ़ी स्मूथ सा रिजल्ट है और हम कंपैरिजन भी जो है वो देखेंगे। तो इसको हम लोग जो है वो रेंडर होने देते हैं। ओके, ये हमारा रेंडर हो चुका है और अब यहाँ पे मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ और आप देखेंगे मैजिक। ये देखो, आप डिफरेंस देख पा रहे हो लाइक कितना स्मूथ इफेक्ट आ रहा है। मैं आपको दूसरा वाला क्लिप भी दिखाई देता हूँ, यहाँ पे कंपाउंड क्लिप में ये था हमारे पास। ओके, ये था और मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पे नीचे, फॉर एग्जाम्पल ये। ये देखो, दोनों में आप डिफरेंस देखो। ऊपर वाला जो है हमारा बगैर सैम्पलिंग के है, बगैर इंटरपोलेशन के है, नॉर्मल डिफॉल्ट। देखो ये जर्क हो रहा है, लेकिन आफ्टर फ्रेम इंटरपोलेशन यहाँ पे हमारे पास कितना ज़्यादा स्मूथ रिजल्ट है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर जो है वो एक तरीके से ऐड किया गया है फिल्मोरा के अंदर। तो ये है बेसिकली हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। अब आ जाइए हम लोग स्पीड रैम्प की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे फोल्डर मीडिया के अंदर आ जाते हैं, ग्लोबल स्पीड के अंदर। ओके, और ये हमारे पास स्पीड, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। यहाँ से हम क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, और अब हम लोग आ जाते हैं यूनिफॉर्म के अंदर। यूनिफॉर्म में बेसिकली क्या है कि आप जो है ना वो स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा होगा कहाँ पे कम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रीसेट भी दिए गए हैं, मॉन्टाज है, हीरो माउंट है, और यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं। जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, अब ये देख लो यहाँ पे आप देखो 1x, 10x, मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे तो फास्ट होगा, 1x मतलब नॉर्मल स्पीड, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो फास्ट होगा, नीचे की तरफ आएंगे तो स्लो होगा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए ग्राफ हल्के से स्लो मोशन से स्टार्ट होगा और ये फास्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये नीचे आएगा, स्लो मोशन हो जाएगा और फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। देख लीजिए सेम, मैं यहाँ पे इसको ये भी करता हूँ, नॉर्मल स्पीड लगभग, फास्ट, स्लो और फिर ये हो जाएगा नॉर्मल स्पीड। तो यही चीज़ है, यहाँ पे कुछ प्रीसेट जो है वो दिए गए हैं जिसमें से आप फेड इन फेड आउट जो है वो यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी, है ना। ये क्या होगा, नॉर्मली इसमें फास्ट होगा एंड फिर नॉर्मल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे तो काफ़ी लंबा फुटेज चाहिए, बट छोटे क्लिप में जैसे किसी भी चीज़ को लाना हो आपको क्विक वे में, तो आप उस जगह पे जो है इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग कस्टम में, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग नहीं है, ऑब्वियसली बात है कि प्रीसेट है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल इसको नन कर देता हूँ और इसके बाद आ जाते हैं कस्टमाइज में। अब यहाँ पे क्या है, एक फ्लैट ग्राफ जो है हमारे पास शो कर रहा है, हम यहाँ पे अब जो है वो खुद से ऐड कर सकते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे सिंपल आप जो है वो देख लीजिए, ये हमारे पास पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, मतलब जो भी आपका जितना बड़ा भी वीडियो होगा, अगर आपको छोटे पोर्शन में करना है तो आप उसको स्प्लिट कर लीजिए। अब यहाँ पे चलिए, मैं क्या चाहता हूँ, ये यहाँ पे जब ये लड़की फ्रेम में आए ना, सॉरी ये लड़की जब फ्रेम में आए ना, तो मैं स्लो मोशन दिखाना चाहता हूँ। जब ये इसको क्रॉस करे तो स्लो मोशन में क्रॉस करे, ओके, और उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाए, और फिर जब वो बंदा फ्रेम में आए, है ना, ये इस तरीके से, तो ये स्लो मोशन हो जाए, है ना, ये वाला पोर्शन स्लो मोशन हो जाए। तो चलिए हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये नॉर्मल ये वाला पोर्शन है जहाँ पे ये बंदा इसको क्रॉस कर रहा है, उसको हम स्लो मोशन में करेंगे। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे है, इसको हमने यहाँ पे नीचे कर दिया, है ना। और कहीं पे भी आप जो है वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप आते हैं तो ये देख लीजिए प्लस का साइन आ रहा है ना, तो कहीं पे आप अपने हिसाब से पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। अगर उसको अगर आपको डिलीट करें, सेम उस पॉइंट पे आकर के आप उसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पे जब ये इसको क्रॉस कर रहा है, हम यहाँ से इसको ऐसे भी मूव कर सकते हैं, हमारे टाइम के हिसाब से वो मैच करेगा। अब देख लीजिए हमारे पास ये बेसिक जो इफेक्ट हमें चाहिए था वो हमारा हो गया, ये इस तरीके से आया, और यहाँ पे अब जो है वो स्लो हो गया, और जब ये क्रॉस करेगा फिर ये नॉर्मल स्पीड में आ जाएगा। और हम चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको जो है वो थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हैं तो ये फास्ट हो जाएगा ऐसे कुछ, और ये फास्ट हो गया, फिर ये नॉर्मल, और फिर यहाँ पे हम एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं और इसको हम ले जा सकते हैं नीचे, है ना। ये देख लीजिए ये ज़्यादा ही फास्ट हमने कर दिया है, है ना। तो ओवरऑल ये है कि आप यहाँ पे अपने हिसाब से स्पीड को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रीज फ्रेम का भी हमारे पास ऑप्शन है, आप किसी भी फ्रेम को जो है वो फ्रीज कर सकते हैं ना, लाइक कितने सेकंड के लिए फ्रीज टाइम अप्लाई, और ये देख लीजिए यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा, और ये देख लीजिए अब हमारे पास फ्रीज है, और ये कितने सेकेंड के लिए रहेगा वो हमने डाला था, और उसके बाद फिर नॉर्मल वे पे जो है वो चलेगा। तो ये फ्रीज फ्रेम भी जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसको अगर आपको डिलीट करना है आप सिंपल जो है इसको डिलीट कर दीजिए। और यहाँ पर भी सेम वही ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ऑप्टिकल फ्लो आपका, अगर 30 fps में कोई वीडियो है या 25 fps में कोई वीडियो है और उसमें अगर आप स्लो मोशन इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से ये जो ऑप्शन है इसको आप ज़रूर इनेबल कर लें।
तो गाइज ये था हमारा ओवरऑल स्पीड जिससे हम लोग जो है अपने वीडियो को स्लो मोशन और फास्ट मोशन इफेक्ट जो है वो दे सकते हैं। गाइज मोशन ट्रैकिंग एक एडवांस वीडियो एडिटिंग फीचर है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग ट्रैक करते हैं और उस ट्रैकिंग डेटा के साथ हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है, किसी भी एलिमेंट को जो है वो अटैच कर सकते हैं और वो जो एलिमेंट है वो उसी मोशन को जो है वो फॉलो करेगा। तो यहाँ पे टाइमलाइन में मेरे पास ये एक वीडियो है और इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी मूवमेंट है, काफ़ी मोशन है। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है एग्जैक्टली, मुझे ना इसके फेस को जो है वो फॉलो करना है और उसके ऊपर मुझे फॉर एग्जाम्पल एक स्टिकर चिपका देना है और ऐसा लगेगा कि जैसे स्टिकर उसके ऊपर चिपका हुआ है, उसी मोशन को जो है वो फॉलो करेगा। तो आ जाइए, ये है मेरा क्लिप, मैं आ जाता हूँ फर्स्ट पोजीशन पे और उसके बाद वीडियो प्रॉपर्टीज़ में हम लोग यहाँ पे एआई टूल्स में आ जाएंगे। एआई टूल्स में ये हमारे पास मोशन ट्रैकिंग, यहाँ पे सिंपल आपको इसे इनेबल कर देना है। इससे पहले का जो भी टॉपिक है वो हमने ऑलरेडी जो है वो कवर कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन करते ही यहाँ पे एक वार्निंग है कि अगर आपने की फ्रेम एनिमेशन वगैरह अप्लाई किया हुआ है इस फुटेज के ऊपर तो वो रीसेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ और उसके बाद ये है हमारे पास ट्रैकर। अब इसको उस पॉइंट पे डाल देना है जिसे आप ट्रैक करना चाहते हैं। तो मैं फॉर एग्जाम्पल फेस को ट्रैक करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं फेस के ऊपर इसको डाल दूंगा, है ना, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से। और उसके बाद जस्ट आपको इस आइकॉन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है, क्लिक टू स्टार्ट मोशन ट्रैकिंग, और ये बहुत ही क्विक वे में आपके मोशन को ट्रैक कर लेगा। ओके, और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगल है ये परफेक्टली जो है वो फेस को फॉलो कर रहा है। आप चाहें तो इसे शो एंड हाइड जो है वो कर सकते हैं यहाँ से, ये हमारे पास आइकॉन है। और अब यहाँ पे फाइनली हमें जो है जो भी एलिमेंट को लिंक करना है इससे वो चीज़ हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे है लिंक एलिमेंट, यहाँ पे हमारे पास अभी ऑप्शन आ रहा है नन का, सिंपल डिफॉल्ट, मतलब कुछ भी अटैच नहीं होगा। यहाँ पे हम अपने कंप्यूटर से जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई इमेज है या कुछ भी ऐसा है जो आप इसके साथ अटैच करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो यहाँ पे ऐड ए मोज़ेक का ऑप्शन जो है वो आप अटैच कर सकते हैं। इसमें अलग अलग वेरिएशन आपको मिल जाएगा। तो अगर आप पिक्सल वगैरह दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप ब्लर वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मास्क का भी ऑप्शन है तो आप इसे जो है वो मास्क भी कर सकते हैं, है ना, ये मास्क का ऑप्शन है। तो मैं फिलहाल इसको हटा देता हूं और मैं यहां से एक स्टिकर ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्टिकर, ओके, और मुझे इसको अटैच करना है, मैं इसके ऊपर डाल देता हूं। इसका ड्यूरेशन है वो मैं सेटअप कर देता हूं, फर्स्ट पोजिशन पर आ जाते हैं और उसके बाद मैं इसको कर लूंगा रीसाइज अपने हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल इतना, ओके, एंड देन उसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे इस क्लिप के मोशन ट्रैकिंग में। और यहाँ पे देख लीजिए ये हमारे पास आ गया एनिमेटेड इमोजी। तो जो भी चीज़ आप इसके ऊपर डालना चाहते हैं, इससे अटैच करना चाहते हैं, उसको आप इससे ऊपर वाले लेयर के ऊपर डाल दीजिए और वो उसी के मोशन को जो है, मतलब यहाँ पे बेसिकली आपके पास ऑप्शन आ जाएगा उसको सिलेक्ट करने का। तो यहाँ पे ये एनिमेटेड इमोजी है वो हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद जस्ट अब हम प्ले करते हैं और आप देख लीजिए कि परफेक्टली जो है वो फेस को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप कोई भी इमेज डाल सकते हैं, आपके पास जो भी स्टिकर्स वगैरह है, एलिमेंट्स है, वो आप डाल सकते हैं। आप टेक्स्ट जो है वो इसके साथ अटैच कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है, हम यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब आप मल्टीपल ऐड नहीं कर सकते, आप सिंपल टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। और आप देख लीजिए जो टेक्स्ट है वो जो है वो फॉलो कर रहा है, यहाँ से इसको मैं हाइड कर देता हूँ, टेक्स्ट जो है वो उसको फॉलो कर रहा है। टेक्स्ट को हम अपने हिसाब से जैसे भी कस्टमाइज़ करना चाहें हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा मोशन ट्रैकिंग। गाइज अगर हम अपनी वीडियो में थोड़ा पैन, थोड़ा जूम इफेक्ट जो है वो यूज़ करते हैं तो हमारी वीडियो काफ़ी इंगेजिंग हो जाती है, वरना अगर एक ही फ्रेम में बिल्कुल किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो हमारी वीडियो काफ़ी बोरिंग हो जाती है। वैसे मेरे केस में मेरी ट्यूटोरियल टाइप वीडियोस होती हैं तो उसमें ज़्यादा पैन या जूम इफेक्ट जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ उसमें ऐड करने की। तो यहाँ पे ये है मेरे पास एक फुटेज, नॉर्मल फुटेज है जहाँ पे मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, किसी भी तरह का जूम इफेक्ट इसमें नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे फेस के ऊपर जूम हो रहा है या थोड़ा सा स्लाइड हो रहा है, पैन इफेक्ट मतलब स्लाइड होता हुआ और जूम, आप समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह का इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो पहली रिकमेंडेशन मेरी ये है कि आप खुद से की फ्रेम का यूज़ करें। की फ्रेम को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में जो है वो डिस्कस किया है, क्योंकि की फ्रेम में हमारे पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप यूज़ करना चाहते हैं पैन एंड जूम इफेक्ट,
जो कि फिल्मोरा के अंदर डिफॉल्ट है, तो आप किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो उसके लिए ये है हमारे पास क्रोप टूल, है ना। अगर ये टूल यहाँ पे नहीं शो कर रहा है तो ये ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, और इसके अंदर सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे, जिनको भी आपको ट्रैक करके रखना है आप ट्रैक करके रख दीजिए और सेव कर दीजिए, और वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है क्रोप टूल, और उसके अंदर हमें पैन एंड जूम मिल जाता है। तो क्रोप टूल सिंपल है, अगर फॉर एग्जाम्पल हमें सिर्फ इतना पार्ट जो है वो रखना है वीडियो के लिए, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर आपको एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रखना है तब आप जो है सिंपल स्केल का भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और क्या डिफरेंस होता है एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ। चलो फॉर एग्जांपल मुझे ना इसको यहाँ पे मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट जो है वो शो करना है ना, ये वाला पार्ट, टेबल भी हमें नहीं शो करना है, इतना पार्ट जो है वो शो करना है। तो हमारे पास एक ऑप्शन तो ये है कि हम इसको फुल स्क्रीन में कर दें और इस तरीके से हम यूज़ करें, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर फॉर एग्जाम्पल इतना ही पार्ट मुझे शो करना है लेकिन छोटे से स्क्रीन में, तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे स्केल तो हमारा काम करेगा नहीं, तो यहाँ पे हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट को हम क्रोप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है, एक्स्ट्रा पार्ट को हम क्रोप कर सकते हैं। अब देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल इतना है, अप्लाई कर दिया मैंने, तो अब ये क्या है, हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट है और जहाँ पे भी हमें इसे यूज़ करना है हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसी सिनेरियो में जो है वो क्रोप का कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि हम फ्री फॉर्म में इसको क्रोप करना चाहते हों, यहाँ पे जो है अभी रेशियो दिया हुआ है तो हम यहाँ पे कस्टम कर सकते हैं, और कस्टम करने के बाद हम इसे जैसे टीवी फ्रेम वगैरह में होता है तो हम इस तरीके से जो है इसको क्रोप कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ये हमने अप्लाई कर दिया और इसको फॉर एग्जांपल इस कॉर्नर में हमने डाल दिया इस तरीके से। फॉर एग्जांपल मल्टीपल लोग हैं तो यहाँ पे वो बात करें, तो ये हो गया हमारा बेसिक क्रोप। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैंने इसको रीसेट कर देता हूँ, और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फिर से इसी ऑप्शन में, और यहाँ पे ये हमारे पास पैन एंड जूम। अब पैन एंड जूम में हमारे पास डिफॉल्ट जो है वो दो ऑप्शन है, स्टार्ट और एंड। तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ से हमारा जो एनिमेशन है, जूम इफेक्ट जो है वो स्टार्ट होगा और यहाँ पे हमारा एंड हो जाएगा, है ना। और इसी से हमारे पास एक जूम इफेक्ट जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी ऑप्शन है, यहाँ पर भी आपको एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन मिल जाता है, और ये हमारे पास ये पैन एंड जूम के लिए है, और यहाँ पे भी ये आप इसको उल्टा कर सकते हैं ना, रिवर्स कर रहा हूँ, जैसे देख लीजिए ये स्टार्ट होगा यहाँ से और एंड यहाँ पे होगा। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे एंड करना चाहते हैं, मतलब जूम आउट अप करना चाहते हैं, तो उस तरह का यहाँ पे आप इसको सेटअप कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको पैन इफेक्ट दिखाना है, मतलब यहाँ से स्लाइड होता हुआ एनिमेशन इधर की तरफ होगा, तो प्रोडक्ट वगैरह के शोकेस में हम इस तरह का पैन इफेक्ट जो है वो यूज़ करते हैं। अगर आपको सिंपल रिवर्स करना हो तो आप यहाँ पे रिवर्स भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। सिंपल यहाँ पे ये ऑप्शन में आ जाते हैं स्टार्ट, और ये हमारा यहाँ पे फेस पे ये जूम होकर के आ जाएगा। हम इसको और छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से, ओके, और अप्लाई कर देंगे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि आपका, सॉरी यहाँ पे मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, ये प्रॉब्लम ये है कि आपका जो भी लेंथ है, जो भी ड्यूरेशन है क्लिप का, मतलब हमारा एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा, मतलब 35 सेकंड तक ये एनिमेशन चलेगा। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट बेस्ट ये होगा कि आप की फ्रेम का यूज़ करें, है ना, क्योंकि की फ्रेम से हमारे पास कंट्रोल होता है कि कहाँ पे इसको रोकना है, कहाँ पे हमें फिर से एनिमेशन दिखाना है, कहाँ पे फिर बैक आना है। बट यहाँ पे आपके पास बैक आने का कंट्रोल एक तरीके से नहीं है। हाँ, एक चीज़ आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ से हमारा एनिमेशन स्टार्ट हुआ और ये एनिमेट होता 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 यहाँ पे आ गया। अगर आपको बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करना है तो आप जो है वो यहाँ पे क्लिप को कट कर सकते हैं, है ना, सॉरी, और ये जो एनिमेशन होगा ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल बीच में से हमने इसको कट कर दिया और यहाँ तक ये इन एनिमेशन हो जाएगा और यहाँ पे आने के बाद ये आउट एनिमेशन हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आने के बाद मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, ओके, स्टार्ट। अब ये देख लीजिए क्या होगा, अब ये बैक जाने लगा। तो आप अपनी नीड के हिसाब से जो है वो यहाँ पे पैन एंड जूम का जो ऑप्शन है हमारे पास वो यूज़ कर सकते हैं, और सिंपल है, बहुत सिंपल है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहीं पे हम पैन इफेक्ट की बात करें, फॉर एग्जांपल ये पोजीशन है और ये पोजीशन है हमारे पास प्रोडक्ट फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में जब हम आते हैं तो इस तरह के शॉट्स हम लेते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा, देख लीजिए हमारे पास ये स्लाइड हो रहा है ना, तो इसी को हम लोग पैन इफेक्ट बोलते हैं। तो गाइज ये था सिंपल पैन एंड जूम एंड क्रोप इफेक्ट। क्रोप इफेक्ट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़फुल होता है, नॉर्मल स्केल से जो है ये चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। गाइज एडजस्टमेंट लेयर प्रैक्टिकली बहुत काम की चीज़ है, इससे आप जो है मल्टीपल क्लिप के ऊपर जो है एक साथ कलर करेक्शन वगैरह जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास फुटेज है, फॉर एग्जांपल ये हमने जो है कुछ किया है, बहुत सारा क्लिप जो है हमारे पास हो गया। अब मुझे इसके कलर में कुछ चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मुझे ना इसका ब्राइटनेस एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ाना है,
एग्जाम्पल के लिए एक्सपोजर बढ़ाना है, या फिर इसको मुझे ना ब्लैक एंड वाइट करना है, तो हम यहाँ पे कलर्स के अंदर आ जाएंगे और इसका सैचुरेशन हम जीरो कर देंगे। अब ये सेम इफेक्ट जो है ना वो मुझे सभी क्लिप के ऊपर अप्लाई करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैन्युअली आकर के सभी क्लिप के ऊपर जो है ये चीज़ अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एडजस्टमेंट लेयर का यूज़ करते हैं, ये हमारे पास मीडिया के अंदर एडजस्टमेंट लेयर, और इसके अंदर ये हमारे पास एडजस्टमेंट लेयर का ऑप्शन, सिंपल इसको आप जो है अपने लेयर के जस्ट ऊपर जो है वो अप्लाई कर दीजिए, जो भी आपका क्लिप है, ड्यूरेशन जो भी रखना है वो आप अप्लाई कर दीजिए। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, रीसेट, और उसके बाद अब इस लेयर के ऊपर जो भी चीज़ हम अप्लाई करेंगे उसका इम्पैक्ट नीचे वाले लेयर के ऊपर जो है वो दिखेगा। तो अब हमें यहाँ पे मैनुअली करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सारे क्लिप को सिंपल इसके ऊपर जाएंगे हम, यहाँ पे कलर में हम आ जाते हैं, और फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कलर के अंदर इसका जो सैचुरेशन है वो ज़ीरो कर देते हैं, ओके। और अब ये जो इफेक्ट है ना, ये उसके नीचे जो भी ये है उसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो गया। अगर आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे आपको कलर नहीं शो करना है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर डाल दीजिए ऐसे। तो अगर इसके ऊपर है तो उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन इससे नीचे जो भी चीज़ होगा उसके ऊपर जो है वो ये इम्पैक्ट करेगा। और इसका ड्यूरेशन जो भी आपको रखना है वो आप जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं, है ना, जहाँ पे ये ख़त्म होगा वहाँ पे आपका इफेक्ट जो है वो ख़त्म होगा। तो बहुत ही काम की चीज़ है, एडवांस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इसका काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको ये मिल जाता है, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं इस लेयर को और लेयर के अंदर आ जाते हैं, तो यहाँ पे सेव एज कस्टम का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये जो प्रीसेट आपने क्रिएट किया है, मतलब ये जो चीज़ आपने अप्लाई की है उसका आप कस्टम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और ये देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे प्रीसेट के अंदर जो है कस्टम फोल्डर में ये एक ऑप्शन आ गया है। तो अब हम इसे अप्लाई करेंगे तो ये जस्ट हमारे इफेक्ट्स की तरह जो है वो काम करेगा। तो गाइज ये एक बहुत ही यूजफुल चीज़ है अगर आप इसे प्रैक्टिकली यूज करना शुरू करते हैं। तो गाइज वीडियो एडिटिंग की सबसे लास्ट प्रोसेस भी हम लोग एक्सपोर्ट, शेयर या फिर रेंडर करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे टाइमलाइन में मल्टीपल क्लिप्स होते हैं, मल्टीपल इफेक्ट्स हम अप्लाई करते हैं, टाइटल्स वगैरह डालते हैं, तो ये सारी चीज़ें कंबाइन होकर के एक सिंगल वीडियो फॉर्मेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, एक सिंगल वीडियो में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो भी आपको एडिटिंग करनी है वो जो है वो आप कर लीजिए, ये टाइमलाइन के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो आप कर लीजिए। आप फाइनल प्रीव्यू करके देख लीजिए कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो कैसा दिखेगा। यहाँ पे जो आउटपुट आपको दिख रहा है ना, एग्जैक्ट यही आउटपुट जो है वो आपको फाइनल रेंडर होने के बाद जो है वो दिखने वाला है। तो आप प्रीव्यू करके देख लीजिए, जब आप पूरी तरीके से रेडी हैं तब यहां पे आपको जो है एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। रिमेंबर यहां पे जो ये सेव का ऑप्शन है ये आपके प्रोजेक्ट को सेव करता है ताकि आप दोबारा आकर के इसमें एडिटिंग कर सको, ये शेयर नहीं करता, ये वीडियो में सिंगल वीडियो में कन्वर्ट नहीं करता है। तो अगर आपको वीडियो शेयर करना है, फाइनली एक सिंगल वीडियो चाहिए अपने एडिटिंग का, तो आपको जो है एक्सपोर्ट ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए जस्ट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है, लोकल है, मतलब आप अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, डिवाइस के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे रेंडर कर सकते हैं, आप यूट्यूब, टिकटॉक, वीमियो, इन सब के ऊपर डायरेक्टली जो है वो अपलोड कर सकते हैं। पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने अकाउंट से, या फिर आप जो है वो डीवीडी सीडी में जो है इसे बर्न कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिंपल लोकल में आ जाएं, और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको नाम डालना है वो नाम जो है वो आप डाल दें, जैसे कि मैंने डाल दिया फिल्मोरा 13 कोर्स। उसके बाद लोकेशन आप चूज़ कर लें कि कहाँ पे आप इसको जो है वो सेव करना चाहते हैं, तो सेव टू में जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से आप ब्राउज कर लीजिए जहाँ पर भी आप इसको सेव करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल फाइनल रेंडर जो है मेरे पास ये एक फोल्डर है, इसको मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास प्रीसेट है, तो मैच टू प्रोजेक्ट सेटिंग्स आप यही रहने दें, या फिर आप जो है वो सेटिंग्स में आ सकते हैं, और सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर आपको 4K में रेंडर करना है तो आप 4K जो है वो क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है इसका बिट रेट जो है वो चेंज करना पड़ेगा, या फिर आप जो है यहाँ से डायरेक्टली हायर जो है वो लोअर इस तरीके से जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइनली अप्लाई कर दें, है ना, और उसके बाद यहाँ पे है फॉर्मेट। फॉर्मेट पे डिफ़ॉल्ट जो है वो MP4 होता है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि MOV यूज़ करें, क्योंकि पहले जो है वो MP4 काफ़ी पॉपुलर था, लेकिन अब MOV सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है वो फॉर्मेट है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्वालिटी है, सेम चीज़ जो हमने सेटिंग्स में देखा था, एंड देन यहाँ पे हमारे पास इनेबल GPU रेंडरिंग है, अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड है तो इस ऑप्शन को इनेबल कर दें। यहाँ पे एक और न्यू फीचर ऐड किया गया है थंबनेल का, इसमें आप जो है अपने वीडियो के थंबनेल को जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली क्या है इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये हमारी वीडियो है, ओके, मैं यहाँ पे व्यू लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज
ओके, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे ये जो हमारी वीडियो है इसका एक थंबनेल जो है वो शो कर रहा है, या फिर कोई भी वीडियो अगर आप देखते हैं तो उसमें एक थंबनेल जो है वो शो कर रहा है। तो ये क्या है, वीडियो के अंदर से ही किसी फ्रेम का इमेज है, बट इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है कि क्या शो करेगा। बट फिल्मोरा के अंदर ये ऑप्शन आपको दिया गया है कि आप खुद से अपना थंबनेल जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सिंपल एडिट में जाइए, यहाँ पे कुछ फ्रेम भी आपको रिकमेंड करके दे देगा, यहाँ से भी आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेम कि कौन सा फ्रेम को आप चाहते हैं कि थंबनेल में शो करें, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, या फिर आप जो है फ्रॉम लोकल में आ सकते हैं और यहां से आप जो है वो ब्राउज कर सकते हैं कि ओके मुझे जो है ये चीज अपने थंबनेल में शो करना है। फॉर एग्जांपल ये मुझे पैंडा शो करना है अपने थंबनेल में, एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए और ये पैंडा आ गया। यहां पे हमारे पास एडिटिंग के भी टूल्स आ गए, है ना, ये एड टेक्स्ट, एड यू नो इमेज, और यहाँ पे हमारे पास पूरे के पूरे टूल्स हैं जिनसे हम टेक्स्ट को जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली सेव करना है और यही जो आपका थंबनेल यहाँ पे शो कर रहा है यही आपके वीडियो के थंबनेल में शो करेगा, और साथ ही आपके पास एक फाइल भी आ जाएगी। और उसके बाद फाइनली आपको एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे रेंडर हो गया। ये जो रेंडर टाइम है ये टोटली डिपेंड करता है आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, आपके प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के ऊपर, और कितना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, मतलब जितना ज़्यादा इफेक्ट्स वगैरह आप अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो यहाँ पे टाइम लगेगा। तो ओपन फोल्डर, और उसमें ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये वीडियो आ गई, है ना, ओके। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये थंबनेल भी जो है हमारे पास आ गया, पहले भी मैंने एक्चुअली किया था तो ये उसका ये है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये हमारे पास थंबनेल आ गया बिल्कुल हाई क्वालिटी में जैसा हमने किया था, और ये हमारे पास फाइनल आउटपुट है। तो गाइज ये था कि किस तरीके से हम जो है अपनी फाइनल वीडियो को जो है वो शेयर करेंगे। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से जो है वो देख सकते हैं, बट रिकमेंडेड सेटिंग्स जो थी वो मैंने जो है वो आपके साथ शेयर कर दी है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने वीडियो एडिटिंग सीख लिया है। मतलब आप भी सोचोगे यार इतनी लंबी वीडियो कौन बनाता है, मैं बनाता हूँ ना, और मुझे पता है कि आपको अच्छे से जो है वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वेट, व्हाट अबाउट फिल्मोरा AI टूल्स? वेल, फिल्मोरा में जो भी AI टूल्स है और उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन है उसको हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो सब्सक्राइब फॉर अपडेट। अब आप एक वीडियो एडिटर बन चुके हो, सो प्लीज कमेंट में आप जरूर लिखिए नाउ आई एम ए वीडियो एडिटर। मुझे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए मेरे पर्सनल शेयरिंग चैनल तौसीफ खालिद को जो है वो आप प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।